हेलो जी। अच्छो, गुड इवनिंग। जाहिर सी बात है, फाइनल की क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फेस टू फेस बैच है। सी, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फेस टू फेस बैच और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के अंदर में। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के अंदर में 5 घंटे की क्लास कट कुट कट करके आपके हाथ में नेट आता है, पर फेस टू फेस की सबसे अच्छी बात यह होती है कि पहली बात होता है डिसिप्लिन। आप ईमानदारी से बैठते हो, क्योंकि आप लोगों का शायद वो पीरियड गया होगा कोविड वाला, जहां पे ऑलमोस्ट आपकी मैक्सिमम क्लास काय के अंदर में हुई होगी ऑनलाइन, एंड इनफैक्ट फाइनल की मैक्सिमम क्लास ऑनलाइन होने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो दोनों है, राइट? एडवांटेज ये है कि रात में 1 बजे देखने का मूड है, देख सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि 60 डेज की क्लास मिनिमम 90 डेज पे खत्म होगी। अग्री या डिसअग्री? बिल्कुल अगर। दूसरी बात क्या होता है, फेस टू फेस बैच के अंदर में डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन किस बात का? कि भाई मेरे को रोज जाना है और साथ साथ में हो जाएगा, एटलीस्ट इतना टाइम ऑफिस से निकाल के हो जाएगा। यस, क्योंकि ऑफिस वाले अदरवाइज तो छुट्टी देने से रहे। आई वेलकम यू ऑल, दिस इज सी ए विजय सारडा। बता दू आपको, ऑलरेडी इस सब्जेक्ट को मैं ले रहा हूँ 8 ईयर्स से, और इसी सब्जेक्ट को नहीं, फाइनल में मैं आपके इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C को भी साथ साथ में लूंगा, राइट? इस बार ये सारी बैच चालू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं, ताकि बैच ड्यूरिंग द बैच या बैच के पूरे टेन्योर के दौरान आपको सारी चीजें अच्छे से पता चल जाए। कुछ चीजें जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बैच टोटली डेडिकेटेड है फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड, इट कवर्स डायरेक्ट एज वेल एज इंटरनेशनल टैक्स। यस, पेपर 6C अलग, बट आप सभी को पता है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स को डिवाइड किया गया है, राइट? डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स के लिए है? एनीबडी? 70। वेर एज इंटरनेशनल टैक्स कितने मार्क्स के लिए? 30, राइट? तो ये 70-30 का रेशो है, जो पेपर मिला करके बनता है 100। अगर मैं नीड की बात करूं, तो आई थिंक मुझे ये बताना कोई बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए भी नया नहीं है कि ऑफिसर्स के अंदर में डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स के काम कितने होते हैं, राइट? मोर और लेस इंटरनेशनल टैक्स के काम तो फिर भी लिटिल, बट डायरेक्ट टैक्स का काम तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट आप मिड साइज फर्म में है या हाई फर्म में है या एक छोटी सी फर्म के अंदर में भी है, तो आपको डायरेक्ट टैक्सेस के काम मिलने ही मिलने हैं। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं उसमें से आपने कितना काम किया, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि काम जरूर होता है। यस, लेकिन अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे जितने बिजनेसेस है ये मल्टीनेशनल होने के कारण इंटरनेशनल टैक्स का जो स्कोप है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया है, हमें 130 मार्क्स के लिए इंटरनेशनल टैक्स दिया है। सर, हाउ 130 मार्क्स? 100 मार्क्स के लिए पूरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दिया गया है एज ऑफ नाउ, और दूसरा आपको 30 मार्क्स यहां पे भी कवरेज करके दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल टैक्स का भी स्कोप बहुत ज्यादा है, राइट? अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि तुम लोगों ने डेफिनेटली डायरेक्ट टैक्स को पढ़ा तो नहीं है पिछले 2.5 सालों में, सही? यस, है ना? आर्टिकलशिप में काम किया होगा, और काम तुमने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मेरे भी आर्टिकल है, मुझे भी पता है। यस, आई हैव ऑफिसेस, मैं साथ साथ में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं। आई हैव ऑफिस इन पुणे, हैदराबाद, नागपुर एंड जामनगर, सो आई हैव 4 ऑफिसेस विद अ पार्टनर ऑफ अराउंड 9 पीपल हु मैनेजेस ईच एंड एवरीथिंग, एंड टीचिंग इज वन सच थिंग जो मैं हमेशा से करता आया हूं, राइट? काफी सारे ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं जिसके अंदर में रोमांसिंग द टैक्सेशन अगर आप गूगल पे डाल करके देखते हैं तो आपको मेरा ही नाम मिलने वाला है। डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्स ही क्यों? बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा चेंज होती रहती है, सबसे पहली चीज, राइट? इट इज एवर चेंजिंग एंड एवर इवॉल्विंग। द सेकेंड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लोगों की इससे फटती है। बी प्रैक्टिकल। इनकम टैक्स का एक नोटिस क्लाइंट के पूरे होश उड़ा देता है। यस, तो जाहिर सी बात है एक ऐसी चीज में आप डील कर रहे हो जो हमेशा चेंज होने वाला है, एंड मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है, सेटल हो सकता है, चीजें सेटल हो सकती है। सो 70-30 मार्क्स का मालिक रेशो रहने वाला है। कब का अटेम्प्ट के लिए हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? 2023। हालांकि कोई बच्चा अगर 2022 के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसको इसमें सिर्फ अमेंडमेंट्स हटाने हैं जो हम लोग करने वाले हैं, बाकी मोटे मोटे तौर पे सारी चीजें सेम है। अमेंडमेंट को डिस्कस करते हुए कुछ बातें मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं। क्या 2023 के लिए बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है? आंसर इज नो। यस, हर साल बजट आता है और बजट के साथ साथ अमेंडमेंट आते हैं, लेकिन क्या 2023 के लिए बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है? आंसर इज नो, बहुत ज्यादा नहीं है, पर कुछ अमेंडमेंट जो है ये बहुत क्रूशल है।
कुछ अमेंडमेंट्स जो है ये बहुत क्रूशियल है। हालांकि वो अमेंडमेंट्स अगर हटा दिए जाएं तो ये कोई बच्चा अगर नवंबर दिसंबर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो ये परफेक्टली फाइन हो सकता है उसके लिए, सिर्फ उसको अमेंडमेंट बाजू रखना है। या फिर हो सकता है वो बोले कि मैं यू नो अटेम्प्ट तो दे रहा हूँ नवंबर में बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 23। तो मेजरली ये जो बैच है ये 2023 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अब आपको कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी, क्योंकि अमेंडमेंट वाला पार्ट है और बुक्स और सब्जेक्ट ये दोनों अमेंडेड हो रहे हैं, तो ये बुक्स जो आपको मिलेंगी ये पार्ट पार्ट्स में मिलेंगी। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले आपको रेगुलर बुक मिलेंगी। इस बार बुक के अंदर में मैंने काफी सारे चेंजेस किए हैं। पहला, बुक के डिजाइनिंग के ऊपर चेंज किया है, इसके कंटेंट के अंदर में बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं। आपको रेगुलर बुक मिलेंगे राइट सबसे पहले। सो ये दो या मैक्स तीन मॉड्यूल के अंदर में डिवाइड हो सकता है, वर्कआउट चल रहा है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने अभी तक मॉड्यूल वन बनाया है और मॉड्यूल टू ऑलरेडी रनिंग है, क्योंकि कई नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स ऐसे हैं जिसको उसमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वो एक नेक्स्ट फेज के अंदर में आएगा। तो सबसे पहले आपके बुक्स के अंदर में आपको मिलेगा रेगुलर बुक। सेकेंड आपको जो मिलेगा वो होगा क्वेश्चन बैंक। क्लास के अंदर में हम प्रैक्टिस करेंगे, जी हाँ, यहाँ पे हम क्वेश्चन एंड आंसर रीड आउट नहीं करने वाले, उसको ईमानदारी से सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इश्यूज आए हैं बच्चों के साथ वो ये है, डीटी उनको पता है, डीटी में उनने काम किया है, लेकिन वी ऑल नो मेरे भाई, वी ऑल नो मालिक, थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर वन एंड द सेम और डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। यस, किताबें हमें सिखाती हैं इनकम से टैक्स कैसे निकालना है, ऑफिस हमें सिखाता है टैक्स से इनकम कैसे निकालना है। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? हमने ऑफिसर्स के अंदर में क्लाइंट को फोन कर करके परेशान कर दिया कि भाई तू टैक्स भर दे, टैक्स भर दे। अल्टीमेटली सिचुएशन वही आती है, सर आप कितना भरोगे, उस हिसाब से पूरी रिवर्स वर्किंग होती है। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, वो अपने प्रैक्टिकल को यहां अप्लाई करने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो मैक्सिमम गलती कर देता है इस सब्जेक्ट के अंदर में। अगर एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से माने तो करीब करीब 23% बच्चा ऐसा है जो प्रैक्टिस की चीजों को यहां पे इंप्लीमेंट कर देता है, जिसके कारण वो आंसर सोचता है कि मैं सही लिख के आया हूं लेकिन वो सही लिख के नहीं आया होता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अगर मान लीजिए उसको रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो क्या करता है पता है, वो रिटर्न की तो डिटेल्स लिखता है दैट एवरी एसएससी नीड्स टू फाइल रिटर्न एंड समथिंग, पर उसके साथ साथ आईटीआर 1 फॉर दिस, आईटीआर 2 फॉर दिस एंड ऑल भी लिख करके आता है। ड्यू डेट्स आर जनरली दिस बट दिस कैन बी एक्सटेंडेड बाय नोटिफिकेशन। अब ये है उसका प्रैक्टिकल ज्ञान जो बिल्कुल उसके आंसर से मैच नहीं करता। और मैं पहले ही दिन आपको बता दूं, आंसर तीन प्रकार के होते हैं, राइट रॉन्ग आईसीआई। कितने प्रकार के होते हैं आंसर? तीन, राइट रॉन्ग आईसीआई, दैट इज इंस्टीट्यूट। हमें चलना तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही है। तो ये बता दूं आपको कि जो बुक्स बनी है इसके अंदर में इंस्टीट्यूट के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन लिए हुए हैं, मैंने पूरे नहीं लिए जानबूझ करके, कुछ क्वेश्चंस मैंने उसके क्वेश्चन बैंक में शिफ्ट कर दिए। तो जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे जिसमें कॉन्सेप्ट कवर थे उसको मैंने रेगुलर बुक में डाला है, दूसरा मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है। क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा राइट, क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपडेट होने के लिए वर्क चल रहा है उसके ऊपर, तो ये आपको सेकंड शिपमेंट्स के अंदर में मिलेगा। तीसरी चीज है डीटी चार्ट्स। जाहिर सी बात है रेगुलर बुक से एंड डे पे पढ़ना ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्ट टैक्स चार्ट्स आपकी हेल्प करेंगे कि उससे आप क्या कर सको, फटाफट रिवाइज कर सको। सो जब आपका एग्जाम डे होगा मालिक, उस टाइम पे आपने सिर्फ चार्ट्स और क्वेश्चन बैंक का सहारा लेकर के अपना कंप्लीशन करना है। इसके अलावा आप सभी को पता है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स आपका एमसीक्यू पेपर आता है। कौन सा पेपर आता है? एमसीक्यू, राइट। सो 30% आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, एंड बिलीव मी दिस एमसीक्यू आर नॉट डायरेक्ट एमसीक्यू, दीज आर ऑलवेज केस्ड बेस्ड एमसीक्यू। यस, दिस केस्ड बेस्ड एमसीक्यू इज नॉट जस्ट विद वन टॉपिक, इट कवर्स ऑल द टॉपिक टुगेदर। सो ऐसा हो सकता है कि जब आपको एमसीक्यू आए मालिक, ये 7 से 8 टॉपिक का मिलाकर के एक एमसीक्यू बने और उसके अंदर में आपको क्वेश्चन डेवलप हो, राइट। इसके साथ साथ आपको क्या डेवलप हो कि भैया इस एमसीक्यू में हो सकता है आपको सॉल्व भी करना पड़े। तो मैं एमसीक्यू जो दूंगा ये आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर में दूंगा, राइट, क्योंकि इसका फिजिकल बुक देकर के कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग, तो मैं ये आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। यू एंड योर फ्रेंड्स आर टोटली फ्री कि आप इसको अपने लेवल पे डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, या इसे ऑनलाइन सॉल्व करना चाहे तो ऑनलाइन भी सॉल्व कर सकते हैं। यस, ये जो एमसीक्यू का पीडीएफ है ये वेबसाइट के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो बुक्स के मामले में आपको कितनी मिलने वाली है? 3 फिजिकल बुक मिलने वाली है और 1 पीडीएफ मिलने वाला है, राइट। इस पीडीएफ को आप तभी हाथ लगाएंगे जब आप आपका डीटी एक बार एटलीस्ट सेल्फ रिवाइज कर चुके होंगे, मैं आप फ्रंट बता दूं, क्योंकि मैं देखो मटेरियल आपको आज पूरा दे रहा हूं लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम रिविजन करते रहेंगे, रेगुलर बुक से चार्ट से रिवाइज कर सकते हैं। एमसीक्यू तो ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ तभी हाथ लगाना जब आपने ये सारी चीज कंप्लीट कर लिया हो। पढ़ते वक्त नो डाउट क्वेरीज आ रही है, क्वेरीज आ रही है, ऑफिस की क्वेरीज आती है, दोस्तों के साथ डिस्कशन होता है, क्वेरीज आती है। आपको अगर कोई भी क्वेरी आ रही है प्लीज इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे,
राइट। अगर आप फेस टू फेस है तब तो मालिक सामने कर लो, लाइव स्ट्रीम में हो तब तो आप सामने कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेरीज आ रही है तो ये मेरा नंबर है 8956651954, जो आपके बुक के पेज पे भी दिया हुआ है, पेज के नीचे भी दिया हुआ है, राइट। आप बिल्कुल क्वेरी डाल दीजिए। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप कोई क्वेरी डाल रहे हैं प्लीज मिनिमम मेरे को 2 दिन का टाइम दे। रीजन बीइंग क्योंकि दिन भर पढ़ा रहे हैं, 8 से 10 घंटा पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। क्वेरीज जल्दी सॉल्व करवाने का एक सिंपल सा तरीका है, आप सिर्फ अपना नाम, अपना कोर्स दैट इज फाइनल CACA में आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो डाल दीजिए, और उसके नीचे अपनी क्वेरी डाल दीजिए। इतना लिख के पॉसिबल नहीं है, ऑडियो नोट डाल दीजिए, हम ऑडियो नोट में भी सुन लेंगे। पर हाँ ये बात जरूर बता दो, आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व होगी, राइट। अब आते हैं अमेंडमेंट्स को लेकर के, ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस पूरे जर्नी का, राइट। वैसे तो ये लेक्चर टोटली अपडेटेड है। अपडेटेड कैसे है? फाइनेंस एक्ट 2022, आप सभी को पता होगा कि आप लोग का अगर अमेंड, आप लोग का अगर एग्जामिनेशन 2023 में है, मई जून नवंबर और दिसंबर 23, तो आप लोगों को जो बजट लगने वाला है वो बजट 2023 नहीं, बजट 2022 लगने वाला है। ऐसा क्यों? आज का लेक्चर ही बस थोड़ा देर वेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। पर एक जो सबसे काम की चीज है, जो आपने लिख के रखना चाहिए इस पूरे पॉइंट में, जो जो मैंने लिख के रखा है इसमें, सबसे पहले आपने ये नंबर लिखना चाहिए क्वेरी का, और दूसरा पॉइंट आपने आपकी बुक के अंदर में लिखना चाहिए योर एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट इज 2022, योर एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट इज 2022, ठीक है मालिक। अब 2022 का बजट क्या ऑलरेडी आ चुका है? ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी आ चुका है, 1 फरवरी 2022 को। क्या वो बजट डिस्कस होकर के अप्रूव हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, यानी जाहिर सी बात है अमेंडमेंट्स पूरे के पूरे लॉक हो चुके हैं। अमेंडमेंट्स पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं? लॉक हो चुके हैं। अब एवरीवन इज रेडी कि वो क्लास कर सके। 2023 के लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि आप यू नो प्रायर टू योर अगस्त अपने बैचेस चालू कर दें। रीजन बींग क्योंकि ये करीब करीब यू नो 70 to 80 days का बैच होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी अमेंडमेंट, राइट। ये 70 to 80 days का बैच होता है, एवरी लेक्चर इज यू नो 3 or 3.5 hours का ये बैच होता है। तो इसके अंदर में मैक्सिमम आपके सारे अमेंडमेंट्स पूरे के पूरे कवर है, जो फाइनेंस एक्ट 2022 से लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कई अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं, राइट, जो यू नो हमें लगता है अमेंडमेंट तो है लेकिन उसको इंस्टीट्यूट डालता नहीं है अपनी किताबों के अंदर में। ये बात पहले बहुत अच्छे से समझिए। सपोज फाइनेंस एक्ट ने करीब करीब 80 अमेंडमेंट्स दिए, इस 80 अमेंडमेंट्स के अंदर में बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं डाले जाते। ये एक्ट में अमेंडमेंट है पर ये आपके सिलेबस में नहीं डाले जाते, राइट। तो बुक जब हम प्रिपेयर करते हैं हम तो सारे अमेंडमेंट कवर करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट्स यू नो हमारी बुक के अंदर में दिखे बट उसकी एप्लीकेबिलिटी अभी से ना हो, या उसकी एप्लीकेबिलिटी को डिफर कर दिया जाए नोटिफिकेशन ला करके। या दूसरी चीज ऐसी भी हो सकती है कि जब हम बुक बनाएं तो उसमें से कुछ नोटिफिकेशन या सर्कुलर ऐसे हो सकते हैं जो अब तक हमने कवर नहीं किए हो, तो इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर में या इसका एक सेपरेट शीट मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। बट इसके अलावा भी अगर कोई अमेंडमेंट्स आता है, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है, जैसे कि अगर मैं रिसेंटली बात करूं, एक रीअसेसमेंट आप लोग ऑफिस में रिसेंटली कर रहे होंगे सेक्शन 147 का, अगर आपने ऑफिस में काम किया है तो रीअसेसमेंट होता है सेक्शन 147 के अंदर में। बिलीव मी 7 दिन के बाद तुम अपने बॉस से इस पॉइंट पे झगड़ा करोगे, ये मेरा शर्त है, राइट। रीअसेसमेंट का जो असेसमेंट होता है इसको हाल फिलहाल में हाई कोर्ट पे चैलेंज किया गया है कि ये असेसमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये असेसमेंट ही क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसीलिए हो सकता है कि इसके ऊपर कोई जजमेंट आ जाए, राइट। कोई जुडिशरी जब अपडेट्स आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए या सर्कुलर आ जाए या कोई और चेंजेस आ जाए थिंग्स के अंदर में, ऐसी सारी चीजें अगर आप मई या जून अटेम्प्ट दे रहे हैं आपका 23 का, तो हम मार्च में इसे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करते हैं, चाहे अमेंडमेंट कितने ही हो, राइट। अभी लास्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो इट टुक 4 अमेंडमेंट लेक्चर, ईच नॉट लेस देन 5 आवर्स, अमेंडमेंट्स इतने थे। तो जो भी कुछ है अमेंडमेंट्स, वैसे आपके ये बुक के अंदर में 23 के लिए सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है, राइट। बट अगर कुछ आ जाता है तो ये मैं आपको सेपरेटली बता भी दूंगा, मई जून 23 के लिए मार्च तक के ये अपलोड हो जाएगा। अगर आप नवंबर दिसंबर दे रहे हैं तो ये सितंबर में यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, और इसका एक सेपरेट फाइल आपको टेलीग्राम और वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। आपके इसमें सारी चीज कवर्ड है, वो एडिशन है अगर किसी को चाहिए तो। आपको एप्लीकेबल क्या है मालिक? फाइनेंस एक्ट 2022, तो ये आपको याद रखना है, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और बेसिक चीजें, पहला कि
रजिस्टर जो होगा वो आपका 300 पेजेस का होना चाहिए, क्योंकि प्रोविजन और छोटे छोटे चार्ट्स हम लोग बनाते रहते हैं, और जितने क्वेश्चन जैसे अनसॉल्व क्वेश्चन है राइट, तो ये आपके हम क्लास में ही सॉल्व करते हैं, तो 300 पेजेस का रजिस्टर वुड बी सफिशिएंट इनफ, मिनिमम इसके अंदर में कवर्ड होगा। आपके जो नोट्स बनाए गए हैं ये प्योरली कलरफुल बनाए गए हैं, मैं फटाफट आपको नोट्स के थ्रू गाइड कर देता हूं ताकि आपको आपके नोट्स पूरे के पूरे समझ में आ जाए, क्योंकि डील आपको इससे ही करना है। अगर आप नोट्स देखोगे तो ये कंप्लीट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ आता है, जिससे एक मजा आता है बुक को पढ़ने में जगह जगह पे राइट, जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत है वहां वहां वो डाली गई है। जनरली अगर कोई भी अमेंडमेंट आया है, जैसे मैं इधर बता देता हूं, अगर कहीं पे भी कोई भी अमेंडमेंट आया है तो इस अमेंडमेंट को आपको रेड से डिनोट किया जाएगा और उसके आगे बाकायदा FA 22 लिखा होगा, जिसका मीनिंग होगा फाइनेंस एक्ट 2022। तो जहां जहां पे भी रेड कलर अलोंग विद दिस ब्रैकेट आया FA 22, वहां आपको समझना है ये अमेंडमेंट है राइट, और इस अमेंडमेंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसके ऊपर रही बात क्वेश्चंस की तो वो हम सेपरेटली कवर करेंगे। इसके अलावा सारे कंटेंट कवर करने के बाद, अब जैसे यहां आप देखोगे तो यहां पे अगेन फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट आया, तो वो हर जगह सेपरेटली शो किया हुआ है। आपके जनरल प्रोविजंस ब्लैक के अंदर में कवर्ड है, अमेंडमेंट्स आपके रेड के अंदर में कवर्ड है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे हाईलाइट करना है तो वो ग्रीन कलर के अंदर में आपको दिख जाएगा। तो कलर कॉम्बिनेशन बड़ा सिंपल है, जो आपके पहले पेज के ऊपर दिया हुआ भी है आपके बुक के। इसके अलावा अगर आप हर टॉपिक के पीछे देखोगे तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हुए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस्ड है जो खुद यू नो CBDT ने सर्कुलर के थ्रू दिए हुए हैं, कुछ बेहतरीन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, जैसे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर किए हैं और मॉड्यूल कवर किया हुआ है। तो एज आई सेड आपके मॉड्यूल के मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर में कवर्ड है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन इसके अंदर में कवर्ड है, कुछ बेस्ट रेफरेंस क्वेश्चन इसके अंदर में अवेलेबल है, और इसके अलावा यहां अगर कुछ बच जाता है, क्योंकि कई बच्चे मॉड्यूल कंसिडर करते हैं और करना भी चाहिए टाइम है, तो अगर कुछ बच जाता है तो वो हम कहां कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में कवर कर रहे हैं। यानी ये दोनों मिला करके आपको कंप्लीट पैकेज बनेगा और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, चलिए अब बढ़ते हैं साहब आगे। जगह जगह पे एक और चीज आपको दी हुई है, रेलेवेंट केसेस। मैं दो बातें आपको बहुत अच्छे से बता दूं और क्लैरिटी दे दूं। सबसे पहली चीज, आप मुझे बताइए क्या सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी है? दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट मेरे से हमेशा एक बात पूछता है, मालिक क्या सेक्शन नंबर याद रखना है क्या, या सेक्शन नंबर कैसे याद रखें? इसका जवाब मैं बड़े प्यार से देना चाहूंगा आप सभी को, प्लीज मुझे बताइए। आई थिंक अब आपका एक साल DT पढ़ के हो गया और आई गेस इसमें मिनिमम 2 साल प्रैक्टिस करके हो गया होगा ऑफिस में। कितने सेक्शन है इनकम टैक्स में? रफ आइडिया 300, 400, 500, 600, 298। बाकी साहब बिल्कुल सही जवाब है, 298 सेक्शन है इनकम टैक्स में, बट बिलीव मी दीज आर नॉट 298। एक दिन मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया था इस सब्जेक्ट के साथ, ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि अमेंडमेंट ही इतने यार, हर 6 महीने के अंदर में पढ़ो, अमेंडमेंट ही इतने। तो एक दिन सर फिरा के मैंने अमेंडमेंट के साथ मैंने सेक्शन गिनने चालू किए, 758 सेक्शन है साहब। कितने? 758। पूछो कैसे? पूछो भाई कैसे? हाँ, ये ऐसे कि ये जब इनकम टैक्स वाले सेक्शन लिखते हैं ना, तो ये सिर्फ सेक्शन 80 को सिर्फ 80 लिखते हैं, लेकिन इसके आगे 80C, 80D, 80E, 80EE, 80F, ये जितने सब लगा रखे ना इन्होंने ABCD, ये काउंट नहीं किया जाता। सो दैट्स हाउ इट बिकेम जस्ट 298 सेक्शन रादर देन 758 सेक्शन। समझ में आई बात? तो आपको बेवतूफ बनाया जा रहा है कुल मिला करके। तो 758 सेक्शन पढ़ने हैं। अब आते हैं मेन सवाल पे, क्या मेरे को सेक्शन नंबर याद रखना है? आंसर इज टोटली नो, सेक्शन आपको याद नहीं रखने। हालांकि कुछ सेक्शन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली आज है, अदरवाइज ये टोटल एक फुटाइल एक्टिविटी है जिसके अंदर में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा राइट। ये बिल्कुल अननेसेसरी एक्टिविटी है, रादर वो प्रोविजन को 2 बार पढ़ लेना। तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसको मैं आपको बोल दूंगा कि बेटा इसको लर्न ही कर लेना है, नंबर को ही लर्न कर लेना है, अदरवाइज बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट ना करें। दूसरा, केस लॉस। सर क्या केस लॉस के नाम याद रखना जरूरी है क्या? देखिए केस लॉस 2 प्रकार के हैं, केस लॉज मालिक 2 प्रकार के। पॉइंट नंबर 1, जो ओल्ड केस लॉ हो चुके हैं, दैट इज प्रायर टू 2022, लैंडमार्क जजमेंट्स है ITAT के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स है राइट, इसका आपने सिर्फ जिस्ट भी पढ़ लिया तो काम खत्म हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे एक TA कुरेशी जजमेंट दे रखा है,
1970s का जजमेंट है, लेकिन जजमेंट आज भी रेलेवेंट है। अब इसका पूरा टेक्स्ट पढ़ के आपको कोई लॉजिक है क्या? आंसर इज नो। आप क्या बोलना चाहोगे एज अ एवरेज स्टूडेंट? आप बोलोगे सर केस क्या था और हेल्ड क्या हुआ। सो जो केसेस बहुत पुराने हो चुके हैं जिसका हमें सिर्फ जिस्ट की जरूरत है वो हमने यहां कवर कर लिया है, और जो केस एकदम नए होंगे और बिल्कुल फ्रेश होंगे तो वो आपको जो आपका चार्ट सारा है उसके साथ भी मिल जाएगा, या फिर जो मैंने आपसे कहा आगे वाला जो आपका मॉड्यूल रहेगा उसके साथ भी आपको मिल जाएगा। सो केस लॉस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है मालिक, सेक्शन का नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों फुटाइल एक्टिविटी है। जो सिर्फ रीसेंट जजमेंट्स होंगे 2022 एंड 2023 के जो रीसेंट जजमेंट्स होंगे ये आपके काम के हैं, इसके अलावा कोई काम के नहीं, उसमें भी स्पेसिफिक ही नाम याद रखना। तो मेहनत करनी है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में मेहनत करना, मेहनत अननेसेसरी चीजों के अंदर में मत करना। गेटिंग इट? अच्छा जी सर। सर अब कुछ और बातें मैं आपको बता दूं, रिसेंटली टैक्स के अंदर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, रिसेंटली टैक्स के अंदर में बहुत 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 सारे चेंजेस हुए हैं। सम ऑफ देम आर, पहले जो आपने टैक्स पढ़ा था, आपसे पहले इंटर लेवल पे जो आपने टैक्स पढ़ा था, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि मिनिमम 2 ईयर्स पहले आपने किताबों को हाथ लगाई होगी डायरेक्ट टैक्स की, और मैं इस पूरे लेक्चर भर मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको टैक्स का जीरो आता है। ये अजम्पशन सही है पढ़ाने से पहले? मैं ये बिल्कुल अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, कि आपको टैक्स का जीरो आता है, तो मेरा पढ़ाने का जो स्पीड रहेगा ये बिल्कुल मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, मैं इस अजम्पशन से ही पढ़ाऊंगा कि तुम्हें इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं आता बिल्कुल। और तीसरा, मेहनत करोगे तो मेरे साथ टिकना, नहीं तो मत टिकना अपफ्रंट, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करवाते करवाते आपकी जान ले लूंगा कि भैया मेरे को सॉल्व चाहिए, मतलब चाहिए इंक्लूडिंग द टेस्ट पेपर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चा यहीं पे ही एग्जम्पशन ले और उसके साथ ही आगे बढ़े, कि एटलीस्ट ग्रुप टू में एक तो ऐसा सब्जेक्ट हो जो साला इंटरेस्टिंग भी हो और जिसमें मार्क्स भी स्कोर कर सको, राइट। पहला है SPCM, आप देख लो वो क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है, राइट। दूसरा आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है, बचता है DT और GST। एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो जो इंटरेस्टिंग भी हो और जिसमें स्कोर करने की भी इच्छा हो। मेरा एक वादा है इस पूरे लेक्चर भर आपसे, ये आपके दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर होगा, ये बिल्कुल वादा है। आप ऑनलाइन देख रहे हो, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव देख रहे हो, फेस टू फेस देख रहे हो, आपके दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर रहेगा, क्योंकि आप रोज कुछ ना कुछ नया आप यहाँ से जरूर सीख करके जाएंगे। और हाँ, जब भी यहाँ से कुछ सीख करके जाओ प्लीज जाकर के अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, सबके साथ डिस्कस करना, छोटे जूनियर्स के साथ डिस्कस करना, क्योंकि जब डिस्कशन करोगे तो नई चीजें बाहर आएगी, जब नई चीजें बाहर आएगी तो आपको भी कुछ चीजें पता चलेगी और आप भी उन्हें कुछ चीजें बता पाओगे। फ्यू थिंग, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, नोट्स बनाते वक्त हो सकता है कहीं पे स्पेल एरर हो सकती है, ये एक प्रोसेस है और मुझे हर बार बताना पड़ता है कि कई बच्चे जो ऑनलाइन में होते हैं जिन्होंने हमें फेस टू फेस में नहीं देखा होता है या हमारी मेहनत नहीं देखी हुई होती है, वो ये बोलते हैं कि यार ये स्पेलिंग ये हो गई वो हो गई, ये गड़बड़ होती है। समझिए सर, हम ह्यूमन हैं, गलतियाँ जो नोट्स बनाते हैं उनसे हो जाती है कई बार, तो अगर ऐसी कुछ गलती हो जाए प्लीज़ याद रखिए ये इंटेंशनल नहीं है। एट द सेम टाइम प्रोविजन बोलते वक्त भी ऐसा हो सकता है कि कई बार हो जाती है, बट ये इंटेंशनल नहीं होगा, और जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा ये आपको ज़रूर कम्युनिकेट की जाएगी, यार ये ऐसा नहीं, ये पॉइंट था और शायद मैंने ऐसा कुछ बोल दिया है, राइट। अच्छा, जितने बच्चे ऑनलाइन ड्राइव पे ये लेक्चर ले रहे हैं, बस एक सिंपल सी बात बेटा, जब भी ये लेक्चर फेस टू फेस में रिकॉर्ड होगा इसके नेक्स्ट डे ये क्या होगा, गूगल ड्राइव पे अपडेट होगा। तो जो बच्चा फेस टू फेस में यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं, मान लीजिए अगर किसी रीजन की वजह से आपका वो पर्टिकुलर डे पे नहीं आ पाया तो आपका ये सीधा नेक्स्ट डे के लेक्चर से पहले क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा, राइट। 6 से लेकर 9:30 तक का टाइम है, और हो सकता है फेस टू फेस वालों के साथ डिस्कस करके, अगर इनके ऑफिस का टाइम है तो हम 10-15 मिनट आगे पीछे भी कर सकते हैं अगर आप लोग ये डिमांड करते हैं तो। अदरवाइज ये लेक्चर 6 से चालू होगा, एट अ स्ट्रेच हम 2 घंटे का पूरा एक साथ लेंगे, उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक देंगे और उसके बाद आपका आगे का पीरियड कैरी किया जाएगा, राइट। सो दिस लेक्चर कम्स विद अ ब्रेक, डन है मालिक। तो ये हो गई पूरी ज्ञान की बात है, और कोई सवाल आपके मन में होगा तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा बाद में, या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ऑनलाइन भी कनेक्टेड है और फेस टू फेस भी कनेक्टेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन के सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इंटरनेशनल टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू कंप्लीट द डायरेक्ट टैक्सेस एंड देन विल कंप्लीट इंटरनेशनल टैक्स। रीजन बीइंग, आपको पहले DT का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो IDT का नॉलेज ले पाओगे, अदरवाइज दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, और GST का नॉलेज ले पाओगे, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स में भी आपको डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज होना जरूरी है कि उसका इंपैक्ट यहाँ पे किस तरीके से पड़ेगा। यस, चलिए तो शुरुआत करते हैं विथ अ सिंपल मोटो। हम सभी के साथ एक मोटो है और वो मोटो है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सिंपल है, राइट। तो आप भी पढ़िए और डेली कुछ ना कुछ सवाल सामने लेकर के आइए।
पर इससे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और बहुत सिंपल सवाल है, सिंपली जवाब दीजिएगा, सबसे जवाब एक्सपेक्टेड है, क्यों करना चाह रहे हो इस कोर्स को? देखो यार, एक मोटिव अपन सबको मालूम है मालिक, पैसा कमाना है, दूसरी चीज चाहिए इज्जत, ये दोनों इस कोर्स में मिल जाएगी, बट अल्टीमेट एम क्या है? ये सवाल बहुत सोच समझ के पूछा जा रहा है, रीजन बीइंग यही सवाल ना इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, यही सवाल है जो आपको बार बार क्वेश्चन रेस करेगा, क्योंकि जब आप इस कोर्स के अंदर में हो ना मेरे भाई, तो कई बार ऐसा होता है, स्पेसिफिकली जब हम फाइनल में आ जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं कम, आप सोच करके देखना, हमारे दोस्त कम हो जाते हैं, छुट्टी नाम की तो चीज खैर रहती ही नहीं है, क्लाइंट का काम हमारा काम है, वो उसका काम थोड़े ना, और जिस दिन बिल निकलता है ना उस दिन हमें समझ में आता है कि हमारे हाथ में तो चिल्लर आ रही है, असली काम तो हम ही कर रहे हैं बट पैसे वो लेकर के जा रहे हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट इसके बावजूद भी यार हम लगे पड़े हैं, हम हमारा बर्थडे छोड़ रहे हैं, हम सारी चीजें छोड़े जा रहे हैं, बट इसके बाद भी ये कोर्स करे जा रहे हैं, शायद अटेम्प्ट भी लग चुका है, कर क्यों रहे यार, क्यों कर रहे ये तो बताओ, प्लीज टेल मी योर गोल्स, क्या करना चाहते हो इस कोर्स को करके? पैसा कमाना है, मैं तुम्हें एक मोटिवेशन दे सकता हूं सिर्फ, वो मोटिवेशन ये है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 4 या बहुत हो गया तो 5 साल तुम्हारी जितनी जरूरतें और इच्छाएं हैं ना ये खत्म हो चुकी होगी, तुम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, मैं ये मोटिवेट कर रहा हूं तुमको, रीजन मींग आज जब तुम जॉब चालू करते हो, सपोज अगर जॉब में जा रहे हो तो मिनिमम पैकेज तुम्हें 7 या 8 लगता है मिनिमम, जिसको अटेम्प्ट लगे हुए हैं, ठीक है, मिनिमम 7 से 8 लाख का पैकेज लगता है, अगर 8 लाख का पैकेज भी लग रहा है ना सेट, तो आप सोच करके देखो यू आर अर्निंग टेंटेटिवली 60 to 70 thousand आफ्टर डिडक्शन एंड ऑल, 70,000 रुपए के अंदर में। अब देखो हमारी 4 साल की जो गरीबी है, ये जो हमने CPT से लेके यहां तक के लेके आई है, गरीबी भूखमरी राइट, ये सब तो खत्म हो जाएगी, कितने ड्रीम्स हमारे ले देके, छोटे से ड्रीम्स है, ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, ब्रांडेड मोबाइल और गैजेट्स चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पहली सैलरी से माँ बाप के लिए कुछ चाहिए, और वो जो अपने गरीब भाई बहन है जो चिल्लाते रहते तो सीए बढ़िया तो दे दे, वो वाली चीज हो सकती है, बट मैं जानना चाहूंगा क्यों करना चाह रहे हो, क्या एम है? ये सीखने में इंटरेस्ट था, करने में इंटरेस्ट था, लेकिन पता नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है, अब क्या लगता है? नहीं, DT का फोबिया वो मैं दूर कर लूंगा, आपको क्या लगता है? पैसा और इज्जत तो है, इसके अलावा क्या लगता है और क्या चाहिए इस कोर्स से मैम? परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है कि फैमिली में किसी ने नहीं किया, तो मैं तो कुछ अलग करूं, खैर मेरी स्टोरी भी ओके भाई, ठीक है, आप सर साइंस नहीं चाहिए था बस जीवन में, इसके लिए जिसके लिए इस कोर्स के अंदर में साइंस नहीं चाहिए लाइफ में, बाकी सब चलेगा। खैर मैं आपको एक बात बताऊं, आई थिंक 80 to 90% बच्चा जो इस कोर्स के अंदर में आता है ना, वो सबसे पहला यही चीज से आता है कि मेरे को चाहिए पैसा और इज्जत, ये चालू वो यहीं से करता है, ठीक है, चालू यहां से करने के बाद पता है क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, और आगे जा करके ना कहीं एक जगह पे वो लॉस्ट हो जाता है, सबके साथ होता है, कुछ फाउंडेशन में हो जाता है, कुछ इंटर में होता है, और फाइनल में तो डेफिनेटली वो हो ही जाता है, क्योंकि फाइनल के अंदर में ना उसको दीन दुनिया और खुद से भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यहां तक आते आते बहुत कुछ हो जाता है, एक शायद लड़की या लड़का जिसको लाइक करते हैं वो जीवन से जा चुका होता है, दोस्त नाम की चीज खत्म हो चुकी होती है, कर क्यों रहे हैं जीवन में समझ नहीं आता, और कर क्या रहे हैं ये भी समझ नहीं आता, पर मैं एक चीज आपको बताऊं, आप उस लेवल पे बैठे हैं जिस लेवल पे आने का लाखों लोगों का सपना होता है, इमेजिन करके देखिएगा फाउंडेशन के अंदर में कितने लोग साथ थे, सोच करके देखो इंटर लेवल पे कितने लोग साथ थे, और अब फाइनल पे देखो तुम्हारे साथ कितने लोग आजू बाजू बैठे हैं, तुम उन शायद 3 या 4% में से हो जो इस लेवल पे पहुंचने का दम रखते हो, ये क्वेश्चन बहुत पहले ही तुम खत्म कर चुके हो कि तुम इस लायक हो कि नहीं, क्यों? क्योंकि तुम फाइनल लेवल पे खड़े हो। मैं इस बारे में डाउट नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें 1 या 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं, ओ कम ऑन प्लीज, ये हमारे कोर्स का बेसिक रूल है, अटेम्प्ट लग जाए, ठीक है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिलीव मी तुम्हारे अटेम्प्ट ये डिसाइड नहीं करते कि तुम तुम्हारी लाइफ को कहां लेकर के जाओगे, पर हाँ ये चीज है कि जब तुम आज अपने घर पे जाते हो ना, मे भी तुम्हारे सामने नहीं पर तुम्हारे डैड बहुत प्राउड से कहते होंगे, ये लड़का या ये लड़की बस एक एग्जाम है
सीए कंप्लीट कर देंगे, सीएस सीएम है, जो भी कोर्स प्रोफेशनल कोर्स तुम कंप्लीट कर रहे हो कंप्लीट कर देंगे। हमारी माँ वेट कर रही है इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। एंड अबव ऑल, अब सच में लगता है कि घर पे पैसे मांग के नहीं होगा, जो करना है खुद से करना है। और बस मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज जिसके लिए कर रहे हो ना आप, इंक्लूडिंग मैं, यार किसी दिन ना मम्मी पापा को शांति से कहीं बैठे हुए देख करके उनको मुस्कुराते हुए देखना है। बिलीव मी, बाकी पैसा ऑटोमेटिक फ्लो होता है, ऑटोमेटिक फ्लो होता है। कोई भी चीज जब तुम दिल से करते हो ना तो ये चीज ऑटोमेटिक फ्लो होती है। पैसा दिल से फ्लो, पैसा ऑटोमेटिक फ्लो होगा, सारी चीजें फ्लो होगी। बट तुम्हें चाहिए कि किसी दिन तुम मॉल के अंदर में जाओ, अपनी मम्मी पापा को लेकर के अपना कार्ड थमाओ, तुम वहां पे बोलो कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जिस चीज पे पसंद आए, जो चीज पसंद आए ले लेना, जो चीज पसंद आए, जैसी चीज पसंद आए ले लेना। और ये दिन जब हमारे मम्मी पापा जो हमसे सबसे ज्यादा खुश हो, उस चीज के लिए तुम कर रहे हो। मैं जानबूझ के आपको ये पहले दिन बता रहा हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि किसी भी मेहनत को स्टार्ट करने से पहले ना हमारे पास एक एम होना चाहिए कि यार हम उस मेहनत को क्यों करें। क्लास एक बहुत बड़ी मेहनत है, आप इसमें करीब 200 से 250 आवर्स का आप टाइम डालने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मेहनत है, और मेहनत करने से पहले एक तो मोटिवेशन होना चाहिए यार करना क्यों है। आप उस एक दिन के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको पता है, आप उस एक दिन के लिए मेहनत कर रहे हो जिस दिन आपके मम्मी या आपके पापा या शायद दोनों आपके ऑफिस का रिबन काटेंगे, और जो चेयर है ना वहाँ पे जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा सीए सीएस या सीए में जो भी आप कर रहे हैं, और उस चेयर पे आपको आपके पापा को बैठाना है। ये दिन के लिए आप ये काम कर रहे हो। आप इस दिन के लिए काम कर रहे हो कि रोज आप अपने बॉस को देखते हो, रोज आप अपने बॉस को देखते हो कि यार सारा काम तो हम कर रहे हैं, ये आदमी तो सिर्फ चेयर पे बैठा है, लाइफ इसके जैसी होनी चाहिए। आपको लाइफ उस जैसी बनानी है, और उस जैसे बनाने के लिए ना हम सबको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और ये थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत हमें रोज आगे बढ़ाती है। कुछ गलतियां जो आपने पता है पास्ट में की है, बस यहाँ पे अवॉइड कर देना। पॉइंट नंबर पहली, क्लास पूरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद रिविजन करना चालू करेंगे। हुई है हम सबसे ये गलती, बाद में हुआ रिविजन कभी? कभी नहीं हो पाया ना, बस यही होता है। एक गलती बस रोज करना मत, रोज जाना। मैं आपको 3 घंटे में जितना जो कुछ पढ़ाऊं, ये आप भी जानते हैं, 30 to 35 मिनट्स में आप बस वो वापस रिवाइज करवा लोगे। रैंक लाना है तो सीधा सीधा मैकेनिज्म है। लास्ट अटेम्प्ट की बात बताता हूं मैं आपको, AIR 44 वॉज द स्टूडेंट, CMA फाइनल के 3 AIR, इंटर लेवल पे 3 AIR, यानी AIRs हमारे साथ होते हैं। पर आपको पता है हम इन AIRs को क्या बोलते हैं? ये हमारे स्टूडेंट है, पर हम इन AIR को क्या बोल रहे हैं आपको पता है? हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, बी कंसिस्टेंट। यहाँ पे वो बच्चा पास नहीं होता जो यू नो जो 90% लेकर के आया ट्वेल्थ में। नाउ यू आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड ट्वेल्थ के परसेंटेज यहाँ पे कोई लेन देन नहीं होते। यहाँ वो बच्चा पास नहीं होता जो ओवर कॉन्फिडेंट है। यहाँ वो बच्चा भी पास नहीं होता तो दिन दिन भर लाइब्रेरी में बैठा होता है। इस कोर्स में वो बच्चा पास होता है बस जो कंसिस्टेंट है। तो अगर आपको स्कोर अच्छा करना है पूरे ग्रुप के अंदर में, या इनफैक्ट बोथ ग्रुप के अंदर में, या रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो, बस एक चीज कर लेना, जितना पढ़ा रहा हूँ राइट, जितना पढ़ा रहा हूं 100% पढ़ लेना और घर पे जाके रिवाइज कर लेना। दैट्स इट, खत्म हो जाएगा काम। इज दैट डन? लेट अस स्टार्ट मेरे भाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये आया कहां से? आखिर ये जो सब्जेक्ट है इसकी कुछ हिस्ट्री रही होगी ना। इट्स अ लॉ, इनकम टैक्स इज अ लॉ। तो ये लॉ आया कहां से, आखिर लाया किसने, और ये कैसे डेवलप हुआ, फर्स्ट टाइम किसने रेफर किया? अगर मैं भारत की बात करूं, हमारा देश हमेशा से समृद्ध देश रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट यहां से निकले हैं, जिनमें से बहुत ब्रीफ हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो चाणक्य जी को हम सब जानते हैं राइट। चाणक्य नीति उनकी एक फेवरेट बुक, फेमस बुक है, साथ साथ में बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी है। तो एक डिस्कशन हुआ किसके बीच में? चाणक्य जी के बीच में और राजा जी के बीच में। चाणक्य जी कहते हैं कि हे राजा, अब से हम कर लगाना शुरू करेंगे। क्या लगाना शुरू करेंगे? कर लगाना शुरू करेंगे। इनकम टैक्स को हिंदी में कर कहा जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दैट इज डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस राइट। अब से हम कर लगाना शुरू करेंगे। राजा जी पहली बार ये शब्द सुन रहे थे, राजा जी बोलते हैं ये क्या कह रहे हैं आप, क्या क्या लगाएंगे हम? उन्होंने बोला हम टैक्सेस लगाएंगे, हम कर लगाएंगे। उन्होंने कहा इससे क्या होगा, क्या फायदा क्या होगा टैक्स लगा करके? सर ये होगा इस तरीके से, जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ एंड गिव इट बैक एज रेन, हम भी लोगों से कर वसूल करेंगे और इस कर का इस्तेमाल करेंगे अगेन उन्हें ही सुख सुविधा देने के लिए। यानी द टैक्सेस वी कलेक्ट इज अल्टीमेटली यूटिलाइज फॉर पब्लिक सर्विसेज, फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो बिल्कुल यही चीज हुई, चाणक्य जी ने कहा जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ
एंड गिव इट बैक एज रेन, एक सिंपल सा प्रोसेस बारिश का। ठीक उसी तरीके से हम टैक्सेस लेंगे और अलग अलग चीजों के लिए यूज करेंगे। तो आज देखिए, आज पब्लिक मनी अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है। एक भी बार अगर बजट देखने का मौका मिला होगा, नहीं तो अब देखना कभी, 1 फरवरी को हर साल बजट आता है, आप देखोगे भारत का जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन है डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ये सारे कलेक्शन को अलग 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 मिनिस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कई पब्लिक वेलफेयर्स के लिए यूज किया जाता है। यस, रीसेंट टाइम्स के अंदर में कोविड हुआ, कोविड के अंदर में आपको वैक्सीनेशन फ्री में मिली, पर आप ये सोचिए भारत सरकार ने तो इसको कहीं से खरीदने के लिए कॉस्ट लगाई होगी, पर ये जो वैक्सीनेशन आई, आज हमने 135 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया, इसकी कॉस्ट कहां से डेवलप हुई? कई सालों से सेस यूज हो रहा था, सेस कलेक्ट किया जा रहा था, एडुकेशन एंड हेल्थ सेस, ये सेस यूज हुआ, आपके टैक्सेस यूज हुए। आज हम बहुत महफूज तरीके से सो पाते हैं बिकॉज आर्मी और पुलिस हमारी रक्षा कर रही है। इनकी सैलरी कहां से आती है? यहीं से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है, राइट? रोड के ऊपर आप जाते हो, गड्ढा आ जाता है, गड्ढे के अंदर में हमारी एक चीख निकल जाती है, अरे क्या है इतना हम टैक्सेस भरते हैं, उसके बाद भी ऐसा। सर करोड़ों के फ्लाईओवर, करोड़ों के यू नो रोड्स बनाए जाते हैं, ये सारा मनी कौन सा होता है बेटा? टैक्सेस से आया हुआ मनी होता है। सो ये कंसेप्ट वहां से शुरू हुआ। लेकिन हाँ, चाणक्य जी को कोई याद तो करेगा नहीं सब्जेक्ट के अंदर में। यस, शुरुआत तो यहां से हुई, लेकिन ये एक्ट के प्रारूप में कब बना? इसके बाद अगर आपको याद हो तो इस सोने की चिड़िया पे ब्रिटिश रूल्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने ले लिया, और पहली बार 1860 में सर जेम्स विल्सन, ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इनकम टैक्स, इस व्यक्ति को फादर ऑफ इनकम टैक्स भी कहा जाता है। 1860 के अंदर में सर जेम्स विल्सन ने पहली बार इनकम टैक्स को लॉन्च किया। पूछो क्यों? पूछो ना भाई क्यों, क्यों लॉन्च किया? इस टाइम पे ब्रिटिश सरकार वार लड़ रही थी, ब्रिटिश सरकार जो थी ये वॉर लड़ रही थी, और वॉर के खर्चों को निकालने के लिए इन्होंने 1860 में पहली बार इनकम टैक्स को एक टेम्पररी रूप के अंदर में लॉन्च किया गया। ये टेम्पररी टैक्स 5 साल के लिए कलेक्ट किया गया। ये टेम्पररी टैक्स कितने साल के लिए कलेक्ट किया गया? 5 सालों के लिए कलेक्ट किया गया। 5 सालों के बाद इसे बंद कर दिया गया। 1886 में फिर एक बार वॉर की स्थिति आई, और इस बार एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट को ही क्या कर दिया गया? लॉन्च कर दिया गया। देन इट वाज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 1886 के अंदर में एक सेपरेट इनकम टैक्स को लॉ बनाया गया। इसके पहले ये लॉ ना हुआ करता था, ये सिर्फ क्या किया जाता, कर बोल करके, महसूल बोल करके कलेक्ट किया जाता था, लैंड रेवेन्यू का पार्ट था ये। लेकिन पहली बार कोई एक्ट बनाया गया 1886 के अंदर में। अगेन इसे भी सिर्फ टेम्पररी ईयर्स के लिए ही रखा गया। बाद में ब्रिटिश सरकार बहुत ज्यादा खर्चा करने लग गई, किस चीज के अंदर में? ये जो आंदोलन करना आ गए थे इंडिपेंडेंस के लिए, इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा होता था, और इन्होंने उसे परेशान करने के लिए 1922 के अंदर में, ध्यान से सुनिएगा, 1922 के अंदर में पहली बार जो एक्ट 1886 में बना था, 1922 के अंदर में उन्होंने इस एक्ट को अमेंड किया और इसे नए फॉर्म में पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस किया, और इस एक्ट को कहा गया इनकम टैक्स एक्ट 1922। आज भी जब आप बैर एक्ट उठा करके पढ़ोगे तो कई जगह पे लिखा है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑब्लिक करके लिखा होता है इनकम टैक्स एक्ट 1922। तो कई प्रोविजन ऐसे हैं जो 1922 से है, जिसको 1961 में भी क्या किया गया, कैरी किया गया। सो अगर इनकम टैक्स का फर्स्ट लॉन्च आप देखा जाए तो 1922, जिसको एक पूरे कंप्लीट फॉर्मेट में रखा गया। 1922 के बाद हमारे देश को मिली आजादी इन द ईयर 1947। 1947 में आजादी के बाद इस लॉ को चेंज करने की जरूरत थी। अगेन पूछो क्यों? पूछो भाई। हाँ, रीजन ये था कि इनकम टैक्स एक लॉ है, और लॉ में जगह जगह पे लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब अगर कोई भी लॉ को अमेंड करना है, अगेन अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। पर 1947 में तो हम आजाद हो गए थे, आजाद भारत का आजाद पार्लियामेंट था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट तो था ही नहीं। तो अब मुझे बताओ, लॉ रेलेवेंट रहा या रिडंडेंट हो गया? रिडंडेंट हो गया। दूसरी बात, सारे पावर, अब पहले के जितने भी पावर थे, ये गवर्नर के हाथ में थे, किंग के हाथ में थे, राइट? अब सारे पावर को करना था सेंट्रलाइज, क्योंकि राजे गए, रजवाड़े चले गए, अब सारा पावर हो गया सेंट्रलाइज। यस, श्री वल्लभ भाई पटेल, देश को एक कर दिया, अब पावर आ गया सेंट्रलाइज, अब सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंडक्ट द पावर। तो ये जो 1922 में लॉ बनाया गया था, अब ये रेलेवेंट ही नहीं बचा, और अब जब ये रेलेवेंट नहीं बचा,
तो 1961, इट टुक कपल ऑफ इयर्स, 1961 के अंदर में आपका फाइनल एक्ट जो आज आप पढ़ रहे हैं 1961 को लॉन्च किया गया। क्या जरूरत थी 1922 के बाद 1961 को लाने की? सिर्फ एक। क्या जरूरत थी? सिर्फ एक। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर के वर्ड यूज कर रहा था और ये वर्ड हमें चाहिए नहीं। यहां मल्टीपल एरियाज के कवरेज थे, यहां पे सिर्फ एक भारत का कवरेज था और इसी के लिए इनकम टैक्स एक्ट को लाया गया 1961 के अंदर में। एक्ट आया 1961 में लेकिन रूल्स आए 1962 में। अब आपके मन में एक सवाल पहला आज ही डाल रहा हूं, एक्ट 1961, रूल्स 1962, ऐसा क्यों? जनरली इंडिया में जब भी आपको लॉ पढ़ते हैं एक्ट और रूल्स दोनों भी सेम ईयर के होते हैं, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स को ध्यान से देखेंगे तो एक्ट और रूल्स दोनों अलग अलग ईयर्स के हैं। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, ये सवाल आज मन में रखिएगा, घर जाने से पहले इसको क्लियर कर दूंगा और आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा कि इसके पीछे ये लॉजिक था। तो चलिए सवाल बताइए क्या है। सवाल क्या है? एक्ट 1961 वेयर एज रूल्स इन 1962, व्हाट इज द रीजन? हिस्ट्री यहां तक के मेरे साथ रिवाइज कीजिए। इनकम टैक्स को लाने वाला व्यक्ति का नाम ये बड़ा होके एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है? पहली बार इनकम टैक्स एक्ट कब बना? 1922। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद अपना एक्ट कब बना? 1961। क्लियर है मालिक? सारी चीज नोट्स में लिखी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट नहीं है तो आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करिए, ज्यादा बेटर है, राइट? अच्छा जी, अब आते हैं इसके आगे, एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्स। Does income tax extend to whole of India? Answer is yes, including Jammu Kashmir. Even prior to the removal of article, income tax was always a part of India, the whole of India, including Jammu and Kashmir. Reason being, from the old era as well, income tax was collected as a part of land revenue. ध्यान से सुनिए इस हिस्ट्री को, ये हिस्ट्री बड़े काम की चीज है। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और आसाम, ये तीन स्टेट ऐसे थे जो इंडिया में बाद में मर्ज हुए। जो इंडिया के अंदर में कब मर्ज हुए? बाद में। ये 1947 में मर्ज नहीं हुए, ये बाद में मर्ज हुए स्टेट थे। अब इन्हें प्रॉब्लम क्या थी? इनके पॉलिटिकल एजेंडास थे, इनके राजा के पॉलिटिकल एजेंडास थे जो कंप्लीट नहीं हो रहे थे और बाद में इन्हें क्या किया गया? जोड़ा गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये टैक्सेस के टाइम पे लैंड रेवेन्यू सिर्फ वही कलेक्ट कर सकते थे जो इंडिया का पार्ट था और ये तीन स्टेट इंडिया के पार्ट के अंदर में नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज, राइट? ये बाद में इंडिया का पार्ट बने, लेकिन लैंड रेवेन्यू एक ऐसी चीज थी जिसे पूरे भारत में कलेक्ट किया जा सकता था, जितना टेरिटरी हमने डिसाइड किया था, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग आसाम एंड हैदराबाद द स्टेट आंध्र प्रदेश राइट नाउ तेलंगाना। तो ये लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट किया जाता था, इसीलिए इनकम टैक्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। एक्ट हैज 23 चैप्टर्स एंड 298 सेक्शंस। कितने? 298। बिलीव मी ये एमसीक्यू का पार्ट बनेगा कितने सेक्शंस है, लेकिन ये 298 नहीं है, 758 सेक्शन है। ड्यूरिंग द लेक्चर्स हम लोग ये कंप्लीट भी करेंगे। इनकम टैक्स केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। इनकम टैक्स केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा है, एक्ट 61 बोल रहे हो, एप्लीकेबिलिटी 62 बोल रहे हो, ऐसा क्यों? रुक जाइए, मैंने कहा आपसे यही एक सवाल है। अगर आप इनकम टैक्स को देखें तो इसमें 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल है और कई एनेक्चर्स है, राइट? लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम बहुत बेसिक से चालू करेंगे, जीरो से चालू करेंगे। कोई भी एक्ट को पढ़ने से पहले आपको चार बेसिक वर्ड मिलते हैं, सेक्शन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, प्रोविजो और रूल्स। आइए स्टार्ट करते हैं ये समझने के लिए कि इन लोगों में डिफरेंस क्या है, इन सब चीजों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज सेक्शन, ठीक है? एवरीबॉडी Please tell me what is section? जब भी हम कहते हैं कि ये section है, मतलब exactly क्या है? Sir, उसमें provision लिखी हुई होती है। Can I say it is a act which is divided into systematic manner? Is it a act divided into systematic manner? इसे बस बहुत systematic manner के हिसाब से change कर दिया गया है। Now why this word? How this word arise? आपने अपने घर का अलमीरा देखा होगा तो उसमें हर चीज को रखने के लिए एक सेपरेट सेक्शन है। सेपरेट सेक्शन टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरीथिंग, यस? तो ठीक उसी तरीके से एक्ट को डिवाइड किया गया इन अ सिंपलिस्टिक मैनर और इसे अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया और उसको फर्दर सेक्शंस के अंदर में डिवाइड कर दिया गया। प्लीज मुझे बताइए हाउ यू विल रीड दिस।
प्लीज मुझे बताइए हाउ यू विल रीड दिस. हाउ यू विल रीड दिस एवरीवन. सबसे पहले सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन, फिर सब सेक्शन, उसके बाद में क्लॉज और उसके बाद में सब क्लॉज. यस, दिस इज हाउ यू रीड द सेक्शन, दिस इज हाउ यू रीड द सेक्शन. बट क्या सेक्शन दिखने में भी ऐसा ही होता है? आंसर इज यस. जब आप बैरक्ट पढ़ते हो, ये टीवी चैनल, जब आप बैरक्ट पढ़ते हो सेक्शन, उसके अंदर आपको एक सबसेक्शन दिखता है, क्लॉज और फिर सब क्लॉज दिखते हैं. दिस इज हाउ यू रीड द सेक्शन. अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ? सर हम तो फाइनल में आ गए, ये चीज़ तो हमें वैसे ही आती है. मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ? रीजन मीन आपको ये चीज़ अब पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप बेर प्रोविजन पढ़ने जाओगे, अब ये पढ़ना ज़रूरी है. सो यही चीज़ हमने क्लियर कट दी हुई है. वॉट इज सेक्शन? सेक्शन इज अ डिविजन ऑफ एन एक्ट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. ये मैनर कौन डिसाइड कर रहा है? जिसने ड्राफ्ट किया है. दूसरा, हाउ यू रीड दिस पर्टिकुलर थिंग? यू रीड इट एज सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज और फिर सब क्लॉज, राइट? जब आप सेक्शन रीड करते रहते हैं, जब आप सेक्शन रीड करते रहते हैं, सेक्शन के बीच में ही आता है प्रोविजो. जब आप बैरक पढ़ेंगे तो इस प्रोविजो को प्रोवाइडेड दैट वर्ड से डिनोट किया जाता है. मतलब आपको पहले प्रोविजन लिखी होगी और प्रोविजन के नीचे आपको प्रोवाइडेड दैट लिखा होगा. जब भी आपको प्रोवाइडेड दैट वर्ड दिख जाए, इसका मीनिंग होता है दीज आर एक्सेप्शन टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन. यस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू कंपनी और नीचे लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट फॉरन कंपनीज आर नॉट कवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अबाउ सेक्शन, विच सिंपली मीन्स दैट ऑल कंपनीज आर कवर्ड एक्सेप्ट फॉरन कंपनीज. सो वॉट इज प्रोविजो? प्रोविजो तुरंत आपको किसके नीचे देखने को मिलेगा? सेक्शन के नीचे ही आपको प्रोविजो देखने को मिल जाएगा. सो वॉट इज प्रोविजो? प्रोविजो आर नथिंग बट एक्सेप्शन टू सेक्शन. किसी भी सेक्शन का एक एक्सेप्शन होता है वो. फर्दर, इट इज जनरली यूज विद द वर्ड प्रोवाइडेड दैट. तो जब आप बेयर प्रोविजन पढ़ेंगे और कहीं पर भी प्रोवाइडेड दैट वर्ड आ गया, तो आपने समझ लेना है ये क्या है, एक्सेप्शन टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन. सो एक्ट होता है, एक्ट में क्या होते हैं मालिक? सेक्शंस होते हैं, राइट? सो सिंपली देर इज इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में 298 सेक्शंस. सेक्शंस के साथ साथ आपको क्या में पढ़ने को मिलेगा? प्रोविजियो पढ़ने को मिलेगा. क्या पढ़ने को मिलेगा? प्रोविजियो पढ़ने को मिलेगा. मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, चलिए और बेसिक्स में जाते हैं. कैन सीबीडीटी अमेंड द सेक्शन? आपकी सोच क्या बोलती है? सेक्शंस को अमेंड करने का पावर सीबीडीटी के पास है या उनको रूल्स लाने का पावर है? आपका थॉट. और भाई ईमानदारी से बोल रहा हूं, जितने लोग फेस टू फेस बैठे हैं, जितने बच्चे मेरे भाई ऑनलाइन बैठे हैं, आप सभी को ईमानदारी से एक बात बता दूं, प्लीज ओपन अप. जब कई गलत चीजें बाहर आएगी तो सही चीज अंदर जाएगी, और आपके गलत आंसर 100% एक्सेप्टेबल है, पर जो दिल में आ रहा है वो बोलोगे तो हम खुलेंगे, और ये चीज ज्यादा जरूरी है. यस, बोलो मालिक. क्या लगता है? रूल्स ला सकते हैं क्या? वो सेक्शन अमेंड कर सकते हैं? नहीं. एंड द आंसर इज यस. आपके सेक्शंस को अमेंड करने का पावर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मींस अमेंडमेंट थ्रू अ फाइनेंस एक्ट. अमेंडमेंट थ्रू अ फाइनेंस एक्ट. यस, हाँ, इससे रिलेटेड जो रूल्स है ये सीबीडीटी जरूर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अमेंडमेंट लाने का काम जो है, सेक्शंस में अमेंडमेंट लाने का काम जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है. यस, अच्छा जी सर. सर मेरे को एक और बात बताइए, क्या सिर्फ सेक्शन पढ़ के कोई भी लॉ को इंटरप्रेट किया जा सकता है क्या? आंसर इज नो. आपको इसके साथ साथ क्या पढ़ने की जरूरत है? रूल्स. अब आप ये पूछेंगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड प्रोविजंस? ये दोनों तो सेम चीजें हैं. आंसर इज नो. प्रोविजन कंटेन्स लॉ, रूल कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा. सेक्शन दैट इज प्रोविजंस कंटेन द लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. आपको एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, बात से सुनिएगा. सेक्शन 139 को अगर हम पढ़ें तो सेक्शन 139 कहता है अ सेसी हु हैज अ इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मस्ट फाइल रिटर्न. प्रोविजन ने कितनी चीज लिख दी? प्रोविजन ने क्या लिख दिया? आपको रिटर्न भरना है अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो. क्या ये लिखा रिटर्न कौन से फॉर्म में भरना है? क्या ये लिखा कब तक भरना है?
अगर आप बेरैक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है एवरी पर्सन हु हैज इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन प्रिस्क्राइब टाइम विद इन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इन प्रिस्क्राइब मैनर. अब ये जो वर्ड है ना प्रिस्क्राइब फॉर्म प्रिस्क्राइब टाइम प्रिस्क्राइब मैनर ये चीज रूल्स में लिखी होती है. वॉट आर द प्रिस्क्राइब फॉर्म करेंटली ITR वॉट इज प्रिस्क्राइब टाइम रूल्स के अंदर में लिखा होता है कब तक भरना है. वॉट इज प्रिस्क्राइब मैनर मैनर ऑफ फाइलिंग द रिटर्न दैट इज ऑनलाइन ऑफलाइन और वेरियस अदर मोड विच कैन बी प्रोवाइडेड राइट. सो दीज आर प्रोवाइडेड इन रूल्स. तो क्या सिर्फ सेक्शन पढ़ के किसी भी लॉ को समझा जा सकता है? आंसर इज नो. आपको साथ साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा बोलो जल्दी से. रूल्स पढ़ने पड़ेंगे राइट. सो वॉट इज रूल्स? रूल्स आर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट एक्ट. कोई भी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या की जरूरत है बेटा? रूल्स की जरूरत है. रूल्स करते क्या है? दे कैरी आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट. एक्ट के पर्पस को फुलफिल करवाना दैट इज जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है उन्हें रिटर्न भरना है. अभी एक पर्पस है जो एक्ट आपको दे रहा है. इसको करवाना कैसे है ये कौन देगा आपको? रूल्स प्रोवाइड करेंगे. रूल्स कौन लेकर के आता है? सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स. कौन सा? 295 ऑफ इनकम टैक्स कहता है सीबीडीटी हैज पावर टू मेक द रूल्स. सीबीडीटी हैज पावर टू मेक द रूल्स. बताइए पूरे धरती पे जब भी कोई एक्ट चालू होता है सेक्शन 1 से चालू होता है. हम कहां से चालू कर रहे हैं? 295. ये भाई साहब सीबीडीटी हैज पावर टू मेक द रूल्स. चलिए वापस से एक बार बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड रूल्स. फटाफट क्लैरिटी चाहिए बस और कुछ नहीं. आपको ये लर्न नहीं करवाना है एग्जाम में कभी आएगा भी नहीं. बोलिए सेक्शन क्या करता है? प्रोविजंस ऑफ लॉ. रूल्स क्या कर रहा है? इंप्लीमेंटेशन. प्रोविजंस आपको कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. रूल्स आपको कौन दे रहा है? एक बॉडी दैट इज सीबीडीटी. यस. क्या सिर्फ सेक्शन पढ़ के काम हो जाएगा या साथ साथ में रूल्स पढ़ने पड़ेंगे? सर दोनों को साथ साथ में लेकर के चलना पड़ेगा तब पर्पस ऑफ एक्ट बाहर आ पाएगा नहीं तो नहीं आ पाएगा. गेटिंग इट? चलिए बढ़ते हैं आगे. इन दो चीजों के अलावा आपने दो वर्ड और सुने होंगे नोटिफिकेशन सर्क्यूलर सुने होंगे. बताइए नोटिफिकेशन क्या है? आपने ऑफिसर्स में कई नोटिफिकेशन पढ़े होंगे. ऑलमोस्ट एक तो आपने देखा ही होगा ड्यू डेट एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन. एक तो आपने मालिक जरूर देखा होगा एक्सटेंडेड. तो ये बताइए नोटिफिकेशन क्या होता है? आपका अंडरस्टैंडिंग चाहिए मेरे को बस. व्हाट इज नोटिफिकेशन? व्हाट इज नोटिफिकेशन? अच्छा मैं क्या कहता हूं नोटिफिकेशन सर्कुलर सेम चीज है. बोलो हाँ. अरे हाँ हाँ एक ही चीज है दोनों एक ही चीज है. अच्छा लेके कौन आता है? हमको क्या मालूम सर हमको तो व्हाट्सएप पे आता है. व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए वहीं आ जाता है नोटिफिकेशन आया फिर किसी से पूछना पड़ता है क्या है ये बता दे भाई जीवन में. सीबीडीटी लेके आता है एकदम परफेक्ट जवाब है. हाँ जी तो नोटिफिकेशन क्या है? अच्छा सर्कुलर बोल दो. सर्कुलर इज इंफॉर्मेशन. ओके रिगार्डिंग एनी चेंज. ओके सो कोई भी चेंज आया तो वो सर्कुलर के थ्रू आता है. परफेक्ट. अच्छा नोट्स फिर नोटिफिकेशन फिर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो चेंज इज सर्कुलर एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोटिफिकेशन. यही बोला ना आपने. चलिए एब्सोल्युटली रॉन्ग यार. चलिए मैं आपको बताता हूँ सर. नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ चेंज. आपने एक्चुअली उल्टा बोला. नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. अब यह तकनीकी जमाना है तो जमाने के हिसाब से चलते हैं. दोस्त ने फोटो अपलोड किया आपको क्या आता है? कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज देयर इज अ नोटिफिकेशन. अब ये नोटिफिकेशन लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? पहले इसके तकनीकियां समझते हैं. नोटिफिकेशन लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? रीजन मीन हम 135 करोड़ लोगों तक के अगर कुछ पहुंचाना चाहते हैं आप मुझे बताइए कैसे पहुंचाएंगे? भारत सरकार को व्हाट्सएप ओपन कर दे किसी ने अगर ब्लॉक कर रखा हो तो. इमेजिन कीजिए 135 करोड़ लोगों तक के हमें बताना है कि हम कुछ नया लेकर के आ रहे. यस सोचिए फाइनेंस मिनिस्टर आपको कम्युनिकेट कैसे करेगा? एक सर पब्लिक रिलीज दे दे. पब्लिक रिलीज ही तो दे रहे हैं. नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट. कभी सुना है ये? आपको याद है आपके 10th 12th के बोर्ड के जो रिजल्ट आते थे वो गैजेट बुक में आते थे. ये गैजेट क्या है एग्जैक्टली? गैजेट एक टाइम पे किसी अथॉरिटी द्वारा इशू किया हुआ मास कम्युनिकेशन है. सो जितने नोटिफिकेशन होते हैं ये गैजेट में आते हैं. अब आपके मन में सवाल आएगा आखिर ये गैजेट हमें मिलेगा कहाँ? ऑनलाइन. अभी ऑफलाइन इशू होने खत्म हो गए ऑनलाइन आ चुका है. प्रोसेस 2018 में ही चेंज कर दिया इन्होंने
ये चीज फिजिकल इशू करनी बंद कर दी, ये सीधा सीधा आता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन आता है इसीलिए पीडीएफ अवेलेबल होता है, और इसीलिए आज आपको व्हाट्सएप पे शेयर करते हुए मिलता है। समझ में आई बात? अच्छा, ये ऑनलाइन आपको नोटिफिकेशन मिलता है। आपके मन का तीसरा सवाल, ये नोटिफिकेशन आते कहां है? मतलब हमें भी देखना है, हमें भी अपडेटेड रहना है, सर कहां आते हैं? दो वेबसाइट है सर, इसके लिए दो वेबसाइट है। वेबसाइट वन egadget.nic.in, एक वेबसाइट है egadget.nic.in। आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो आता है ये मैंडेटरीली इस वेबसाइट पे तो आता ही आता है। सरकार का जो आज वेब कोई भी गैजेट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो इशू करते हैं वो egadget.nic.in के ऊपर आता है, इस वेबसाइट के ऊपर लाया जाता है। अब आपको ये वेबसाइट जीवन भर के लिए याद रखनी है। पूछिए क्यों? कल चल के ये मेरा भाई, भाई आपका नाम क्या है? विनोद। कल ये मेरा भाई विनोद चले जाता है MNGL के अंदर में। अब आप मुझे बताइए, ये मेरे भाई को सिर्फ MNGL या मिनिस्ट्री ऑफ यू नो ऑयल नेचुरल गैस से ही मतलब है, या इसको कोई भी लेदर मिनिस्ट्री से कोई मतलब है क्या? इसको नहीं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कोई मतलब है? नहीं। तो इसके लिए दुनिया भर की चीजें काम की नहीं है, इसके लिए वही नोटिफिकेशन काम की है जो उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा, इफ ही इज वर्किंग इन MNGL। तो अब ये कैसे देखेगा? मान लीजिए अगर नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया होगा, अब इसको ये CVDT पे नहीं मिलेगा, अब इसको जाना होगा egadget.nic.in। एक ऑफिशियल वेबसाइट है किसी भी तरह के गैजेट को लॉन्च करने के लिए। दूसरी चीज, अगर ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो ये incometaxindia.gov.in पे मिलेगा, incometaxindia.gov.in पे भी ये चीज मिल जाएगी। यस, आज तक के आपने ऑफिस के अंदर में ई फाइलिंग इनकम टैक्स वेबसाइट यूज किया है या तो TDS CPC यूज किया है? करेक्ट, ये दो ही चीजें यूज होती है रिटर्न्स भरने के लिए। लेकिन CBDT का ये ऑफिशियल वेबसाइट है incometaxindia.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी। सो दिस इज द वेबसाइट incometaxindia.gov.in, राइट? सो अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है, दीज आर द टू वेबसाइट। हाल फिलहाल में जब तक आप स्टूडेंट है, जस्ट गो ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट टू सी द नोटिफिकेशन। व्हेन यू विल बिकेम प्रोफेशनल और यू विल वर्क इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, यू गो टू दिस वेबसाइट एंड देन सर्च आउट व्हाटएवर यू रिक्वायर। सो 135 करोड़ जनता के साथ आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है, जाहिर सी बात है एक स्टेटमेंट इशू होता है, एंड दैट स्टेटमेंट इज नोटिफिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ चेंज। सर क्या नोटिफिकेशन हमारे सिलेबस के लिए काम के हैं? जाहिर सी बात, एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि हाँ ऐप तो पढ़ रहा हूं, रूल्स तो पढ़ रहा हूं, पर क्या मेरे को नोटिफिकेशन भी पढ़ना है? यस, ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, एंड इट इज मैंडेटरी टू फॉलो दोज नोटिफिकेशन। यस, इनफैक्ट इसी के लिए अगर आप देखोगे, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल निकालने के बावजूद भी आपको RTP के थ्रू या अपडेट्स के थ्रू क्या देती है? सेपरेट नोटिफिकेशन दे करके आती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक नया प्रोसेस आया है कैपिटल गेन के अंदर में, यू नो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स को लेकर के। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया? बोला था हम रूल्स लेकर के आएंगे, हम नोटिफाई करेंगे, नोटिफाई कर दिया। अब ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है 6 months बिफोर एग्जाम। अब ये 6 months बिफोर एग्जाम का फंडा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, राइट? सपोज आप मई या जून में एग्जाम दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली मई या जून 23 में आप एग्जाम दे रहे हैं, 6 months बिफोर एग्जाम का मतलब क्या होगा? अक्टूबर 2022 तक के जितने नोटिफिकेशन है ये सारे आपके अटेम्प्ट में एप्लीकेबल है, ये सारे आपके अटेम्प्ट में एप्लीकेबल है और आएंगे भी। यही अगर आप नवंबर या दिसंबर 2023 दे रहे हैं तो मई तक के आपके जितने भी यू नो नोटिफिकेशन और सर्कुलर है ये आपको एप्लीकेबल है। सो अकॉर्डिंगली आप अपना जो भी क्या दे रहे हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं, मेक श्योर कि यहां तक के जितने नोटिफिकेशंस है ये आप क्या कर ले, पढ़ ले पूरे के पूरे। अब जैसे मैं कल की बात बताता हूं, आपको पता है कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए क्या आता है बेटा? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है हर साल। यस, लास्ट ईयर का आप लोगों ने अगर ऑफिस में कैलकुलेट किया होगा तो 301 था, कल ही नोटिफिकेशन आया है वो उसको 331 किया है इस साल के लिए, राइट? सो नोटिफिकेशन आता है। अब ये नोटिफिकेशन क्या अक्टूबर 2022 के पहले आ चुका है? आंसर इज यस, एप्लीकेबल फॉर जून 23, एप्लीकेबल फॉर नवंबर दिसंबर 23। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये डेट्स याद रख लेना। इन शॉर्ट जो अटेम्प्ट दे रहे हो इसके पहले वाले अटेम्प्ट तक के जितने नोटिफिकेशन आए वो एप्लीकेबल है, सिंपल शब्दों में, राइट? अच्छा जी सर, सो
वापस आइए. व्हाट इज नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय सीबीडीटी. सीबीडीटी के पास पावर है कि वो रूल्स, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर निकाले. दूसरा, दीज आर इशूड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, मे बी इन लॉ और मे बी इन रूल्स. लॉ में चेंज हो या रूल्स में चेंज हो, कम ऑन, कम अगेन, लॉ में चेंज हो या रूल्स में चेंज हो, आपको क्या दिया जाता है बेटा? नोटिफिकेशन दिया जाता है. ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल. लिख करके रखा है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ बस लेना मेरे साथ, अंडरस्टैंड कर लेना, एग्जाम्पल्स लिख लेना मेरे साथ, राइट? ओके, सो 6 months बिफोर के जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे ये आपको मिल जाएंगे. कहां मिलेंगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कहां मिलेंगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. हाल फिलहाल में आप सिर्फ एक ही वेबसाइट पर जाइए, incometaxindia.gov.in. यस प्रभु. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सर्कुलर. व्हाट इज सर्कुलर? व्हाट इज सर्कुलर? सर आप मुझे सोच करके बताइए, ठीक है? आपने देखा जब भी हम कोई आईटीआर भरते हैं प्रभु, जब भी हम कोई आईटीआर भरते हैं, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ये रिटर्न किसी ना किसी वार्ड में जाता है, डोंट यू थिंक सो? हम उसके अंदर में लिखते हैं वार्ड 2-2, वार्ड 2-3 और समथिंग समथिंग, यानी वो किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के पास जाता है जो इस वार्ड को हैंडल कर रहा होगा. अब इमेजिन कीजिए एक इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा है मुंबई में, एक इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा है दिल्ली में, एक इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा है कोलकाता में, एक बैठा है बेचारा पुणे में, एक कहीं नीचे बैठा है चेन्नई में, एक बैठा है बैंगलोर में, एक इधर बैठा है विशाखापट्टनम में. कोई लॉ बना, इसकी पॉसिबिलिटी है दैट मुंबई वाले ने जो इंटरप्रिटेशन लिया, दिल्ली वाला सेम लॉ का इंटरप्रिटेशन कुछ और ले सकता है. हाँ, यहां पॉसिबिलिटी है. पुणे वाला कोई और इंटरप्रिटेशन ले सकता है, पॉसिबिलिटी. अरे भाई, अपन यहां की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट अलाहाबाद, हाईकोर्ट बॉम्बे, सेम इशू के ऊपर अलग अलग रूलिंग्स है, सेम इशू पे अलग अलग रूलिंग्स है. देखिए, लॉ है, लॉ इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, लॉ इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन. छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा. ये ग्लास है, ग्लास के अंदर में आप क्या कर दो, आधा पानी भर दो. कुछ इसको क्या करेंगे, आधा खाली है, कुछ बोलेंगे पूरा खाली है, कुछ बोलेंगे आधा भरा है. यानी एवरीबडी हैज इट्स ओन इंटरप्रिटेशन, किसी का गलत नहीं है, सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है. सो इज इट पॉसिबिलिटी जो बैठा मुंबई के अंदर में, जो दिल्ली में बैठा है, चेन्नई में बैठा है, पुणे में बैठा है, विशाखापट्टनम में बैठा है, कोलकाता में बैठा है, एवरी ऑफिसर who is doing an assessment can have his own point of view on that particular point. अब imagine कीजिए, ठीक है? आप किसी डॉक्टर के पास गए, साहब मस्ती के साथ पढ़िएगा, आप किसी डॉक्टर के पास गए, सर बहुत पेट दुख रहा है, बहुत जोर से पेट दुख रहा है, हाँ कुछ नहीं गैस है, चलो जाओ. आप दूसरे के पास गए, सर बहुत पेट दुख रहा है, सच्ची बहुत पेट दुख रहा है, हाँ एक्चुअली क्या हुआ है, तुम्हें एसिडिटी हुई है. आप तीसरे डॉक्टर के पास गए, सर बहुत पेट दुख रहा है, सच्ची बहुत पेट दुख रहा है, ओहो तुम्हें तो वो हो गया जो नहीं होना था. आप मुझे बताओ, क्या हमारा भरोसा उड़ जाएगा डॉक्टरों से? हाँ, हमारा पूरा भरोसा उड़ जाएगा डॉक्टरों से. सेम वेज इनकम टैक्स खुद ने ही बनाए हुए लॉ को खुद ही के ऑफिसर अगर अलग अलग इंटरप्रेट करने लग गए तो लोगों का तो भरोसा उड़ जाएगा चीजों को लेकर के. लेकिन जब लॉ की ड्राफ्टिंग होती है मेरे भाई, अभी मैं आपको बताऊंगा लॉ ड्राफ्टिंग प्रोसेस, जब लॉ की ड्राफ्टिंग होती है राइट, तब क्या आदमी सारी चीजें एक साथ सोच लेता है? नहीं, जितनी पॉसिबल चीजें हैं उतनी वो सोच लेता है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जो उसने सोची नहीं होगा कि इसके ऊपर भी इशू उठ सकता है, इसके ऊपर भी मुद्दे क्रिएट हो सकते हैं, राइट? अब जैसे मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूं, प्लांट एंड मशीनरी. जब आप इस वर्ड को सुनते हैं आपके दिमाग में आता है या तो कोई एक ऐसी मशीन जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, या टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के आइटम, बराबर है? पर क्या आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था शांति भूषण वर्सेस सीआईटी, आप पीजीपीपी में पढ़ेंगे मेरे साथ, जहां पे ये डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इज हार्ट अ प्लांट एंड मशीनरी और नॉट. अब बाय एनी स्ट्रेच ऑफ सेंस मालिक, कैन हार्ट बी कंसिडर्ड एज प्लांट एंड मशीनरी? नो. पर सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा था. वाई? बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी द देन वॉज नॉट अवेलेबल. Now you tell me, Supreme Court discussing on a point whether heart is a plant and machinery, are you serious? Getting it? So see, when the law is made or the law is drafted, Malik, it is possible that it can have multiple interpretation. In order to streamline all those things, department comes, I clarify, clarification. Are you getting my point? So why there is a, see, notification communicates the change. Circular clarifies the issues.
सर्कुलर क्लैरिफाइज द इश्यूज. व्हाई सर्कुलर इज इश्यूड? ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर इन ऑर्डर टू रिमूव द फ्यूचर डिफिकल्टीज, कि इसके ऊपर कोई पॉइंट रेज ना हो जाए. क्योंकि अगर कोई पॉइंट रेज हो जाता है ना सर, तो इस पर डिपार्टमेंट का भी पब्लिक मनी यूज होता है, एसएससी का भी टाइम वेस्ट होता है और डिपार्टमेंट का भी टाइम वेस्ट होता है. यस, सो व्हाट इज सर्कुलर? अगेन सर्कुलर इज इश्यूड बाय सीबीडीटी. दीज आर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स इन लॉ और रूल्स. अगेन ऑल सर्कुलर 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल. नाउ यू टेल मी, अगर मेरा अटेम्प्ट May 23 या June 23 है, कब तक के सर्कुलर मेरे पे एप्लीकेबल है? अक्टूबर. सीधा इसके पहले वाले अटेम्प्ट तक के जितने भी सर्कुलर है एप्लीकेबल है मेरे पे. अब मुझे बताइए, क्या हमें सिर्फ एक्ट पढ़ के लॉ समझ आ जाएगा क्या? क्या क्या पढ़ना होगा? एक्ट पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा? रूल्स पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा? नोटिफिकेशन भी पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा? सर्कुलर. चारों चीजों को जब आप एक साथ पढ़ोगे तब जाके आपको लॉ का पर्पस एंड मीनिंग क्लियर होगा. और इसी के लिए आपका मॉड्यूल इसको कहता है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. इसी के लिए आपका मॉड्यूल इसे कहता है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. ये आपके मॉड्यूल का 3rd पेज के अंदर में दिया हुआ है थ्योरी टॉपिक पूरा का पूरा. यानी इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं आपको मेरे मन से पढ़ा रहा हूं, ये आपके मॉड्यूल में भी दिया है, जाकर के देखिएगा सर. यस, इसे स्कोप ऑफ इनकम टैक्स के नाम से यूज किया गया है. चलिए अब मैं बताता हूं ओल्ड सिलेबस. आपका वाला ओल्ड नहीं है, इन कॉन्टेक्स्ट टू जो नया आ रहा है, ओल्ड जो जा चुका है. ओल्ड सिलेबस के अंदर में इंस्टीट्यूट ने 2 बार इस सवाल को पूछा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, एंड मात्र 3 मार्क के लिए पूछा था. क्या आप जानते हैं सजेस्टेड आंसर्स जब आए, नन ऑफ द स्टूडेंट कुड आंसर द क्वेश्चन. व्हाई? कभी उनने इस पॉइंट पे फोकस किया ही नहीं, कभी उनने इस पॉइंट पे फोकस किया ही नहीं. यस, पर ये चीज है, अपन जितना भी पढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अपन मॉड्यूल का बेस लेकर के पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें वही है. दिस इज स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. सेक्शन पढ़ना है, सर्कुलर पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन भी पढ़ने हैं. अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूं, सोच समझ के बताइएगा ईमानदारी से. कितने लोग यहां पे हैं जिनने डीटी में प्रैक्टिस करी है, आर्टिकल चिप में आपने किया है? थोड़ा बहुत. मैं आपसे एक्सपर्ट लेवल नॉलेज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा बहुत भी. आपने एक रिटर्न भी भरा है तो मेरे लिए वो नॉलेज है. ठीक है, हाँ सर, इतना तो कर ही लिया, मतलब इतना तो इज्जत रख ली हमने हमारी. टेल मी, सपोज नोटिफिकेशन और एक्ट दोनों भिड़ गए, हु विल विन? हु व्हाट विल ओवरराइड व्हाट? नोटिफिकेशन और एक्ट दोनों भिड़ गए, व्हाट विल ओवरराइड व्हाट? नोटिफिकेशन विल ओवरराइड दैट, परफेक्ट नॉलेज. सो नोटिफिकेशन विल ओवरपावर, आज के शब्दों में ओपी, व्हाट? एक्ट. सीधा सीधा एग्जाम्पल, एक्ट में लिखा है सेक्शन 139(1) में, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज 31st जुलाई. वी ऑल नो ये ड्यू डेट कभी भी नहीं टिकती. यस, एवरी ईयर एंड देन दिस डेट इज ऑलवेज एक्सटेंडेड बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन. सो नोटिफिकेशन ओवरराइड्स द एक्ट. लिखाऊंगा, 2 मिनट रुकना, अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हम. राइट, याद रखे इस पूरे बैच के अंदर में लिखना उतना जरूरी नहीं है जितना ज्यादा आपका कंटेंट के अंदर में डील करना जरूरी है. तो अपने नॉलेज को बढ़ाओ पहले. लिखने का क्लरिकल वर्क है, उसके लिए अपन सेपरेट टाइम दे देंगे आपको. ठीक है, चलिए दूसरा सवाल. सर्कुलर और एक्ट दोनों भिड़ गए, अब बोलो कौन जीतेगा? इस बारे में श्योर हो आप? नोटिफिकेशन के बारे में तो आप श्योर थे क्योंकि आपने उस पर वर्क किया है. सर्कुलर के बारे में क्या कहना है आपका? सर्कुलर और एक्ट अगर दोनों भिड़ जाए तो कौन जीतेगा? यहां पे ऑनलाइन मेरे पास आकाश और शिवानी दोनों कवर है. आकाश और शिवानी दोनों ने सही जवाब दिया. हाँ जी, सर्कुलर और एक्ट दोनों भिड़ गए, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली बात है, सर्कुलर का विन होगा. क्यों विन होगा सर्कुलर का? बिकॉज वो उसको क्या कर रहा है? क्लैरिफाई ही कर रहा है. तो अगेन इसमें कौन जीतेगा? सर्कुलर विल ओवर पावर द एक्ट. सो अगेन नोटिफिकेशन और सर्कुलर ओवर पावर्स द एक्ट. राइट, ये ओवरराइड करते हैं उसको. नोटिफिकेशन और सर्कुलर में कभी झगड़ा हो जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो एक बच्चे ने मेरे से ये भी सवाल पूछा था फाइनल वाले, सर फिर नोटिफिकेशन और सर्कुलर, ऐसे कुछ भी वाहियात सवाल बिल्कुल मत पूछना, ये पॉसिबिलिटी के ही बाहर है. ये सवाल आप तभी पूछ सकते हो जब आपने ध्यान नहीं दिया लेक्चर के अंदर में. दोनों बिल्कुल डिफरेंट पोल्स है. नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव ही अलग है, सर्कुलर का ऑब्जेक्टिव ही अलग है. चलो एवरीबडी रिवाइज. नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, जल्दी बताओ? नोटिफिकेशन क्या था? कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. यस, और चेंज के बाद ही उसके ऊपर तुरंत क्लैरिफिकेशन आएगा क्या? नहीं आएगा, तो भी कब?
आगे कभी आएगा, और अगर ऐसा कभी आगे क्लैरिफिकेशन आया तो बस आपको पुरानी चीज को छोड़ करके नई चीज को फॉलो करना है। इन दोनों में झगड़ा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि क्लैरिफिकेशन उस चीज को बस क्लैरिटी देगा, उसको कुछ भी यू नो अपोजिट नहीं कर देगा। राइट, इज नोटिफिकेशन बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एज वेल एज एसएससी? चलिए डीप डाइव कीजिए थोड़ा सा। मैंने कहा ना, लिखा ही आपका बुक का पहला पेज, पहली लाइन, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। आओ डीप डाइव करो मेरे साथ। ये तीन क्लैरिटी आ गई। नोटिफिकेशन सर्कुलर में कौन जीतेगा? दोनों जीतेंगे, ओवर पावर करेंगे एक्ट को, क्योंकि ये लाए ही उस ऑब्जेक्टिव से जाते हैं। फिर नोटिफिकेशन और सर्कुलर, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आने वाले, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब मैं आपसे तीसरा सवाल पूछने जा रहा हूं, क्या नोटिफिकेशन मैंडेटरी है फॉलो करना? इज इट मैंडेटरी फॉर डिपार्टमेंट एज वेल एज एसएससी? क्या ऐसा हो सकता है डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन को माने एसएससी माने ही ना, या एसएससी माने डिपार्टमेंट माने ही ना, ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। नोटिफिकेशन इज मैंडेटरी टू एसएससी एज वेल एज डिपार्टमेंट, बिकॉज इट इज अ चेंज इन लॉ। तो चेंज इन लॉ तो सबके लिए है, डिपार्टमेंट के लिए भी है एज वेल एज एसएससी के लिए भी है। सो नोटिफिकेशन हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल। राइट, लेट मी कम टू द पॉइंट ऑफ सर्क्यूलर। इस पर दिल्ली फ्लोर मिल्स का केस भी है, हालांकि मैं केस लॉ आपको याद नहीं करवा रहा हूं, पर मैं केस समझा रहा हूं। समझ लीजिए कोई क्लैरिफिकेशन लेकर के आया, इज इट मैंडेटरी फॉर एसएससी एज वेल एज डिपार्टमेंट, और इज इट मैंडेटरी ओनली फॉर डिपार्टमेंट नॉट फॉर एसएससी? ईमानदारी से ना ये सब सोच के नहीं आए थे डीटी में, हमको लगा था असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर चालू हो जाएगा, जीवन खत्म। फाइनल में हो बेटा, इंटर में थोड़े ना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से चालू करूं। इस फालतू कंसेप्ट पे मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करने वाला। समझ में आ रही बात? असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, जैसा कि मैंने कहा मेरा स्पीड मॉडरेट रहेगा। कई जगह पे जहां सच में बहुत ज्यादा जरूरत है उस नॉलेज के होने की, क्योंकि देखो तुम बनने जा रहे हो प्रोफेशनल, लोग तुम्हें ना एक अलग नजर से देखेंगे, लोग तुम्हें ना एक प्रोफेशनल के एंगल से देखेंगे जिसको सब कुछ पता है। तुम्हारा कंपैरिजन होगा उन प्रोफेशनल्स के साथ जो 20-20, 30-30 साल से ऑलरेडी प्रैक्टिसेस में हैं। यस, क्योंकि उनके नाम के आगे भी वही दो शब्द होंगे तुम्हारे नाम के आगे होंगे। तुमसे भी उतनी उम्मीद है कि उनके जितना लेवल जो नॉलेज है वो तुम में भी हो, और इसीलिए हमें कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर पढ़ा करके मैं आपको, ठीक है मैं ये नहीं बोलूंगा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वो आगे आने ही वाला है, पर हम उसके ऊपर इतना टाइम नहीं देंगे जितना इस कंटेंट को समझने के लिए दे रहे हैं। जहां जरूरत है वहां अपना टाइम इन्वेस्ट करो। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, सर्कुलर बाइंडिंग ऑन बोथ, और इज इट जस्ट बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, और जस्ट बाइंडिंग ऑन एसएससी, और नन ऑफ द अबव? एमसीक्यू क्या लगता है? पहले तो अब जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए ना, सबसे पहले बेस में जाओ, सर्कुलर क्या था, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, क्लैरिफिकेशन किसके लिए आ रहा है? ये कंटेंट सोचो, मैंने आपको बताया क्लैरिफिकेशन किसके लिए लेकर के आ रहे हैं हम डिपार्टमेंट के लिए क्लैरिफिकेशन लेकर के आ रहे हैं। मेरी एक बात समझिए, मेरा भाई जो विनोद है, ये विनोद इनकम टैक्स ऑफिसर है, आप सभी इनकम टैक्स ऑफिसर हो जो अलग अलग जगह पे बैठे हो, आपका ओपिनियन अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि आप तो लॉ रेगुलेटर्स हो। एज अ एसएससी मेरा तो ओपिनियन डेफिनेटली अलग हो सकता है ना यार। आप बोल रहे हो डिडक्शन नहीं मिलेगा, झगड़ा ही तो वही है, मैं बोल रहा हूं डिडक्शन मिलना चाहिए। कम ऑन, हेलो, आप बोल रहे हो डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूं डिडक्शन मिलना चाहिए। आपका मेरा ओपिनियन डिफर हो, रेगुलेटर एज वेल एज टैक्स पेयर का ओपिनियन डिफर हो, दैट्स मेक सेंस। बोथ ऑफ यू आर रेगुलेटर एंड यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन योर ओपिनियन, डज दिस मेक सेंस इन इंडिया? आंसर इज नो। समझ में आ रही बात? सो हम क्लैरिटी किसके लिए लेकर के आ रहे हैं? डिपार्टमेंट अपने ऑफिसर्स के लिए क्लैरिटी लेकर के आ रहा है। असेसी उसको बेनिफिशियल होगा, सर्कुलर फॉलो करेगा, उसको बेनिफिशियल नहीं होगा, वो सर्कुलर फॉलो नहीं करेगा। नोटिफिकेशन तो दोनों को ही करने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोटिफिकेशन दोनों को ही करने हैं, एंड दिस इज ऑलरेडी हेल्ड इन दिल्ली फ्लोर मिल केस। ये एक बहुत पुराना जजमेंट है जो ऑलरेडी कहता है कि बॉस सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन एसएससी। एसएससी के लिए बेनिफिशियल है, ही मे यूज, नहीं बेनिफिशियल है, ही कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। आपका मेरा ओपिनियन बदल सकता है एज अ रेगुलेटर, एज अ टैक्स पेयर अपना ओपिनियन बदल सकता है, बट आप लोग रेगुलेटर हो दोनों, आईटी इनकम टैक्स ऑफिसर पुणे और इनकम टैक्स ऑफिसर मुंबई कैन नॉट हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम थिंग। दिस कैन बी रॉन्ग एज अ पार्ट ऑफ टैक्स पेयर। यस, मैं ये बोलूंगा साहब आप तो क्या कर रहे हो, वो वाला तो दे रहा है मेरे को, आप तो मेरे को डिडक्शन भी नहीं दे रहे, क्यों साहब कुछ चाहिए क्या?
नहीं दूंगा साहब, देश का अच्छा नागरिक हूँ। मैडम कैसे दे रहे, उनने तो दे दिया मेरे भाई के केस में, आप क्यों पैसा ले रहे हो? ट्विटर पे ट्वीट कर दूंगा, समझ रहे हो? अलग सिचुएशन है। तो चलिए आइए, मेरे साथ एक पॉइंट लिखिए, मेरे साथ एक पॉइंट लिखिए, सम बेसिक्स। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स ओवरराइड द एक्ट जनरली, दिस मे कम विथ सर्टन एक्सेप्शन। यस, दिस मे कम विथ सर्टन एक्सेप्शंस। सो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स ओवरराइड द एक्ट, पॉइंट नंबर टू। नोटिफिकेशन इज binding on department and assessee. Third, circular is binding on department, not binding on assessee. ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा। डन सर, बोथ आर इशूड बाय डिपार्टमेंट, बोथ आर इशूड बाय डिपार्टमेंट। यस, दोनों भी डिपार्टमेंट ही इशू करते हैं, सो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, मतलब दोनों चीज सॉर्टेड है। यस, ऑल ऑफ देम, दैट इज बोथ ऑफ देम आर यू नो एप्लीकेबल। ये दोनों भी है, सिक्स मंथ बिफोर के जितने भी नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर है, सिक्स मंथ्स बिफोर के जितने भी नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर है, ये दोनों भी क्या है बेटा, एप्लीकेबल है। यस, सर्कुलर नोटिफिकेशन भिड़ने नहीं वाले, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये दोनों भिड़ने ही नहीं वाले, ये वो वाले कंसेप्ट है। डन, अच्छा जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। आर यू क्लियर विथ एक्ट, सेक्शन, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर? पांचों चीजें क्लैरिटी के अंदर में है। वापस से पूछना चाहूंगा, नोटिफिकेशन सर्कुलर इश्यू कौन कर रहा है, रूल्स इशू कौन कर रहा है, सीबीडीटी। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट रूल्स, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर ऑल थ्री आर इशूड बाय सीबीडीटी, वेर एज सेक्शन और उसके प्रोविजो की जो बात है ये कौन लेकर के आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉर्टेड मालिक, अच्छा जी। सर मुझे एक बात बताइए, एक और बात बताइए, अब जाहिर सी बात है सीबीडीटी क्या लेकर के आ रहा है, रूल्स लेकर के आ रहा है, से यस और नो। सेक्शन 295 कहता है सीबीडीटी विल मेक रूल्स। अब ये रूल्स बनाने के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिफिकल्टी आ जाए इस रूल को अप्लाई करने के लिए, हाँ या ना? इस रूल को अप्लाई करने के लिए क्या आ सकती है, कोई डिफिकल्टी आ सकती है, डिफिकल्टी अराइज हो सकती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मैं आपको समझाता हूं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। हुआ ये कि 2017 के अंदर में, इन 2017, राइट, आधार बिकेम्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू फाइल अ रिटर्न और टू अप्लाई फॉर अ पैन। दिस इज वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू अप्लाई फॉर पैन और टू फाइल यू नो रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप रीसेंट अपडेट्स देखें तो आधार या पैन दोनों में से आप कोई भी एक चीज डाल देते हैं तो काम हो जाता है। बट इन 2017 आधार बिकेम मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न और टू अप्लाई फॉर पैन। अब मुझे एक बात बताइए, लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया सेक्शन 139 के अंदर में दैट आधार इज मैंडेटरी, इज आधार इशूड टू ऑल? आंसर इज नो। नॉन रेसिडेंट हु आर वर्किंग इन इंडिया डज नॉट हैव आधार, क्योंकि आधार तो रेसिडेंसी प्रूफ है इंडिया का। सेकेंड, नॉन सिटीजन ऑल्सो डू नॉट हैव आधार। थर्ड, पीपल रिसाइडिंग इन जम्मू कश्मीर, मेघा यू नो पीपल रिसाइडिंग इन जम्मू कश्मीर और आसाम डू नॉट हैव आधार, उनको आधार की एप्लीकेबिलिटी नहीं है स्टेट लॉ। अब आप मुझे बताइए, लॉ मेकर ने लॉ तो बना लिया लेकिन एप्लीकेबिलिटी में इशू आया या नहीं आया? इशू आया, क्यों? क्योंकि नॉन रेसिडेंट जो इंडिया से इनकम कमा रहा है, नॉन रेसिडेंट जो इंडिया से इनकम कमा रहा है उसको इंडिया में रिटर्न भरना है, रिटर्न भरने के लिए चाहिए आधार। नॉन रेसिडेंट खड़ा हो गया डिपार्टमेंट के सामने, प्रभु पथ प्रदर्शित करो, हाउ कैन आई फाइल रिटर्न?
डिपार्टमेंट, नहीं नहीं आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, आपने इंडिया से इनकम कमाई है। अरे महोदय मैं सब करने को तैयार हूं, चलिए रिटर्न का प्रोफाइल खोलिए, आप एक काम कीजिए यूटिलिटी खोलिए, यूटिलिटी बोलते हैं ऑफिस में हम, यूटिलिटी खोलिए, यूटिलिटी, हाँ ये लो यूटिलिटी। अब तो तुम देखो ना, तुमने वहां लिख रखा है आधार, मेरा आधार ही नहीं है, फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ रहा। लॉ तो बना दिया, लॉ इंप्लीमेंट भी कर दिया, क्या आई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। अब एक और इश्यू आया, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रिमूव कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो बॉडी है वो रिमूव करेगी। इस पॉइंट को क्लियरिटी लाने के लिए सेक्शन 298 आया, दिस इज योर सेकंड सेक्शन 298, हु हैज द पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। सर इफ एनी डिफिकल्टी अराइज इन गिविंग टू द इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डू एनीथिंग विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन विच अपियर्स इट टू बी नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू डू सो फॉर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दिया, अगर कभी भी कोई डिफिकल्टी आती है इन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए या इनको यू नो अप्लाई करने के लिए, तो वो एक ऑर्डर निकालेंगे, जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर। दीज आर अपार्ट फ्रॉम नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज है, और ऑर्डर आ रहा है काय के लिए, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, वो चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे। तो ऑर्डर कब आएंगे, ऑर्डर तब आएंगे जब उन्हें क्या करना होगा, कोई चीज को सिंप्लीफाई करना होगा या कोई प्रैक्टिकल इशू चल रहा होगा जिसके कारण आप क्या नहीं कर पा रहे होंगे, कंप्लायंस नहीं कर पा रहे होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेके आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, दो, जनरल और स्पेशल। जनरल और स्पेशल में क्या डिफरेंस होता है, यह भी आपका मन में सवाल आना चाहिए कि भाई जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर में क्या हो सकता है। जनरल ऑर्डर का मतलब होता है इट इज पब्लिक एट लार्ज, और स्पेशल ऑर्डर का मतलब होता है टू फ्यू पीपल और फ्यू असेसी, टू फ्यू पीपल और फ्यू असेसी हु आर एंगेज इन टू दैट स्पेसिफिक बिजनेस, जो उस ऑर्डर के अंदर में लिखा होगा। तो बस यही डिफरेंस है। तो बस एक सिंपल सा और सेक्शन लेकर के आए, सेक्शन 298, कि भैया ठीक है हमने रूल्स तो बना लिए, लेकिन इस रूल्स को कई बार इंप्लीमेंट करते वक्त, फॉर एग्जाम्पल आधार इंप्लीमेंट करते वक्त इशू आता है, और ये इशू कहां क्लियर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, सर ये ऑर्डर मिलता कहां है, ये ऑर्डर भी पढ़ना है हमें, कभी अगर आ जाए तो कहां मिलेगा, वही incometaxindia.gov.in, यानी आपको उस वेबसाइट से एक्ट भी मिल जाएगा, रूल्स भी मिल जाएगा, सर्कुलर भी मिल जाएगा, ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे इफ एनी। यस मालिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टोटली इररिलेवेंट सेक्शन, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यस अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री देखी इनकम टैक्स की, ध्यान से सुनिए, वापस से सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं, और ये लेक्चर में बहुत बार होता है क्योंकि हम इतने सारे कंटेंट के साथ डील करते हैं कि मुझे आपको वापस से जीरो से आगे लेके आना पड़ेगा, और हर लेक्चर में ये होगा। सबसे पहले इनकम टैक्स कोई ब्रिटिशर्स ने लाई हुई चीज नहीं है, चाणक्य जी ने लाई हुई चीज है, राइट। ये कर के नाम से वसूली जाती थी, हालांकि पेपर्स पे, ऑन पेपर्स पे पहली बार सर जेम्स विल्सन लेकर के आए थे इसे, 1922 में एक्ट बना, 1961 में अमेंडेड एक्ट को लेके आए। रीजन क्या था, हर जगह पे ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखा था, हर जगह पे गवर्नर्स एंड अदर चीजें लिखी थी, और अब हम सेंट्रलाइज हो चुके थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाने की जरूरत थी। एक्ट आया 1961 में, रूल्स आया 1962, दोनों में डिफरेंस क्या है डिस्कस नहीं किया, पर यही हमारा एक सवाल है जिसको आज हमने अंदर रखा है, एक्ट 61 और रूल 62। एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, शुरुआत से ही इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड ऑल। सेकंड पॉइंट 298 सेक्शन 23 चैप्टर्स एंड 14 शेड्यूल्स के साथ आता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी 1962 से चालू हुई है। फिर हमने देखा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्शन, सेक्शन के नीचे क्या होता है प्रोविजो, दैट इज एक्सेप्शन टू सेक्शन, सेक्शन और रूल्स में क्या फर्क है, कंटेन्स प्रोविजन ऑफ लॉ, दिस कंटेन्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। फिर हम गए समझने के लिए नोटिफिकेशन सर्कुलर क्या होता है, नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, सर्कुलर इज क्लैरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर लॉ। यस अच्छा जी, ऑल बोथ ऑफ देम आर एप्लीकेबल 6 months बिफोर एग्जामिनेशन, जितने भी सर्कुलर नोटिफिकेशन आएंगे ये आपको क्या रहेंगे मालिक, एप्लीकेबल होंगे, देखने को काम मिल जाएंगे, एक ही वेबसाइट है incometaxindia.gov.in। अब इन रूल्स को इंप्लीमेंटेशन करते हुए कोई डिफिकल्टी आ जाए, सेक्शन 298 कहता है कि भैया इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर से क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है डिफिकल्टी को। डन है मालिक, चलो जी, लॉ बनता कैसे है, अब हम नेक्स्ट डिस्कशन पे जा रहे हैं।
आखिर लॉ बनता कैसे है? अब तक का जितना पार्ट पढ़ाया ना, ये आपके नॉलेज वाइज बहुत इंप्रूवमेंट है, एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। अब आते हैं ये, आखिर लॉ बनता कैसे है? सोचिए फाइनेंस मिनिस्टर को कैसे आता होगा सपना, क्या उनको कोई सपना आता होगा? दीदी, ओ दीदी, 124 अमेंड कर देना, ठीक है, बाय। दीदी को कोई सपना आता होगा कि लॉ अमेंड करना है? चलिए समझते हैं कि लॉ वर्क कैसे करता है। मीनिंग तो आपने समझ लिया, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, अमेंडमेंट, लेकिन ये एग्जैक्ट वर्क कैसे करते हैं मैं जानता हूं आपको नहीं पता होगा। चलिए बिजनेस प्रोसेस देखते हैं। आप फाउंडेशन में थे जब आपको ये प्रोसेस बताया गया था। फाउंडेशन में आपको बताया गया था, सबसे पहले एक बिल बनता है, फिर बिल कहां जाता है? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद में उसको प्रेसिडेंट असेंट मिलता है और वो क्या बन जाता है? एक्ट। यहां तक की प्रोसेस तो आपने डेफिनेटली पढ़ी है, हाउ लॉ इज मेड। मैं आपको कुछ और बेसिक्स में लेके जाता हूं, हु मेक्स द लॉ। मैं एवरेज बच्चा हूं, मेरे को सही में समझना है, हु मेक्स लॉ इन इंडिया? हु मेक्स लॉ इन इंडिया? एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स मेक लॉ इन इंडिया, परफेक्ट। हाँ जी, और कोई मेरे भाई दोस्त? कमिटी बनाती है लॉ को, ओके, विच इज अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कई लोग यू नो रेफर करते हैं प्रेस, पार्लियामेंट मेक लॉ इन इंडिया। मैं उन्हें वहीं रोक देता हूं, मैंने बोला बेटा रुक जा, तू बहुत बड़ा बीएमडब्ल्यू कर रहा है, बेसिक में वांदे है, बोला तेरे बीएमडब्ल्यू तेरे बेसिक में वांदे है। पार्लियामेंट डू नॉट मेक लॉ, दे पास लॉ, ठीक है, दे पास लॉ। आपको लगता है सही में वहां पे इतने इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं जो लॉ बना दे? कम ऑन प्लीज, वीडियो देखना और चेयर फेंकना अलग चीज होती है, लॉ बनाना अलग चीज होती है, पूरे देश की बात चल रही है, ठीक है। हाँ, आप पार्लियामेंट में हग करें अलग विषय है, लॉ बनाए ये अलग विषय है, वहां पे खत्म, टाटा और बाय बाय ही होता है। चलिए मुझे बताइए, हु मेक्स लॉ इन इंडिया? टू योर सरप्राइज, ये क्वेश्चन मैं बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, और क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, आफ्टर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन टू ऑफ द कंपनी, इंटरव्यू में ये पूछा गया है। मक्सलाइन एक कंपनी का नाम सुना है? मक्सलाइन और TCS, उनने इंटरव्यू जो क्वेश्चन होता है ना आपका, इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट एक्स के अंदर में बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा। आई हैव कपल ऑफ स्टूडेंट हु आर वर्किंग देयर, उन्होंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है। बच्चों जब सीए करके, सीएस करके, सीएमए करके जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू स्टेज, वहां पे पहला ही क्वेश्चन है, हु मेक्स लॉ इन इंडिया? सर, द लॉ इन इंडिया, एनी लॉ, I'm not just talking about DT, any law in India is made by Ministry of Law and Justice. This is called as MOLJ in short form, Ministry of Law and Justice, in consent with other ministry. For example, अगर direct tax का law बनने जा रहा होगा तो they will take approval of Ministry of Finance. Yes? So, Ministry of Law and Justice along with Ministry of Finance बैठेंगे और सबसे पहले एक bill draft करते हैं। जब ये बिल ड्राफ्ट करते हैं तो टेक्निकली मिनिस्ट्री सिर्फ नाम के लिए होती है, मिनिस्ट्री एक कमिटी बनाती है, जैसा कि मेरे भाई बोल रहे थे, मिनिस्ट्री एक कमिटी बनाती है जो कमिटी एक लॉ को ड्राफ्ट करती है। आखिर ये लॉ को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, ये एक सवाल है जो बेसिक प्रोसेस समझिए। लॉ कभी भी तीन चीजों के लिए बनता है, बहुत ध्यान से सुनना, लॉ कभी भी तीन चीजों के लिए बनता है। लॉ इज मेड फॉर थ्री थिंग्स, पहला सेफ्टी, लॉ सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स या मोटर व्हीकल एक्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, राइट। लॉ कभी भी पहली चीज बनती है सेफ्टी के लिए, आप कोई सेफ्टी पर्पस के लिए किसी लॉ को बना लो, राइट। दूसरा लॉ आपका बनता है रेवेन्यू पर्पस के लिए, आप इससे कोई रेवेन्यू जनरेट कर लो, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल GST ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का पार्ट है। तो रेवेन्यूज के लिए लॉ बनाया जाता है, सेफ्टी के लिए लॉ बनाया जाता है, और इसके अलावा तीसरी चीज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लॉ बनाया जाता है। तीसरी चीज क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी क्या किया जाता है, लॉ बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो जो भी लॉ मेकर होते हैं वो इस पर्पस को ढूंढते हैं कि किस चीज के लिए हमें एक लॉ की जरूरत है। अब जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये बता दिया कि भैया थर्ड जेंडर इज ऑल्सो अ वैलिड जेंडर इन इंडिया, इमेजिन कीजिएगा। लेकिन अब इस चीज के लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे, जैसे कि पब्लिक सर्विसेज के अंदर में भी इनको क्या मिलेगा, जॉब मिलना चाहिए, इन्हें भी बेसिक राइट्स है किसी प्रॉपर्टी को ओन करने का,
राइट right? क्योंकि आज क्या होता है, अधिकतर सोसाइटीज के अंदर में इन्हें अकोमोडेशंस नहीं मिलते. कम ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड जेंडर एंड प्रैक्टिकल रियलिटी. राइट, अगर आप LGBTQ कम्युनिटी से हैं या आप थर्ड जेंडर कम्युनिटी में आते हैं, राइट right? तो इसमें इशू क्या होता है, लोग रहने नहीं देते इनको, इवन दो दे आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल, बट स्टिल पीपल विल यू नो टॉक. अब इससे रिलेटेड लॉ बनाने की जरूरत है. राइट अब ऐसे केस में जब उनके सेफ्टी की बात आ रही है, उनके एडमिन्स की बात आ रही है, तो सबसे पहले एक कमिटी बैठेगी और बोलेगी कि भैया इसका लॉ ड्राफ्ट करो. बराबर है, ये लॉ ड्राफ्ट करने का जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले एक बिल बनाया जाता है. सबसे पहले क्या बनाया जाता है, बिल बनाया जाता है. तो कमिटी जो अपनी पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट लेकर के आती है, इसे कहा जाता है बिल. क्या कहा जाता है, बिल. ओल्ड नेम है, पहले से ही दिया हुआ है. ये बिल सबसे पहले ग्रीन पेपर के नाम से मशहूर होता है. किस नाम से मशहूर होता है, ग्रीन पेपर. तकनीकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन पेपर. ये जो ग्रीन पेपर होता है, ये आफ्टर डिस्कशन कंसल्टेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के बाद बनता है. जिसका मतलब ये ड्राफ्ट यू नो मिनिस्ट्रीज में जाएगा, मिनिस्ट्री को बताया जाएगा कि हमने ये बेसिक लॉ बनाया है, इस बेसिक लॉ में आपको और क्या एडिशन चाहिए. मीटिंग बैठती है, डिस्कशन होते हैं कि ये पॉइंट भी डालो, ये पॉइंट भी डालो, ये पॉइंट भी डालो, ये पॉइंट भी डालो. जैसे एक पार्टनरशिप डीड बनते वक्त हम सारे पॉइंट रखते हैं ना, कि भैया रिटायरमेंट हुआ तो क्या, कोई अंदर आया तो क्या, बाहर गया तो क्या, प्रॉफिट कितना शेयर होगा, कोई बाहर निकला तो क्या होगा, सारे बातें उसके अंदर में डिस्कस होती है. इसके बाद ये बनता है व्हाइट पेपर. व्हाइट पेपर मतलब अब ये एक जो ड्राफ्ट बन चुका है, ये फाइनली गवर्नमेंट के पास जाता है कि हमारे तरफ से ये लॉ कंप्लीट है, आप इसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को भेजिए, इंडस्ट्री में भेजिए, और फिर इसके ऊपर आप ओपिनियन मंगाइए. तो ऐसे केस में ये जाता है किसके पास, ICAI इंस्टीट्यूट, NCLT, ICSI, ICMAI और ऐसे अदर रेगुलेटर्स के पास जाता है इस लॉ को रीड करने के लिए. अब जैसे मैं आपको बता दूं, आपका ये जो नया सिलेबस आ रहा है, अभी आपको पता है आपका नया सिलेबस लॉन्च हो रहा है, राइट, आपका ये जो नया सिलेबस आ रहा है ना मालिक, इसके लिए हर CAs को मेल जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से दैट दिस इज द प्रपोज्ड लॉ, काइंडली गिव योर कमेंट्स. और इस कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, लॉ को अमेंड किया जाता है. तो ये जितना भी जो कुछ कंसल्टेशन के बाद आएगा, इसमें से कुछ चीजें जो अच्छी होंगी उसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, डिस्कशन होंगे, थॉट होंगे, एंड एक फाइनल चीज बाहर आती है, इसे हम क्या कहते हैं, बिल. राइट, यानी पहले एक बेसिक बना जो गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट के बाद से ये कहां गया, आपके अप्रूवल्स के लिए गया, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अप्रूवल लेने के बाद ये क्या बन जाता है, एक फाइनल कॉपी बाहर आती है, इसको हम क्या कहते हैं, बिल. क्या जरूरी है बिल एक्ट में कन्वर्ट हो, आंसर इज नो. इसके अंदर में मिनिमम नंबर्स ऑफ अगर वोटिंग होगा बोथ एट लोकसभा एंड राज्यसभा, तभी जाकर के ये क्या बनेगा, एक्ट बनेगा. सो बिल इज देन गॉन फॉर अप्रूवल एट बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाने के बाद जब प्रेसिडेंट अप्रूवल मिल जाता है तो ये क्या बनता है बेटा, एक्ट. सो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस. कोई भी एक्ट ऐसा रातों रात नहीं बनता, तो बेफिक्र रहिए, किसी दिन रात 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री आके ये नहीं कहने वाले, भाई और बहनों आज से देशवासियों के लिए नया इनकम टैक्स लागू किया जाएगा. नो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. ऐसा नहीं होता कि आकर के आपने कभी भी लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला. नोटबंदी वॉज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ डिफरेंट थिंग. लॉ मेकिंग प्रोसेस वर्क्स विद आर्टिकल, देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, देर इज सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जिसके तहत लॉ बनाया जाता है. तो ये लॉ मेकिंग प्रोसेस है. अब इसके बाद क्या होता है, देखो लॉ मेकर ने अपना लॉ बना दिया, कमॉन एवरीबॉडी, लॉ मेकर ने क्या किया, अपना लॉ बना दिया. अब ये लॉ कहां जाएगा, ये लॉ जाएगा किसी बॉडी के पास, इस पे क्या बनने के लिए, रूल्स. इसे कहा जाता है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन. क्या कहा जाता है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन. एक परमानेंट बॉडी बनाई जाती है. इमेजिन साहब, सरकारें तो 5-5 साल में चेंज हो जाएगी, एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए कोई भी सरकार आए इसके लिए. तो रूल्स बनाए जाते हैं बेसिकली. कभी कोई नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर कुछ खोल के देखना, आपको वहां पे सबसे पहले दिखेगा MOF, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. उसके बाद में उसी के नीचे लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और उसके नीचे आपको यहां पे ऐसा CBDT लिखा हुआ दिखेगा. कोई भी ऑर्डर ओपन करके देखना, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत CBDT यू नो क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है. तो CBDT वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. और CBDT क्या करता है, CBDT या इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए CBIC, वो क्या बनाता है इसके लिए, रूल्स बनाता है. राइट, अब ये रूल्स बनते कैसे हैं, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया,
लेकिन आती है इंप्लीमेंट करते वक्त प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, एक इश्यूज आते हैं कि भैया हम कब तक के बनाए। अब जैसे ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न को ही देख लीजिए, असेसी का जो ईयर खत्म होगा ये मार्च में खत्म होगा, मार्च में खत्म होने के बाद इसको अपनी अकाउंटिंग एंड अदर चीजें फाइनलाइज करने के लिए टाइम देना होगा, राइट, अपने प्रोविजंस को पे करने के लिए टाइम देना होगा, इसीलिए रिटर्न भरने की ड्यू डेट मार्च के बाद कब डाली, जुलाई, मार्च के बाद कब डाली, जुलाई। सो ये थॉटफुल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि भैया किसी के मन में आया उसने उठाया और ठोक दिया, ना, इट्स अ थॉटफुल प्रोसेस। सो पार्लियामेंट अप्रूव्स द लॉ, देन पावर इज डेलीगेटेड टू अनदर बॉडी, दैट इज सीबीडीटी और सीबीआईसी, दैट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, हु क्रिएट्स वर्किंग लॉ, रूल्स आर मेड इंप्लीमेंटेड, इन अदर वर्ड्स इट कैन ऑल्सो बी सेड एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वर्क्स इन प्लेस। बराबर है, लॉ मेकर ने लॉ बनाया, इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट कर दिया। अब समझिए इश्यूज, एक एक चीज समझाऊंगा, मोहब्बत हो जाएगी सर टैक्स से। इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट कर दिया, पक्की बात है, इंप्लीमेंट करते वक्त समझ में आया कुछ चीजें लिखना भूल गए, कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, क्या लेके आते, नोटिफिकेशन, क्या लेके आते, नोटिफिकेशन। दिस इज हाउ नोटिफिकेशन केम इनटू पिक्चर, क्योंकि सर आपने सोच लिया, इंप्लीमेंट जब तक के नहीं किया आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली इशू क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल को पकड़ता हूं, क्या आपको पता है जब आधार का लॉ लेके आए 2017 में, इन 2017 व्हेन दे मेड अ प्रोविजन फॉर आधार, उन्होंने एक वर्ड लिख दिया, देन इफ आधार एंड पैन दीज आर नॉट इंटीग्रेटेड, आपको पता है देर इज अ प्रोसेस ऑफ आधार एंड पैन इंटीग्रेशन, आधार और पैन को आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, राइट, हमको बीच में ऑफिस में हमने क्लाइंट्स के करवाए भी थे, राइट, सो अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो आपका आधार क्या हो जाए, सॉरी आपका पैन क्या हो जाएगा, इनवैलिड। लॉ मेकर ने लॉ बनाते वक्त देखो क्या किया, अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो आपका पैन क्या हो जाएगा, इनवैलिड, और इस डेट तक के नहीं किया, ये डेट 2017 से एक्सटेंड होकर आ रही है, अब 2023 आ चुकी है, 31 मार्च 2023 है कि नहीं ऑफिस के अंदर में, 31 मार्च 2023 वुड बी द लास्ट ईयर, सॉरी वुड बी द लास्ट डेट जब आपको आधार पैन को लिंक कराने की जरूरत है। और इसी बीच ये ज्ञानी लोग एक और लॉ लेके आ जाते हैं, आधार नहीं है पैन चलेगा, पैन नहीं है आधार चलेगा। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड समटाइम ये लॉ ऐसे बनाते क्यों है। आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट क्या है, 2023। आधार दो पैन देने की जरूरत नहीं, पैन दो आधार देने की जरूरत नहीं, टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन। आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन, बनाया क्यों है मेरे को खुद को नहीं समझ में आता ये, मतलब अजीब है यार, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से क्या मिलते हैं इनको, नोटिफिकेशन। इन्हें समझ आता है कि भैया डिपार्टमेंट एक ही इशू के ऊपर अलग अलग ओपिनियन दे रहा है, क्योंकि कई बार जब लॉ आता है तो खुद को क्लैरिटी नहीं होती। चलिए नया अमेंडमेंट देता हूं, इस साल बजट में वर्चुअल डिजिटल असेट को टैक्स किया गया है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन, कैपिटल गेन में पढ़ेंगे हम, बड़ा मजा आएगा, राइट। क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन इज द न्यूएस्ट थिंग जो लॉ मेकर लेकर के आए हैं इस साल के लिए। अब आप मुझे बताइए, बिटकॉइन जैसी चीज जिसका प्राइस ही सर्टेनिटी पे नहीं है, आपने उसके लिए उठे सुटे लॉ तो बना दिया आज, क्योंकि आप उसके गेन को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी सरकार है भाई, छोड़ना थोड़ी ना चाहिए, आप उसके गेन को छोड़ना नहीं चाहते, आपने लॉ बना दिया। इतने सारे क्रिप्टो करेंसी है, आप क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन कैसे करोगे, क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन कर, और इन्होंने क्रिप्टो करेंसी नहीं लिखी, वर्चुअल डिजिटल असेट नाम की चीज लिखी। अब एक इशू अराइज होता है, क्या इसमें एनएफटीज भी आएंगे, क्रिप्टो करेंसी तो आएगी, बट आपको पता है न्यू कंसेप्ट चालू है एनएफटीज, आप कुछ फोटोज क्या कर सकते हो, ऑनलाइन सेल कर सकते हो, दिस इज ऑल टूगेदर न्यू एरिया फॉर ब्लैक मनी। क्या आपको पता है, सर्च एंड सीजर आएगा तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे एनएफटीज और क्रिप्टो करेंसीज को यूज किया जा रहा है ब्लैक मनी को रूट करने के लिए, भयानक, मतलब मजा आ जाएगा आपको कि साला ऐसा भी हो रहा है जीवन में, मैं कहां बैठा हूं जीवन में यहां पे बहुत। अब मुझे बताइए, एनएफटीज जो सेल किया जा रहा है, क्या इसे भी वर्चुअल डिजिटल असेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं है अब तक, क्या एनएफटीज को भी कवर किया जाना चाहिए, इस पर क्लैरिटी नहीं है। तब जाके डिपार्टमेंट क्या निकालेगा, सर्कुलर, तब जाके डिपार्टमेंट क्या निकालेगा, सर्कुलर। सो दिस इज दैट स्टेट कि लॉ मेकर ने लॉ बना दिया,
लेकिन जब इंप्लीमेंट करने आएंगे तो इंप्लीमेंटर्स इस पे क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, नोटिफिकेशन बनाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे। और ये कैसे होता जाएगा, जैसे जैसे उनको कोई इश्यू समझते जाएंगे वैसे वैसे वो एक एक चीज लेते आएंगे। अब एक सवाल इंपॉर्टेंट, क्या एक ही चीज पे कपल ऑफ नोटिफिकेशन आ सकते हैं क्या, एक ही इशू पे क्या कपल ऑफ नोटिफिकेशन या कपल ऑफ सर्कुलर पॉसिबल है क्या, हाँ या ना, यस और नो? डेफिनेटली यस। जैसे जैसे इश्यूज आते जाएंगे वो वैसे वैसे सर्कुलर लेके आते जाएंगे। आप कई सेक्शंस देखेंगे जिसके अंदर में एक सर्कुलर अभी है, एक सर्कुलर सीधा 2 साल बाद, एक सर्कुलर सीधा 3 साल बाद। जैसे जैसे डिपार्टमेंट को पता चला ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, वो वैसे वैसे लोगों को क्या करते जाएंगे, नया सर्कुलर लेकर आते जाएंगे। तो एक इशू पे कपल ऑफ नोटिफिकेशन या कपल ऑफ सर्कुलर्स बहुत कॉमन बात है, यस। अब ये होने के बाद लॉ मेकर ने लॉ इंटर मेक कर दिया, इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या टैक्स पेयर कैन हैव ऑब्जेक्शन टू दैट पर्टिकुलर लॉ? यस। फॉर एग्जाम्पल यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लाइक दिस, सपोज लॉ मेकर ने लिख दिया दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस इज एप्लीकेबल टू बॉडी कॉर्पोरेट, अंडरस्टैंड, ठीक है। लॉ मेकर ने क्या किया, लॉ बनाते वक्त लिख दिया दैट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू बॉडी कॉर्पोरेट। इन इंडिया वी अंडरस्टैंड कंपनी एज बॉडी कॉर्पोरेट, बराबर है? यस, जनरली इन इंडिया वी अंडरस्टैंड कंपनी एज बॉडी कॉर्पोरेट, बट एज पर सिंगापुर टैक्स लॉस इवन LLPs आर कंसिडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट, इवन LLPs आर कंसिडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक DTAA बनता है, थोड़ी सी एडवांस बात कर रहा हूं पर आप समझ जाएंगे, एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बनता है, एक फ्रेंडली अग्रीमेंट बनता है जो कहता है कि भैया हम क्या करेंगे, हम जितने बेनिफिट होते हैं एक बॉडी कॉर्पोरेट के लिए वो सब देंगे। उनने बॉडी कॉर्पोरेट लिख दिया, कुछ और नहीं लिखा। अब एक सिंगापुर से LLP आया और इसने इंडिया में ये पर्टिकुलर बेनिफिट क्लेम कर दिया। अब इशू समझिए क्या हुआ, कैसे थर्ड विंग अराइज हुआ लॉ का। एओ, जैसे उसने देखा एक LLP ने ये बेनिफिट लिया है, ए हेलो तो एक मिनट, क्या दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू LLP? सर एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एज पर सिंगापुर लॉ, सो वी आर एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ओ हेलो, नहीं ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ कंपनीज के लिए है, इंडियन कंपनी जो यहां रजिस्टर हुई है। सर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, वी आर बॉडी कॉर्पोरेट, यू कैन चेक द लॉ, यू कैन चेक योर DTAA, ऑल बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू बॉडी कॉर्पोरेट, वी आर बॉडी कॉर्पोरेट, यू डोंट कंसिडर इट एज बॉडी कॉर्पोरेट, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस? यू शुड हैव रिटन लॉ वेरी क्लियरली, दिस इज एप्लीकेबल टू कंपनी। इश्यू समझ रहे कहां से अराइज हुआ, इश्यू अराइज हुआ इंटरप्रिटेशन में। आपने लिखते वक्त लॉ लिख दिया बॉडी कॉर्पोरेट, सिंगापुर लॉ जिसका इंडिया के साथ DTAA है वो लिखता है बॉडी कॉर्पोरेट में LLP भी कवर होगा और हम हर बेनिफिट देंगे। अब तकलीफ क्या है, यहां का जो लॉ मेकर है, रेगुलेटर है, वो बोलता है कि भैया ये बेनिफिट सिर्फ कंपनी को है, जबकि वो बोलता है भैया ये बेनिफिट तो मेरे को भी मिलना चाहिए, हमारे लॉ के हिसाब से LLP बॉडी कॉर्पोरेट है, प्लस तुम्हारे साथ जो DTAA बना है उसमें भी तुमने लिखा कि भैया हर बॉडी कॉर्पोरेट को ये बेनिफिट देंगे, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सो आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। अब क्या, पता है क्यों बताया ये एग्जाम्पल, IFSC, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, आपको लॉ में कई जगह पे पढ़ने मिलेगा, स्पेसिफिकली कैपिटल गेन चैप्टर में। वहां पे सबसे ज्यादा इशू यही हो रहा है, वहां पे लिखा है नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी, बस ये 2 वर्ड लिख के छोड़ दिया, पर इसमें कौन से एसएससी कवर होंगे इस पॉइंट के ऊपर बहुत जगह डिबेट चल रहा है, गुजरात के कोर्ट्स में भी इसके ऊपर डिबेट चल रहा है एंड अदर कई जगह पे इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। अब मुझे बताइए, इज अ पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन? यस। अब जब इंटरप्रिटेशन की तकलीफ आती है, जब इंटरप्रिटेशन की तकलीफ आती है तो हमारे पास एक हायरार्की है, सबसे बड़ी हायरार्की में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर की हायरार्की में कौन है मालिक, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 134A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 134A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लॉ पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बिकेम्स लॉ ऑफ लैंड। आर्टिकल 134 को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की रीड करें, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ कोई भी डिसीजन,
को यह मान लिया जाएगा कि पार्लियामेंट ने सीधा सीधा इसको अप्रूव किया हुआ है, पार्लियामेंट ने इसको सीधा सीधा क्या किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है। सो वॉट एवर द डिसीजन इज मेड बाय, अब सोचिए रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर में कौन से ऐसे जजमेंट्स थे जिन्होंने कई सालों के मुद्दे खत्म कर दिए, कैन यू नेम फ्यू, थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज होगा, जिन्होंने कई सालों कई दशकों के मुद्दे खत्म कर दिए सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, आर्टिकल 370, यस, जम्मू कश्मीर इशू, इतना सालों से चलते आ रहा इशू, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से चलता आ रहा इशू, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट सारे इशू ही खत्म। दूसरा अयोध्या केस, द लैंडमार्क जजमेंट, भाई 500 साल से केस चल रहा था, कितना 500 साल से केस चल रहा था, वो केस अब खत्म हो रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ट्रिपल तलाक, यस, ट्रिपल तलाक, इसके बाद और एक LGBTQ कंसिडरिंग एज थर्ड जेंडर, तो ये रीसेंट जजमेंट, और ये सारे जजमेंट अगर आप देखोगे 2020-2021 के जजमेंट है सारे के सारे, बट हमें ये पता चला कि आर्टिकल 134 कहता है कि 134 ये कहता है कि उन्होंने जो डिसीजन दे दिया ये एपेक्स कोर्ट है, ये डिसीजन फाइनल डिसीजन है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने के लिए जाते हो तो आपको SPL लगता है, SPL का मतलब होता है स्पेशल पिटिशन फॉर लीव, या इसे स्पेशल लीव पिटिशन भी कहा जाता है, राइट, ये एप्लीकेशन करने का एक तरीका होता है, डरने की बात नहीं है, आगे एक चैप्टर है अपील, वहां डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। इसके बाद ना आता है बेटा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मैटर हैंडल करता है विच इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ध्यान से सुनिए ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट कभी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे डील नहीं करता, ये हमेशा क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डील करता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ दो अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये डिसाइड करता है इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इज इट वैलिड इन लॉ और वॉज इट एन इंटेंशन ऑफ लॉ और नॉट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये डिसाइड करता है कि बी एड एविडेंस के बेस पर डिसीजन किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल इनके पास किसी प्रॉपर्टी के पेपर है और इनके पास उस प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन पेड का रिसीट है। अब ऐसे केस में ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया कि एग्जैक्टली किसका डीलिंग है। नाउ क्वेश्चन ऑफ लॉ इसी पॉइंट पे क्या डिसाइड करेगा कि भैया ये जिसकी लैंड थी ये उसके लीगल हेयर है, और सपोज ये उसकी सिस्टर है, इसका मालिकाना हक पहले किसको मिलना चाहिए हिंदू लॉ के हिसाब से। सो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, राइट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स यहाँ पे कभी नहीं आते। ये सिर्फ अभी पॉइंट ध्यान में रखिए, हम अपील नाम के एक चैप्टर में इसको डीप में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, राइट। सो क्वेश्चन ऑफ लॉ इज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वेयर एज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एज वेल एज क्वेश्चन ऑफ लॉ इज डन बाय ट्रिब्यूनल। आप ट्रिब्यूनल को एक और नाम से जानते हैं, ITAT, कभी सुना है ऑफिस में ITAT, इसे इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल कहा जाता है। आज जब भी कोई केस लगता है सबसे पहले वो अपीलिंग अथॉरिटीज के पास जाता है, अपीलिंग अथॉरिटीज के बाद ITATS में जाता है, ITATS के बाद अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो हाईकोर्ट में जाएगा, और हाईकोर्ट अगर अप्रूव करे तो ही वो केस कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब आपके मन में एक इंपॉर्टेंट सवाल, सर मुझे कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं, आपको डिसाइड ही नहीं करना, कोर्ट डिसाइड करता है इज इट ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और नॉट। अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होगा हाईकोर्ट तुरंत इस क्वेश्चन को कट करेगा, बाजू कर देगा, राइट। क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा हाईकोर्ट आपको तारीख दे देगा और जजमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, बट इनके जो डिसीजन होंगे दीज आर चैलेंजेबल। ITATS का डिसीजन आप हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, हाईकोर्ट का डिसीजन आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है ये चैलेंजेबल नहीं है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ है। ये क्या है बेटा, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो चलिए मेरे साथ एक बार फटाफट रिवाइज कर दीजिए, क्या सपना आता है देवी को कि क्या चेंज करना है, नहीं, सबसे पहले कोई इशू है, या तो सेफ्टी या तो रेवेन्यू या तो एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से उनको डिसाइड होता है कि भैया कोई लॉ बनाना है। लॉ कैसे बनता है, सबसे पहले एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अलोंग विद दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जिसके पास ये इशू है, ये उनको डिस्कस करते हैं, एक बेसिक लॉ बनाते हैं जिसको कहा जाता है क्या बेटा, ग्रीन पेपर। इसको ये गवर्नमेंट को दिया जाता है व्हाइट पेपर, इसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूट को दे करके उनसे ओपिनियन मंगाए जाते हैं, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनता है, इसको क्या कहते हैं, बिल या ड्राफ्ट, प्रेसिडेंट का असेंट बनता है। इसके बाद एक बार लॉ बन गया तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट किया जाता है तब जाके इश्यूज पता चलते हैं, यू हैव पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, और इसके तहत आप क्या कर सकते हो, रूल्स ला सकते हो, नोटिफिकेशन ला सकते हो, सर्कुलर ला सकते हो, राइट। इसके बाद भी अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ, ये मैटर का इंटरप्रीट कौन करता है, कोर्ट, और कोर्ट उस मैटर को रिजोल्व करता है।
अब ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया, इट बिकेम्स लॉ ऑफ लैंड नेक्स्ट ईयर, या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और यू नो लॉ मेकर को समझ में आ गया कि यार ये बहुत सेंसिबल बात कर रहा है कोर्ट, नेक्स्ट ईयर के अमेंडमेंट में आपको दिख जाएगा हाई कोर्ट का डिसीजन लॉ बनता हुआ, या हाई कोर्ट का कोई डिसीजन इनकम टैक्स का कोई फालतू लॉ होगा तो इसको क्वैश करता हुआ। सो जब नेक्स्ट ईयर का अमेंडमेंट बनता है, नेक्स्ट ईयर आप हम ये जरूर सोचना चाहिए कि हर साल जब बजट आता है करीब 70-80-90 अमेंडमेंट लेके आ जाते, कैसे पता चलता है इन्हें इस सेक्शन में अमेंड करना है? पहला, इनको समझ में आते हैं कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अराइज हो रही है इन सेक्शंस के अंदर में, वहां इन्हें समझ में आता है अगले साल के लॉ में ये चेंज करना है। तो ये सारी बातें हर साल क्या होता है, एओज लिख के रखते और एओज बजट बनने से पहले बजट कमेटी को सेंड करते। किसको सेंड करते? बजट कमेटी को, कि सर आप अगर इस साल ये लॉ बनाओ तो देखिएगा हाईकोर्ट के डिसीजन आए हैं जहां पर हम गिरे हैं, जहां पर हमें गलत साबित किया गया है, एक काम करो लॉ को चेंज करो, ठीक है, ये अपने फेवर में ही लॉ बना दो, नहीं तो बाद में जाके इस पर बहुत सारे इशू अराइज होते। दूसरा, कई बार हमें समझ में आता है कि भैया रिटर्न भरने की ड्यूडेट जुलाई, लोग जुलाई तक फाइल नहीं कर रहे, एक काम करो सेक्शन में अमेंड करो और इसे परमानेंटली आगे बढ़ाओ, ये हर बार नोटिफिकेशन लाने के झंझट नहीं चाहिए। तो लॉ मेकर को कैसे समझ आता है हर साल अमेंडमेंट करना है, 70-80 अमेंडमेंट करना है? या तो उसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, या तो उसमें कोई लॉ मेकर के इंटरप्रिटेशनल जजमेंट्स आए हुए हैं, या तो फिर जरूर ऐसा हुआ होगा कि इन्हें लगता है कि अब ये चेंज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आज जितने रिटर्न भरे जाते हैं, ये 99% रिटर्न ऑनलाइन भरे जाते हैं, अग्री और डिसअग्री? अग्री। हो सकता है इन कपल ऑफ ईयर्स इन यू नो सीबीडीटी में डिसाइड देर विल बी नो फिजिकल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आज फिजिकल फाइलिंग है, इन कपल ऑफ ईयर्स में भी दे डिसाइड कि भैया देर विल बी नो फिजिकल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, खत्म हो गया काम, लॉ के अंदर में नेक्स्ट ईयर क्या आ जाएगा? चेंज। गेटिंग इट? नाउ कमिंग अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टोटली इरेलेवेंट, पर हाँ नॉलेज आपको बहुत मिला होगा इस बात की गारंटी दैट हाउ लॉ इज मेड। ये ऐसे ही किसी के सपने में आ गया या रात में 8 बजे दिल में आ रहा है तो चलो एक काम करो पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो, इस तरह से काम नहीं हो सकता। लॉ हैज अ प्रोसेस और ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, 3 बार ऐसी आवाजें उठी कि इनकम टैक्स को हम चेंज कर देंगे, पर हर बार ये नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो यहीं से पास नहीं हो पाया, आगे का तो छोड़ ही दो, 1961 का लॉ यहीं से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जितने चेंजेस यहां रिकमेंड करते वो बोलते एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स में बदल दो, आपको नए लॉ की क्या जरूरत है? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं 2017 से जब से जीएसटी लॉ नया आया है, आप खुद देख रहे हो आज भी 2022 में भी हम उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज को इंटरप्रेट करने के लेकर के। क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन ही नहीं है, लॉ ही नया है, इंटरप्रिटेशन ही नहीं है। पुराने जब लॉ को ही आपने स्क्रैप कर दिया तो उसके साथ सारे पुरानी चीजें चले गई। बचपन में खेलते थे ना, नया घड़ी नया राज, चालू हो गया वापस से वही प्रोसेस, वापस से वही इंटरप्रिटेशन, हर बार जीएसटी काउंसिल मीट, जीएसटी काउंसिल मीट के बाद वापस से GSTR 3 भी पता नहीं कितने सालों के पेंडिंग चल रहे जीवन में, ऑफिस में GSTR 3 भी पता नहीं कितने सालों के पेंडिंग चल रहे। सो दिस हैपेंस, यस। सो सर, यहां तक के हमने देखा लॉ मेकिंग प्रोसेस, बट इस पूरी चीज में आपके काम की सिर्फ कपल ऑफ चीजें ही थी। इस पूरे ज्ञान, हमने 2 घंटे से ज्ञान ले रहे हैं सर, 298 सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर में, राइट, सर जेम्स विल्सन और नोटिफिकेशन सर्कुलर एंड प्रोविजो की एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से होती है, ये रेलेवेंट चीज है। बाकी ये आपका सब्जेक्ट डेवलप करने के लिए पूरा कंटेंट है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और समझेंगे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर चैप्टर नंबर 1। यस, लेता हूं मैं छोटा सा ब्रेक, जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है स्टे ऑनलाइन, बाकी के लोग जल्दी से 10 मिनट का ब्रेक लेके आ जाइए।
क्लास जा रही है। आवाज आ रही है। यस, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। सर, इनकम टैक्स तो डेफिनेटली ये बात पक्की है कि हमें समझना है, लेकिन समझने से पहले ये भी तो देखिए कि आखिर ये पावर आया कहां से। इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। ये एक दिन मेरा भाई, भाई आपका नाम क्या है? धीरज। तो एक दिन भाई अपने घर में आराम से सो रहा था, धीरज भाई अपने घर में आराम से सो रहा था, इतने में घर की बेल बजती है, टिंग डोंग। धीरज भाई उठा, धीरज भाई गेट के पास गया, धीरज भाई गेट को ओपन करता है, इतने में इनकम टैक्स का ऑफिसर, सर हम इनकम टैक्स से आज बाजू हटी, आपके ऊपर रेड पड़ी है। जैसे ही इनकम टैक्स वाले अंदर जाते हैं, देखते हैं पूरा रूम बिखरा पड़ा है, उनकी नजर नीचे एक बॉक्स पे पड़ती है। बॉक्स के अंदर दिखते हैं कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स। इतने में बाथरूम से आवाज आ रही थी। बाथरूम में जाकर के देखते हैं एक दीवार कच्ची सी, थोड़ा सा फोड़ते हैं अंदर से गोल्ड बार्स। बाहर आके एक अलमारी में चेक करते हैं, वहां पे कैश। ये सारी चीजें एक जगह ला करके रखते हैं। धीरज बोलता है, एक मिनट, ला लिया, पता है मैं कौन हूं, पावर क्या है मेरा, आए किससे तुम पूछ करके, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा घर, क्या हक है तुम्हें यहां आने का, किसने पावर दी है तुम्हें यहां आने का? सर हम इनकम टैक्स है, आपने कुछ ब्लैक मनी किया, बहुत कमाया है आपने, ब्लैक मनी जनरेट किया है, टैक्स भरना पड़ेगा। ये सब तो ठीक है, आपके पास पावर आए कहां से पहले ये बताइए। जाहिर सी बात है, एक सवाल उठता है कि भैया अगर आप कोई टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या कोई टैक्स इंपोज कर रहे हैं या लेवी कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, पावर कहीं से तो लिखा होना चाहिए। कोई भी लॉ जब बनता है देश के अंदर में तो उसका पावर आता है द मदर लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। यस, सो इंडिया में अगर कोई भी लॉ बना है, इनकम टैक्स इज अगेन अ लॉ, इनकम टैक्स अगर कोई भी बना है तो जाहिर सी बात है कोई पावर तो होगा। ऐसा हो सकता है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है देश के प्रधानमंत्री रात में 8 बजे आए, भाई और बहनों आज से रात 12 बजे से हम एक नया टैक्स लगा रहे हैं, कोविड टैक्स। क्या ये पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है? आंसर इज नो। व्हाई दिस कैनॉट बी डन? बिकॉज देयर इज सर्टन पावर्स एंड दैट पावर्स इज रिटर्न इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट पावर इज रिटर्न इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई नोटबंदी नहीं है कि रात 8 बजे आए और तुमने डिक्लेयर कर दिया और लागू शुरू कल से, ना। अगर कोई भी लॉ बना है, टैक्स लगा है या इंपोज हुआ है, तो इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल की एक वैलिडिटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल ने इसे अपहेल्ड किया होगा, तो ही ये लीगल है, नहीं तो ये लीगल नहीं है। तो समझते हैं कि इसे लीगैलिटी कैसे मिलती है, किसी भी टैक्स को इंपोज करना या लेवी करने की लीगैलिटी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा एवरीबॉडी पेज नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स, आर्टिकल नंबर 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता है लॉ लगाने, दैट इज टैक्स लगाने की, टैक्स इंपोज करने की या टैक्स कलेक्ट करने की। ये पावर आया कहां से? एवरीबॉडी प्लीज मेरे साथ आवाज निकालिए और आवाज निकाल करके इस लाइन को मेरे साथ रीड कीजिए। नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। वापस से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नो टैक्स, एक एक वर्ड को अलग करते हैं। सबसे पहली बात, हम टैक्स की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं नो टैक्स, मतलब क्या मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं? नहीं, देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। यस, तो सेम आर्टिकल आप पढ़ेंगे, जब आप जीएसटी भी पढ़ते रहेंगे तब सेम आर्टिकल आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ते वक्त, ना किसी भी प्रकार का टैक्स लगाया जा सकता है, ना किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड। लेवी का मतलब क्या होता है? इंपोज करना। कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता। कलेक्ट, कलेक्शन में दो वर्ड होते हैं, कलेक्शन एज वेल एज रिकवरी। कलेक्शन मतलब प्यार से आपने पे कर दिया तो ओके, नहीं दिया तो क्या किया जाता है? रिकवरी। तो ना ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है, ना ही कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। कब तक? अनलेस देर इज अ अथॉरिटी एंड देर इज अ लॉ। देर इज अ अथॉरिटी और देर इज अ लॉ।
सबसे पहले लॉ मतलब क्या है? लॉ मतलब देर शुड बी एन एक्ट, किसी भी तरह के नए टैक्स को लगाने के लिए, किसी भी प्रकार के नए टैक्स या ड्यूटी को लगाने के लिए सबसे पहले क्या लाना जरूरी है? लॉ। तो रात 8 बजे अगर भारत के प्रधानमंत्री आकर के बोलते भाई और बहनों मैं आज से कोविड टैक्स लगाना चाहता हूं, क्या वो ये कर पाएंगे? आंसर इज नो, नेवर। व्हाई? आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 कहता है कोई भी टैक्स लगाना है या कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है सबसे पहले क्या चाहिए? लॉ, दैट इज कोई एक्ट चाहिए। जरा रिकॉल करना, एक्ट कैसे बनेगा? ग्रीन पेपर, व्हाइट पेपर, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट असेंट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यस, सो सबसे पहले क्या चाहिए? कोई लॉ चाहिए, लेवी करने के लिए भी, दैट इज इंपोज करने के लिए भी और कलेक्ट करने के लिए। और ये लॉ किसके थ्रू पास होना चाहिए? किसी अथॉरिटी के थ्रू पास होना चाहिए। ये लॉ किसके थ्रू पास होना चाहिए? किसी अथॉरिटी के थ्रू पास होना चाहिए। सर अथॉरिटी मतलब हु विल पास द लॉ? नाउ योर आंसर शुड कम, हु विल पास द लॉ? पार्लियामेंट। हु विल पास द लॉ? पार्लियामेंट। अथॉरिटी लिखी गई है आर्टिकल 245 और आर्टिकल 123 में। अथॉरिटी लिखी गई है कहां बेटा? आर्टिकल 245 एंड 123 में। चलो कम ऑन। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, किसी भी टैक्स को अगर लगाना है या टैक्स को कलेक्ट करना है हमारे पास दो चीजें होनी जरूरी है। पहला, कोई एक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यह एक्ट किसी अथॉरिटी द्वारा पास किया जाना बहुत जरूरी है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर अथॉरिटी मतलब कौन? हु इज अथॉरिटी? देर आर टू अथॉरिटी, आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 123। जब लॉ पास होता है तो इसके लिए दो अथॉरिटी बनाई गई है। पहली अथॉरिटी आर्टिकल 245, दैट इज पार्लियामेंट। भारत में अगर किसी भी लॉ को पास करना है तो इसका पार्लियामेंट का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी। जब भी कोई लॉ पार्लियामेंट ने पास कर लिया, प्रेसिडेंट असेंट इज जस्ट अ फॉर्मैलिटी। पार्लियामेंट ने पास कर लिया, इट बिकेम्स लॉ। पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत बेसिक। सर क्या पार्लियामेंट ने अगर किसी भी तरीके के लॉ को बना लिया तो क्या ये एक्ट बनेगा ही? 99% चांसेस है यस, प्रेसिडेंट सिर्फ असेंट दे देते हैं। दूसरा सवाल, सर पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बना रहा है तो पार्लियामेंट का सेशन में होना जरूरी है? हाँ या हाँ? पर क्या साल भर पार्लियामेंट सेशन में होता है? थॉट देखे, देखिए साहब, सोचिए हमारे देश में क्या जेम ने जन्म लिया था, श्री डॉक्टर बाबा साहेब जी आंबेडकर। उन्होंने इतना थॉटफुली इस चीज को बनाया कि बॉस पार्लियामेंट साल भर सेशन में होता है? आंसर इज नो, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता साल भर। क्यों नहीं होता सेशन के अंदर में? बिकॉज अदर मिनिस्ट्री के भी काम होते हैं, दिन भर सिर्फ मीट ही करते नहीं बैठेंगे। प्रैक्टिकली पार्लियामेंट में आकर के लोग क्या कर रहे हैं? किसी चीज पे डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं? यस, इसके अलावा मिनिस्टर्स के अपने अपने भी काम है। तो पार्लियामेंट हर बार सेशन नहीं होते, जैसे अगर आप करंटली देखेंगे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है जिस टाइम हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, पार्लियामेंट अभी सेशन के अंदर में नहीं है। पर ऐसा भी तो हो सकता है जिस टाइम पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो देश को किसी कानून की जरूरत पड़े, हो सकता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। हाँ या हाँ? कोविड अचानक से आई हुई चीज थी, कोविड जो था ये अचानक से आई हुई चीज थी। इस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था कि पार्लियामेंट सेशन में आए फिर डिसाइड करते बैठे कि वैक्सीनेशन कैसे लगेंगी, फिर वैक्सीनेशन कौन सी कंपनी की होनी चाहिए। इतना सब करने के लिए टाइम था ही नहीं, क्योंकि हम बहुत अलग सिचुएशन पे बैठे थे, लोग मर रहे थे और इस टाइम पे कुछ क्विक डिसीजंस लेने बहुत जरूरी थे। ऐसे केस के अंदर में जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर में ना हो तो अथॉरिटी एक और बनते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट। यानी जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर में ना हो तब भी लॉ बनाया जा सकता है और उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं। टू टाइम्स इन इंडिया रिसेंटली ऑर्डिनेंस का यूज किया गया, इन 2019 एंड 2020। ये दोनों टाइम ऐसे थे जब पार्लियामेंट सेशन में ना होने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ अर्जेंट डिसीजन लिए। जैसे कि आपने सुना है ऑफिसर्स के अंदर में ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम आई है, 115 BAC इंडिविजुअल्स के लिए और कंपनी के लिए भी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स आई है। ये अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स जो है ये 2019-20 के अंदर में लॉन्च की गई थी।
क्यों? क्योंकि उस टाइम देश रिसेशन की ओर बढ़ रहा था, एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ चुका था ग्लोबल रिसेशन के कारण, और इस टाइम पे भारत देश के कंपनीज के जो टैक्स रेट्स थे ये बहुत हाई थे. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वॉज डिसाइडेड कि तुरंत क्या किया जाए, पार्लियामेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए. जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर में नहीं होता, उस टाइम पे देश के जो प्रेसिडेंट है ये क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, और ऑर्डिनेंस ला करके क्या कर सकते हैं, देश के अंदर में कानून बनाया जा सकता है. ये कानून कब तक वैलिड होगा? जब तक के पार्लियामेंट वापस सेशन में नहीं आ जाता, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट वापस सेशन में आता है इसके ऊपर रीवोटिंग होती है, या तो ये लॉ बना दिया जाता है या तो ये स्क्रैप कर दिया जाता है. यस, सो चलिए वापस से, किसी भी तरह के टैक्स को अगर भारत में लगाना है, क्या रात 8 बजे डिक्लेरेशन आ सकता है लॉ का? नहीं आ सकता. कोई भी टैक्स लगाना है या टैक्स को कलेक्ट करना है, आपको अथॉरिटी चाहिए और लॉ चाहिए जो उस अथॉरिटी को पास करे. अथॉरिटी मतलब कौन? दो. पहला पार्लियामेंट. अगर पार्लियामेंट सेशन में है, लॉ विल ऑलवेज बी मेड बाय अ वोट इन पार्लियामेंट. अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट कैन अमोलगेट अ ऑर्डिनेंस. इन 2019 एंड 2020 ये दोनों ईयर्स ऐसे ईयर्स थे जहां पे प्रेसिडेंट ने क्या किया, ऑर्डिनेंस पास करके लॉ बनाया. यस, चलिए चेक कीजिए आर्टिकल 245 मेरे साथ सभी लोग. पार्लियामेंट मे मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. पूरे भारत के लिए या सिर्फ कुछ पार्ट्स के लिए भी क्या किया जा सकता है, लॉ बनाया जा सकता है. राइट, एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. ठीक उसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर भी पूरे स्टेट के लिए या कुछ पार्ट्स के लिए क्या बनाया जा सकता है, लॉ बनाया जा सकता है. राइट, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, आर्टिकल नंबर 123 प्रेसिडेंट हैज पावर टू प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट. जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर में नहीं है तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? अच्छा, ये कब तक वैलिड रहेगा ऑर्डिनेंस? जब तक पार्लियामेंट वापस से कहा आ जाए, सेशन में ना आ जाए. आप चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं एग्जाम्पल 2019-2020. ये दो साल ऐसे रहे हैं जहां पे प्रेसिडेंट सर ने क्या किया, ऑर्डिनेंस पास किया. तो अब लॉ बनता कैसे है? कोई ना कोई अथॉरिटी से पास करेगा. अथॉरिटी के नाम पर हमारे पास दो ही है, या तो प्रेसिडेंट या तो पार्लियामेंट. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर्टिकल 134A वो डीम्ड अप्रूवल है. वो क्या है? डीम्ड अप्रूवल. उन्होंने डिसीजन दे दिया, डीम्ड लॉ अप्रूव्ड हो गया. इज दैट डन? चलिए, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड. एक एक वर्ड को तोड़ेंगे, एक एक वर्ड को अलग करेंगे. आपने दो शब्द सुने हैं, टैक्स और ड्यूटी. दोनों सेम चीज है या अलग अलग है? मैं तो बोलता हूं दोनों सेम चीज है. टैक्स और ड्यूटी दोनों सेम ही चीज है. दोनों में से मोर वाइड वर्ड कौन सा है, टैक्स या ड्यूटी? क्या सोचते हैं आप? टैक्स या ड्यूटी दोनों में से मोर वाइड वर्ड कौन सा है? मोर वाइड वर्ड कौन सा है? टैक्स. परफेक्ट आंसर. पर कुछ जगह पे ड्यूटी वर्ड यूज होती है, कुछ जगह पे टैक्स वर्ड यूज होता है. कभी कंफ्यूजन नहीं होता कि यार ऐसा क्यों? कितना अच्छा हो अगर हम इस पॉइंट पे आज डिस्कस करें तो. सही है कि नहीं? टैक्स और ड्यूटी. देखिए, कस्टम जब आप पढ़ते रहते तब आप वर्ड पढ़ते हो ड्यूटी, वेराज जब आप जीएसटी पढ़ रहे हो या इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तब आप वर्ड पढ़ रहे हो टैक्स. दोनों में बेसिक फर्क क्या है? ड्यूटी इज ऑन गुड्स. जब सब्जेक्ट मैटर गुड्स हो तो ड्यूटी वहां वर्ड यूज होता है. जब सब्जेक्ट मैटर सिर्फ गुड्स ना हो, इट मे इंक्लूड सर्विसेज और मे बी अ टाइप ऑफ इनकम, तब वर्ड यूज होता है टैक्सेस. द ड्यूटी इज वेरी स्पेसिफिक वर्ड, वेल द टैक्सेस इज मोर वाइडर वर्ड. इट इज मच वाइडर वर्ड. आपकी बुक में कहीं और जाने की जरूरत नहीं. सबसे पहले, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी? टैक्स इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, वेल ड्यूटी इज अ फीस. वेल ड्यूटी इज अ फीस. जहां जहां पे भी इनकम, सर्विस या सेल्स आएगा, वहां वहां पे टैक्सेस वर्ड आएगा. इसीलिए इनकम टैक्स, अर्लियर सर्विस टैक्स, नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इसलिए ये वर्ड यूज होते थे. वेराज जहां पे मैटर गुड्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग वाला हो, इस पे हम ड्यूटी वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, कस्टम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इस पे क्या यूज करते हैं? ड्यूटी वर्ड यूज करते हैं. टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार के होते हैं. ड्यूटी में दो प्रकार थे, कस्टम और एक्साइज. अब ले दे के सिर्फ कस्टम बचा, एक्साइज तो जीएसटी के साथ चला गया. यस, दिस इज मच वाइड, दिस इज नैरो. बोथ आर इंप्लीमेंटेड
बाय वेरियस गवर्नमेंट। अगर टैक्सेस की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लगा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया वाला टैक्स फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट लगाया वाला टैक्स एनी वन, एनी एग्जाम्पल, LBT, उसके अलावा बाकी सब छोड़ो, ऑफिस में काम करते हो ना, प्रोफेशनल टैक्स, आप जो PT भरते हो दिस इज अ टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिस में जो एम्प्लॉइज का PT भरते हो दिस इज अ टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज नॉट अ टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। महाराष्ट्र सरकार एंड गुजरात सरकार, ये दो ही सरकार है जो एज ऑफ नाउ लगा रही है प्रोफेशनल टैक्स, जिसका डिडक्शन आप सैलरी में फॉर्म 16 में क्लेम करते हो। अब कुछ याद आ रहा है, धुंधला धुंधला जीवन में, दैट इज अ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लेवी। ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटीज नहीं लगा सकता। यस, अगेन नॉलेज एनहांसमेंट, जैसा कि मैंने कहा स्टार्ट पढ़ेंगे ही ऐसा कि पहली बार पढ़ रहे हो। यस, अदरवाइज एग्जाम में आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, स्पेसिफाई द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। बट हाँ, कुछ चीजें जो आपको समझनी है, इट इज मच मोर वाइडर वर्ड, दिस इज मच मोर नैरो वर्ड, राइट। दिस इज लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज ओनली लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, खत्म हो गया विषय। आते हैं वापस आर्टिकल 265 और तोड़ते हैं। नो टैक्स, टैक्स कितने प्रकार के थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दोनों में फर्क बताइए। मैं जानता हूं यह पहला सवाल था जो आपसे इंटर लेवल पे कभी पूछा गया होगा, टैक्स में बेटे दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। मैं वापस ये सवाल रिइटरेट करना चाहता हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो होते हैं बेटा। हाँ जी, डायरेक्ट क्या होता है, इज इट अ पर्सनल टैक्स पेड बाय पर्सन डायरेक्टली, यस, वेर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन एंड पेड टू गवर्नमेंट। इन डायरेक्ट टैक्स वी आर अंडर द ऑब्लिगेशन, इन इनडायरेक्ट टैक्स वी आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू जस्ट कलेक्ट एंड पे। यस, ओके, सो डायरेक्ट टैक्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय CBDT, वेर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड बाय CBIC। यस, सो डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम एंड एक्टिविटी कंडक्टेड, इन डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेस। द बर्डन ऑफ टैक्स कैनॉट बी शिफ्टेड, वेर एज द बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑलवेज शिफ्टेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। यस, इट इज पेड बाय पर्सन डायरेक्टली, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम अनादर पर्सन, इट इज पेड बाय वन पर्सन बट ही रिकवर द सेम फ्रॉम अनादर पर्सन, दैट इज पर्सन हु एक्चुअली बियर्स द टैक्स इज अल्टीमेट कंज्यूमर। एग्जाम्पल्स आर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हियर एग्जाम्पल आर GST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। वैसे मैं आपको बताऊं डायरेक्ट टैक्स के कितने प्रकार थे, चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता हूं, आपके काम की चीज है। डायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिकली पहला था इनकम टैक्स, जो आज भी चल रहा है, ठीक है, GST से हमारा कंसर्न नहीं है, वो आपको डिफरेंट टीचर पढ़ाएंगे। दूसरा था बेटा, क्या आपको पता है, एक टैक्स हुआ करता था वेल्थ टैक्स, इसको क्या कर दिया गया है बेटा, एबॉलिश। वेल्थ टैक्स को फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली सर ने ही क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था, कंसीडरिंग कि ये इंडिया के वेल्थ को एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर्सन सबसे पहले अपनी इनकम कमाता था, इनकम कमाने के बाद जाहिर सी बात है वो असेट खरीदेगा, उसने यॉट खरीद लिया, उसने एरोप्लेन खरीद लिया, उसके ऊपर फिर वेल्थ टैक्स लगा देते थे क्योंकि उसने वेल्थ अक्यूमुलेट किया। टेक्निकली दिस वॉज डबल टैक्सेशन एंड दैट इज द रीजन अरुण जेटली सर ने 2017 के अंदर में सबसे पहले वेल्थ टैक्स को अबॉलिश किया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे इस पर्सन ने अपनी इनकम पे टैक्स भर दिया तो वापस से जब वो वेल्थ अक्यूमुलेट कर रहा है उस पर टैक्स लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता, एंड दैट वॉज द रीजन वेल्थ टैक्स को क्या किया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, राइट। एक और टैक्स हुआ करता था इंडिया में डायरेक्ट टैक्स के नाम पे, एस्टेट ड्यूटी। आप लोगों ने तो डेफिनेटली इस टैक्स के बारे में नहीं सुना है, यस, पर प्लीज अपने दादाजी या अपने पापा से पूछिएगा, यह एक ऐसा टैक्स था जो इंडिया पे मरने पे टैक्स था, मरने पे टैक्स था एस्टेट ड्यूटी। यह वो टैक्स था जो एक काला धब्बा है द देन इंदिरा गांधी सरकार के ऊपर, यह भी एक काला धब्बा है अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी। यह वो चीज थी जिसने भारत के अमीर लोगों को गरीब बनाया। पूछिए कैसे, पूछो कुछ नया मिल रहा है, जाकर के डिस्कस करना अपने वो छोटे रूम पार्टनर्स से, डिस्कस करना अपने भाइयों से, डिस्कस करना जो इस कोर्स में अभी यू नो निब्बा निब्बी आए हैं ना, जो फाउंडेशन वाले इंटर वाले निब्बा निब्बी जिनको लगता है बहुत स्कोप है, उनके साथ डिस्कस करना ये पॉइंट को। एस्टेट ड्यूटी, सर एस्टेट ड्यूटी क्या था, क्या आपको पता है? देखिए सबसे पहले मान लो, देखिए इंडिया में कैसे कैसे टैक्सेस थे। सबसे पहले सपोज मेरे दादाजी थे,
मेरे दादाजी ने इनकम कमाई, ये क्या पे करते थे? इनकम टैक्स, बराबर है। इसी इनकम से बेचारे मेरे दादाजी क्या क्रिएट करते थे? जीवन भर कमा करके वेल्थ क्रिएट करते थे। इस पे क्या लग जाता था? वेल्थ टैक्स। इस पे क्या लग जाता था? वेल्थ टैक्स, बराबर है। इसके बाद जो आया है जीवन में, कभी ना कभी तो जाएगा ही, राइट। मेरे दादाजी गुजर गए और दादाजी गुजरने के बाद मेरे पापा आ गए उनकी जगह पे। अब दादाजी ने जितना वेल्थ अक्यूमुलेट किया है, ये इनहेरिटेंस में किसको चले जाता था? मेरे पापा को चले जाता था। सपोज उनको एक ही बच्चा है, इनहेरिटेंस में इनके बच्चे को चले जाता था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता था, बोलता था तुम्हें एस्टेट मिली है। तुम्हें क्या मिली है? एस्टेट। और अब क्या भरोगे तुम? एस्टेट ड्यूटी। मतलब आप देखिए कास्केडिंग इफेक्ट क्या था इनकम टैक्स का। आप देखिए टैक्स का ये कास्केडिंग इफेक्ट था। मतलब आदमी ने जिस पे इनकम टैक्स भर दिया, सेम चीज बना करके वेल्थ बना गया। आदमी कमाता क्यों है बे? आदमी सपोज दो चीज, मेरे भाई एक बात समझ, तू लाइफ में इनकम कमाता क्यों है? दो चीजें हैं, पैसे के तीन ही यूज है इस धरती पे। कम ऑन एवरीबडी, आप मेरे साथ अग्री करेंगे इस बात को। पैसे के इस धरती पे तीन ही यूज है, लोभ भोग या नाश। वापस से सुनना, पैसे के इस धरती पे तीन ही यूज है, लोभ ले लो, भोग कर लो या नाश कर लो। पैसा लोभ ले लो, आप मस्त हो उससे, जीवन के अंदर में एक ट्रिप प्लान करो, ठीक है, लोभ लो उसका, राइट। आपको घर में गर्मी लग रही है, उसके अंदर में आप एसी लगाओ। आपको अच्छा बेड चाहिए, बेस्ट इंटीरियर चाहिए, सारी चीज, आप लोभ ले लो उसका। भोग ले लो, बेहतरीन चीजें खाइए, राइट, ठेले से लेकर के सेवन स्टार होटल तक के खाइए। लोभ ले लो, भोग ले लो, और अल्टीमेटली नाश। अल्टीमेटली क्या हो सकता है इसका? नाश हो सकता है। आप अय्याशियों के अंदर में उड़ा दो। देयर इज नो अदर पर्पज ऑफ मनी। डू यू अग्री विद द सेम? देयर इज नो पर्पज ऑफ। अब आदमी ने जीवन भर कमा करके वेल्थ कमाई, जीवन भर मेहनत करी, भरपूर पैसा कमाया, वेल्थ टैक्स लग जाता था। साला ये खत्म हुआ नहीं, ये प्रॉपर्टी जब अपने बच्चे को देता था, इस पे स्टेट ड्यूटी लग जाता था। सेम चीज के ऊपर आप तीन बार टैक्स भरे जा रहे हो। नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। उनको समझ में आ गया, ये लोग तो हमें बेवतूफ बना रहे हैं। इसे भी क्या किया गया? अबॉलिश किया गया। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, एक ड्रैकोनियन टैक्स था इंडियन हिस्ट्री में, राइट। इनफैक्ट गूगल के कुछ पेजेस पढ़ोगे ना आप, एस्टेट ड्यूटी के आगे लिखा है ड्रैकोनियन टैक्स, क्योंकि टेक्निकली ये रॉन्ग टैक्स है। यस, अच्छा, कई लोगों को तो इनहेरिटेंस में जमीन मिल गई, इस चक्कर में उसको टैक्स भरना पड़ रहा है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। इसके अलावा एक और टैक्स हुआ करता था डीटी के अंदर में, दैट वॉज गिफ्ट टैक्स। इट वॉज अर्लियर देयर, इसको भी क्या किया गया? अबॉलिश कर दिया गया। और गिफ्ट टैक्स की प्रोविजन को सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर दिया गया है। यस, इसीलिए आप जब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ोगे, यू विल ऑलवेज लर्न टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स देयर। तो इसके प्रोविजन को निकाल करके इनकम टैक्स में डाल दिया गया। मोटे मोटे तौर पर आज डायरेक्ट टैक्सेस के मामले में सिर्फ एक ही चीज वर्क कर रही है, दैट इज इनकम टैक्स। समझ में आई बात? बाकी तो खैर अबॉलिश कर दिया। वापस से चलते हैं आर्टिकल 265, रीड करिए मेरे साथ, वापस से आवाज निकालिए। नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड। एक ही वर्ड तोड़े जा रहे हैं, टैक्स। एक ही वर्ड तोड़े जा रहे हैं, टैक्स। चलिए अब आपसे कुछ चीजें पूछता हूं। आपने ऑफिस में काम किया है, मुझे बताइए क्या टैक्स, जो टैक्स है, क्या ये जो टैक्स है मालिक, क्या हम सिर्फ टैक्स में टैक्स कलेक्ट करते हैं या सरचार्ज और सेस भी कलेक्ट करते हैं? एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस, यानी जब हम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स में सिर्फ टैक्स नहीं, टैक्स के साथ साथ सरचार्ज एंड एप्लीकेबल सेस भी क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज सरचार्ज? सवाल नंबर दो, ये जो सरचार्ज आप कलेक्ट कर रहे हैं या जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये जाता कहां है? चलिए धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टैक्स, मुझे टैक्स भरना है, मैं कहां जाऊं? टैक्स कहां भरा जाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या बैंक में? टैक्स दिया कहां जाता है? सपोज मेरे पास कैश है 50,000, मेरे को कैश सबमिट करनी है, कहां लेके जाऊं? बैंक में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? जिन्होंने अब तक आर्टिकल चिप नहीं की डीटी में, मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे पास तो हर तरीके का स्टूडेंट है, जिसने कभी डीटी में, हो सकता बेचारे को 3.5 साल इंटरनल ऑडिट टिकी कराया हो, राइट। जिनने नहीं किया मैं उनको बता दूं, बेटा यू पे टैक्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यू डोंट पे टैक्स इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई काउंटर नहीं होता, वहां जाकर के आप कैश जमा करा दो, गलत। आपको
चलान भरना पड़ता है, ये चलान नेशनलाइज बैंक में भरना पड़ता है, चलान का नाम होता है चलान नंबर 280, चलान का नाम होता है चलान नंबर 280। आप किसी भी बैंक में जाइए, नेशनलाइज बैंक में, खैर अब तो प्राइवेट बैंक भी इसे एक्सेप्ट करते हैं, नेशनलाइज बैंक में जाइए, वहाँ पे चलान नंबर 280 डालिए, आपसे पांच चीज़ें पूछी जाएगी, नेम, पैन नंबर या रिसेंटली आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और आप कौन सा टैक्स भर रहे हैं और किस करेंसी में आप दे रहे हैं, ये जाइए काउंटर पर दे दीजिए, पे कर दीजिए। ऑल्टरनेटिव वे जो आज अपनाया जाता है, आप स्ट्रेट अवे UPI के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट में जाइए, लॉगिन करिए और वहां से आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप टैक्स पेमेंट का फॉर्म भी भरते रहेंगे, फोकस कीजिएगा वहां पे चलान नंबर 280 लिखा होता हुआ है। यस, तो ये दो तरीके हैं टैक्स पे करने के। जो आप टैक्स पे करते हैं ये जाता कहाँ है? बैंक में आप सबमिट करते हो, पर ये एक जगह कलेक्ट होता है, जो जहां कलेक्ट होता है उसे कहा जाता है CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको SBI कैरी आउट करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RBI, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RBI। तो SBI के पास ये पूरा का पूरा पैसा जमा होता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RBI, और वही इसे रखते हैं और इसे यूटिलाइज भी करते हैं इन एन अप्रोप्रिएट मैनर डिसाइडेड। यस, टैक्स के साथ साथ अब मुझे एक बात बताइए, ये जो टैक्स कलेक्ट किया ये सिर्फ सेंटर के पास आता है, ये टैक्स जाता किसके पास? ये मोदी जी के पास जा रहा है? हाँ, योगी जी के पास जा रहा है। अरे मोटा भाई, बाबा राहुल बाबा नहीं, जा कहां रहा है ये क्या? ये जो पैसा टैक्स का होता है, क्या ये सिर्फ सेंटर के पास होता है या स्टेट के पास भी डिवाइड किया जाता है? क्या लगता है आपको? आपने डेफिनेटली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा, जो मैं कंटेंट आपको पिला रहा हूं ये आपने कभी नहीं पढ़ा। ये जो टैक्स कलेक्ट होता है ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कितनों को पहली बार पता चला? ऑलमोस्ट सभी को। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाद ये एग्जैक्टली सेंटर के पास रहता है या स्टेट में डिवाइड होता है? क्योंकि देखो ये सवाल क्यों जरूरी है, सवाल समझो पहले। अगर ये सिर्फ सेंटर के पास रहा, तो जिन सपोज अगर सेंटर में NDA दैट इज BJP की सरकार आई और स्टेट में फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार आ गई, तो वो तो कभी कांग्रेस को पैसा देंगे नहीं। थॉट दीजिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा तो बाबा साहेब अंबेडकर जी को कितने पॉइंट्स ध्यान में आए होंगे, मैं सिर्फ आपको फ्यू फ्लैशबैक्स समझा रहा हूं। सोचिए ना, जिस स्टेट में फिर बीजेपी की सरकार नहीं आई, वो तो जानबूझ कर चाहेंगे कि वहां विकास ना हो। सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं साहब, वो तो चाहेंगे वहां विकास ना हो ताकि नेक्स्ट टाइम अगेन उन्हीं की सरकार बने, और अगर ऐसा हो गया तो एक ही सरकार की मोनोपोली बन जाएगी। तो क्या जो टैक्स कलेक्ट होता है वो सिर्फ सेंटर के पास होता है या इसे डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल डिवाइड करना पड़ेगा, और यही चीज आपको आर्टिकल नंबर 272 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलती है। सर मेरे को एक बात बताओ, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन? इनकम टैक्स पढ़ने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन समझना जरूरी है कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और जा कहां से रहा है। कल चल के तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछेगा कि भैया सर पापा तुम CA तो बन गए, टैक्स हम पे कर रहे, मम्मी ये जा कहां रहा है? पता तो ना जीवन में जा कहां रहा है? ये जो टैक्स आप पे कर रहे हैं ये सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है ताकि सेंटर और स्टेट दोनों अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकें। और इसलिए अंबेडकर जी ने, हमारे बाबा साहेब ने लिखा, ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सिर्फ टैक्सेस नहीं ड्यूटीज भी मालिक, ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड, कुछ लिस्ट लिखी हुई है जिसको डिवाइड नहीं किया जाएगा, शैल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन अ मैनर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। ये डिसाइड कौन करता है कि कितना पैसा किसको मिलेगा? प्रेसिडेंट। क्या आपको पता है पोजीशन होती है, ये एक ऐसी पोजीशन होती है जो किसी पार्टी की नहीं रहती, इसीलिए कई बार ऐसा होता है, अभी 18 जुलाई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है, तब आप देखोगे एक ऐसे लोग प्रेसिडेंट की पोजीशन पे जाने से बचते हैं, जो स्पेसिफिक पॉलिटिकल करियर करना चाहते हैं वो उस पोजीशन पे जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? पावर दुनिया भर का आ जाएगा, इसमें क्वेश्चन नहीं है, पर पॉइंट क्या होता है, एक बार आप प्रेसिडेंट की पोजीशन पे पहुंच गए तब आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं रहते, आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के डिसीजंस दे ही नहीं सकते। इन शॉर्ट आपका पॉलिटिकल करियर इज इक्वल टू रिटायरमेंट, गेम ओवर, क्योंकि इसके बाद कोई पोजीशन ही नहीं, आप भारत के फर्स्ट मैन बन गए, आप भारत के कौन बन गए? फर्स्ट मैन बन गए, कोई पोजीशन ही नहीं बची। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज द, आप क्या डिसाइड करोगे? जितना टैक्सेस से कलेक्ट हुआ है स्टेट्स में कितना बांटना है, छोटे स्टेट्स को कम पैसा, बड़े स्टेट्स को ज्यादा पैसा, डिपेंडिंग अपॉन किसमें क्या विकास करना है, राइट? तो
आज बताइए जितना टैक्स कलेक्ट हुआ कहां जा रहा है, सेंटर और स्टेट, रेशो कौन डिसाइड करता है हर साल, प्रेसिडेंट रीड विद फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे, टैक्सेस का क्लियर है सारी चीज, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, सरचार्ज क्या है और सरचार्ज लगाया क्यों, लगाने का पावर कहां से आया, आर्टिकल नंबर 271 सरचार्ज लगाने का भी पावर है, आपने कभी नहीं पढ़ा ये बात अलग है, सरचार्ज लगाने का भी पावर है, सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स। अब ये टैक्स लगाया क्यों गया, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन देखिएगा, अच्छा ये कॉन्वर्सेशन होता रहेगा ताकि आपको रियलिटी समझ में आए कि किसी भी लॉ को बनाया था तो क्यों बनाया था, राइट। मेरे जैसा एक गरीब आदमी, ठीक है, मेरे जैसा एक गरीब आदमी, सरकार आ गई, सरकार बोलती है चलो लाओ एक काम करो टैक्स निकालो, लाओ जल्दी लाओ। एक आम आदमी के मन में हमेशा क्या आता है आपको पता है, टैक्स भरते वक्त उसके मन में आता है जाओ ना जाके अंबानी से लो, अडानी से लो, टाटा से लो, बिरला से लो, मेरे से काय को लेना है तुमको टैक्स, मैं काय को भरू, आएगा नहीं आएगा, कॉमन लेमन की बात समझिए सर, उसके मन में आएगा, यानी कोई भी व्यक्ति सोचना चाहता है कि जो ज्यादा पैसा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स पे करे और जो कम पैसा कमा रहा है वो कम टैक्स पे करे, रैशनल ह्यूमन थिंकिंग, यही कंसेप्ट से सरचार्ज को लेकर के आए थे, यही कंसेप्ट से सरचार्ज को लेकर आए थे, सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स, यस, अमीरों से ज्यादा वसूल करने के लिए एक पावर, अमीरों से ज्यादा लेने के लिए एक पावर, सो ड्यूटीज और टैक्सेस जो है वो इंक्रीज की जा सकती है सरचार्ज, अगर उनकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जा रही है तो, जाहिर सी बात है इमेजिन कीजिएगा, राइट, इमेजिन कीजिएगा, यू नो एसएस राजा माउली सर, आपको पता ही कौन है, राइट, डायरेक्टर है, बहुत आजकल काफी फेमस है, जब ये 1000 करोड़ कमा रहे हैं आप इमेजिन कीजिएगा, आपको नहीं लगता इनने टैक्स थोड़ा सा ज्यादा पे करना चाहिए, एज कंपेयर्ड टू विजय जो शायद 1000 करोड़ ना कमा रहा हो, माइट भी उसका 1% पे हो, तो उनने टैक्स ज्यादा भरना चाहिए मेरे से, ये मेरा कॉमन रैशनल थिंकिंग है। अब यहां पे उनके टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी ऐड किया जाएगा। मैं जानता हूं आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करके भूल चुके हैं, बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, रैशनल रैंडम पॉइंट फर्स्ट डे, इसके लिए सरचार्ज पहले लगता है सेस पहले लगता है, पक्की बात, यानी पहले टैक्स लगेगा, टैक्स के बाद क्या लगेगा सरचार्ज, और दोनों की टोटल पे क्या लगेगा सेस, क्लियर है मालिक। सो सरचार्ज इज अ पार्ट ऑफ टैक्स बट इट इज एन एडिशनल टैक्स, हर एक पे लगता है क्या, नहीं, सिर्फ जिनकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जाती है, आगे हम देखेंगे, लिमिट के ऊपर जाती है तो ही आपको टैक्स लगता है। आपको यह बता दूं सरचार्ज पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, देयर इज नॉट अ कॉमन सरचार्ज रेट फॉर एवरीवन, इंडिविजुअल्स के लिए अलग है, कंपनीज के लिए अलग है, फर्म्स के लिए अलग है, सरचार्ज रेट अलग अलग है, इसीलिए हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे उसको, राइट। अच्छा जी मुझे एक बात बताइए, सरचार्ज जो कलेक्ट किया जाता है इसे स्टेट कलेक्ट करता है या यूनियन, सॉरी स्टेट के पास रहता है, यूनियन के पास रहता है, या दोनों में डिवाइड होता है, टैक्स तो दोनों में डिवाइड होता है, परफेक्ट जवाब, ओनली यूनियन। क्या आपको पता है दो बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है कि क्या सरचार्ज डिवाइड होता है क्या, आंसर इज नो, सरचार्ज डिवाइड नहीं होता, सिर्फ यूनियन के पास रहता है। चलिए अब आपको, आप इसे समझदारी कहिए, चतुराई कहिए, ओपिनियन आपका, पर मैं आपको बताऊं 2014 में जब नई सरकार आई, दैट इज मोदी सरकार, राइट, इन्होंने 2014 से 2018 तक के बहुत अच्छे से काम किया, 2018 के बाद 2019 में फिर से री इलेक्शन आने वाले थे, अब यहां तक के इनकी समझदारी बहुत आगे के लेवल पे पहुंच गई। क्या आपको पता है 2019 का बजट देखिएगा सर, मोदी सरकार ने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, सरचार्ज इंक्रीज कर दिया 2019 से, फ्रॉम 2019 उन्होंने हर असेसी के लिए सरचार्ज चेंज कर दिया, पहले ये सरचार्ज सबके लिए कॉमन था, उन्होंने 2019 के बाद सरचार्ज असेसी टू असेसी चेंज कर दिया और सरचार्ज के रेट इंक्रीज किए, इनकम टैक्स के रेट इंक्रीज नहीं किए। इंपैक्ट क्या पड़ा, उनकी पॉलिसीज उनके नाम, ये पैसा कभी भी स्टेट में डिवाइड होने वाला नहीं है, तो कुछ पॉलिसी सिर्फ उन्हीं के नाम से चल रही है। अब आप इसे समझदारी कहिए, आप इसे चतुराई कहिए, ओपिनियन आपका, कि अब जितना पैसा कलेक्ट होता है सरचार्ज के नाम से, ये पूरा का पूरा सेंटर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं, सेंटर डिसाइड करती है इस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है। एंड दिस वॉज द ऑल्सो अ गुड पॉइंट कि कोविड के लिए जो इतना बड़ा फंडिंग निकला सरचार्ज की के अमाउंट यूज किया गया कि भैया हम हमारे तरफ से वैक्सीनेशन बांट रहे हैं, हर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे फोटो, जीवन भर के लिए उन व्यक्ति ने या एक पार्टी ने क्या कर लिया, एक बहुत बड़ा ब्रांड इमेज क्रिएट कर लिया।
आप सोच करके देखिए कितना बड़ा थॉट था, पैसा देश का, ब्रांड इमेज, आप समझ रहे हो ना। ही मैं उनके फॉलोअर में, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, बट कुछ जगह पे मैं उनकी समझदारी देख करके एकदम दंग रह जाता हूं। और ये वो समझदारी है कि यार तुमने टैक्स को इंक्रीज नहीं किया, तुमने सिर्फ किसको इंक्रीज किया, सरचार्ज, क्योंकि तुम्हें हमेशा से पता था कि ये सरचार्ज किसके पास आने वाला है, यूनियन। सोच देखिए, बहुत अलग चीज है, अच्छी चीज है, मतलब कोई थॉट देता है इस पॉइंट पे। कहां लिखा है सर ये सब, मैं मन की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल नंबर 271 को रीड कीजिए मेरे साथ, आपको समझ में आ जाएगा। पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी ड्यूटीज और टैक्सेस, ड्यूटीज पे भी लग सकता है, टैक्सेस पे भी लग सकता है, इंक्रीज एनी ड्यूटीज और टैक्सेस रिफर्ड इन दोज आर्टिकल बाय सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन। आप देख सकते हैं उसको ग्रीन कलर में लिखा है, इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन। यूनियन यानी स्टेट गवर्नमेंट पे ये कभी डिवाइड नहीं होता। टैक्स जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, टैक्सेस और ड्यूटीज जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, इसको यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाता है, लेकिन जो आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, सरचार्ज कलेक्ट कर रहे हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, यूनियन। एंड द होल प्रोसीड्स ऑफ सच शैल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो टैक्स और सरचार्ज जितना भी जा रहा है ये किसका पार्ट बन जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाएगा। यस, तीसरी चीज आती है बेटा सेस, जिसको रीनेम करके इन्होंने कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसीलिए आज इसे सेस नहीं लिखा जाता, HEC लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म चलता है। यस, HEC शॉर्ट फॉर्म चलता है, आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। सर HEC का मतलब क्या होता है बोलो बेटा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्या होता है इसका मतलब, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, राइट। अच्छा, ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वापस से सुनिए, ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, ये एक परसेंटेज कलेक्ट किया जाता है टैक्स का, एक पर्टिकुलर परसेंटेज, टैक्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज। अभी हाल फिलहाल में 4%, अगर आपको याद होगा, माइंड भी जब आपने इंटर किया होगा तो ये 3% था, शायद हो सकता है जब आपने इंटर किया हो तब ये 3% था, और उसके बाद ये 4% पे शिफ्ट कर दिया गया था। यस, सो आज ये 4% है। खैर, आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम परसेंटेज और रेट चार्ट डिस्कस नहीं कर रहे, वो आगे का पार्ट है हमारे। यस, नोट्स में आप देख सकते हो, और अब तक के तो आपको ये भी समझ में आ गया हो कि आपका नोट्स कितना एक्सटेंसिव बनाया गया है। यस, इसको बहुत सारी चीजों के साथ रखा गया है और बहुत थॉटफुली रखा गया है। सो कम ऑन, अगर आप देखेंगे सेस लगता है, ये जो सेस कलेक्ट होता है क्या ये किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, आंसर इज नो। देयर इज अ लॉ कि सेस जो कलेक्ट किया जाता है वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है जिस पर्पस के लिए उसको कलेक्ट किया गया हो। अब आज के दो पर्पस है हेल्थ एंड एजुकेशन। सरकार जब 2014 के अंदर में आई थी, इनके दो प्राइमरी एजेंडा थे, पहला एजेंडा था हेल्थ और दूसरा एजेंडा था एजुकेशन, और इस चीज को पूरा करने के लिए एक सेपरेट अमाउंट कलेक्ट की जाती है। अगर आप स्पेसिफिकली लोगों को बोलोगे कि चलो पैसे दो गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर जो स्पेसिफिक क्लास में नहीं आते उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, लोग कभी नहीं देने वाले ये अमाउंट, इसीलिए सेस के अमाउंट से निकाला जाता है। कुछ स्कीम जो इन पैसे से चल रही है, उनमें से पहला कोविड वैक्सीनेशन जो आपके करवाए गए, आपको 3 वैक्सीनेशन लग रहे हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सोच के देखिए सर, हो सकता है किसी ने डॉक्टर के यहाँ पे किया हो, वो डॉक्टर ने अपनी फीस चार्ज करी है, भारत सरकार आपसे कोई फीस नहीं ले रही थी। यस, पहला वैक्सीनेशन का डोज लगा, आपको दूसरा वैक्सीनेशन का डोज लगा, और तीसरा भी वैक्सीनेशन का डोज लगा। आप इमेजिन कीजिए, अगर यही वो चाहते तो कॉस्टली भी दिया जा सकता था, हर एक से अगर 400 रुपए भी कलेक्ट करते तो ये बहुत बड़ा फंड रेज हो सकता था, पर उन्होंने ये नहीं किया। इतने सालों से इस सेस का पैसा जो जमा था इसको यूटिलाइज किया गया। दूसरा, आपने हिचकी मूवी देखी है रानी मुखर्जी की, उसके अंदर में एजुकेशन दो स्कीम चलती है, मिड डे मील स्कीम और सर्व शिक्षा अभियान। मिड डे मील स्कीम के तहत गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फूड अवेलेबल करवा के दिया जाता है और उनको एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती है। तो ये जो फीस उन बच्चों को पढ़ाने की जो फीस लग रही है, ये भी भारत सरकार किससे निकालती है, सेस से निकालती है। सो कम ऑन अगेन, 3 चीजें हम डिस्कस करते हैं जब हम टैक्स डिस्कस करते हैं। टैक्स में सिर्फ टैक्स नहीं होता, जब हम आर्टिकल नंबर 265 पढ़ रहे हैं, टैक्स वर्ड पढ़ रहे हैं, तो टैक्स में सिर्फ टैक्स नहीं होता, टैक्स में क्या होता है बेटा, टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। What is tax? Tax is an amount collected by government to provide various facility. What is surcharge? Surcharge is a additional levy. Levied as per article number 271
इट इज कलेक्टेड इफ इनकम एक्सीड अ प्रिस्क्राइब लिमिट एंड इट इज कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स. इनकम का नहीं, टैक्स का एक परसेंटेज क्या कलेक्ट किया जाता है? सरचार्ज कलेक्ट किया जाता है. रही बात सेस की, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? HEC. नाउ इट इज कॉल्ड एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. इसको शॉर्ट फॉर्म में आप HEC ही लिखते हो. इट इज अगेन कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स. टैक्स मीन्स टैक्स आफ्टर सरचार्ज और रिबेट. जो नेट टैक्स पेबल आता है आपका, उसके ऊपर आप क्या लगाते हो? सेस लगाते हो. यस, इट इज कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज. ये उसी पर्पज के लिए ही यूज किया जा सकता है. एंड इट इज अगेन एन एडिशनल लेवी. ये एक्स्ट्रा है जो ओवर एंड अबाउट टैक्स लगाया जाता है. तो याद रखिए, जब आप आर्टिकल नंबर 265 पढ़ रहे हैं, जब आप आर्टिकल नंबर 265 पढ़ रहे हैं, टैक्स मीन्स डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इंटरनेशनल टैक्स. बट टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं, तब हम सरचार्ज और सेस की भी बात कर रहे हैं. लेविड और कलेक्टेड. कलेक्शन का मतलब है बेटा कलेक्शन एज वेल एज रिकवरी. रिकवरी से रिलेटेड भी लॉज है. अगर आप देखोगे रिकवरी से रिलेटेड भी क्या है बेटा? लॉ है कि आपसे रिकवर कैसे किया जाएगा. राइट, अथॉरिटी कौन होगी? जल्दी से रिवाइज कीजिए. दो अथॉरिटी हमारे पास, आर्टिकल 245, आर्टिकल 123. आर्टिकल 245 क्या बोलता है? पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी. पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी. एंड आर्टिकल 123, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो लॉ कौन बनाएंगे? प्रेसिडेंट बनाएंगे. ठीक है, और कोई भी टैक्स न लगाया जा सकता है, न इम्पोज किया जा सकता है, जब तक क्या ना हो? एक्ट. कोई एक्ट ना हो. एक्ट कैसे बनेगा? वापस से ऊपर जाइए. तीन प्रोसेस है, चलो फटाफट क्विक रिवाइज करो. लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंटर, लॉ इंटरप्रेटर्स. लॉ बनाया जाता है. यस बेटा, चलिए उम्मीद कर रहा हूं ये जो डीप डाइव हम कर रहे हैं वो आपको मजा आ रहा होगा, कई चीजें समझ में आ रही होगी. यस, चलो जी. अब बनते हैं आगे. हमें चार वर्ड पढ़ने हैं बेटा. हमें पहला पढ़ना था इनकम. ध्यान से सुनिए, हमें क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961. क्या आप जानते हैं पिछले दो ढाई घंटे से मैं सिर्फ एक वर्ड पे डिस्कस कर रहा हूं, एक्ट. मैंने इसके अलावा आपसे कोई वर्ड डिस्कस नहीं किया. एक्ट क्या होता है? एक्ट के अंदर सेक्शन होते हैं, एक्ट के साथ साथ प्रोविजन क्या रीड की जाती है, इसके साथ रूल्स क्या रीड किए जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. रिसेंटली हमने दूसरा वर्ड खत्म किया, टैक्स. टैक्स के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. टैक्स के साथ साथ क्या कलेक्ट किया जाता है, टैक्स कौन लगाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. दो वर्ड हमने खत्म कर लिए, इनकम टैक्स एक्ट. अब मैं आता हूं तीसरे इंपॉर्टेंट वर्ड पे, 1961. यार एक बात बताइए, दो साल पुरानी मैं शर्ट नहीं पहनता, दो साल पुरानी मैं मशीन्स यूज नहीं करता, दो साल पुरानी मैं 1961 का लॉ 2022-23 में पढ़ रहा हूं, क्या लॉजिक है? 1961 का लॉ है, मतलब आप सोच के देखो, आपने कभी ये क्वेश्चन रेज नहीं किया. फाउंडेशन में तुमको 1872 का लॉ पढ़ा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, तुमने क्वेश्चन रेज नहीं किया. उस टाइम पे भी तुम्हारा इशू क्या था? सिलेबस में दिया ना पढ़ने का, फुकट उछारी नहीं मारने की. ठीक है, 1932 का लॉ, मतलब अपने दादा ने भी जब जन्म नहीं लिया तब का लॉ पढ़ा रहे, और अब पढ़ा रहे 1961 का लॉ. जब तुम नहीं हुए थे, शायद मॉम डैड भी ना हुए हो, तब का लॉ तुमको अब पढ़ा रहे. क्या सेंस बनता है? अमेंडमेंट. लॉ उस टाइम पास किया गया है, लेकिन ये लॉ समय समय पे क्या होते हैं? अमेंडमेंट आते हैं. अब आते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर, तीसरा वर्ड अमेंडमेंट. अमेंडमेंट कहां से आता है? बजट. हर साल जो डायरेक्ट टैक्सेस में अमेंडमेंट आते हैं, ये कहां से आते हैं बेटा? बजट से. कहां से आते हैं? बजट से. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बजट कौन से एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है? सवाल का जवाब देने से पहले सोच लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये क्वेश्चन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन TCS के अंदर में पूछा था, सेम क्वेश्चन रिसेंटली वेदांता ने पूछा था अपने इंटरव्यू क्वेश्चन में. यस, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. And you will shock to know 90% of the student give the answer Finance Act. गलत जवाब है टोटली. सर्च गूगल.
द बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. इस एक्ट को कहा जाता है FRBM एक्ट. कौन सा एक्ट कहा जाता है? लिखा है, मत टेंशन लो, सब लिखा है. यस, द एक्ट इज कॉल्ड एज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. द एक्ट इज कॉल्ड एज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. इससे बजट बनाया जाता है. मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए. बजट दो प्रकार के होते हैं. एक होता है फाइनल बजट और दूसरा होता है इंटरिम बजट. कम अगेन, वापस से. कितने बजट होते हैं धरती पे? दो. इंडिया में दो प्रकार के बजट है. कम ऑन, वी आर नॉट डिस्कसिंग योर FM कैश बजट और वो वाला बजट. ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं भारत देश में जो फाइनेंस से रिलेटेड बजट होते हैं, ये दो होते हैं. पहला बजट होता है आपका फाइनल बजट और दूसरा बजट होता है आपका इंटरिम बजट. यस, फाइनल बजट हर साल आता है ऑन 1 फरवरी. फाइनल बजट आपको हर साल दिख जाएगा 1 फरवरी को. तो 1 फरवरी जैसे ही आएगा आपका बजट आ जाएगा, राइट. इंटरिम बजट उस साल आता है जिस साल में क्या हो बेटा? इलेक्शंस. इंटरिम बजट किस साल आता है जिस साल में क्या होते हैं? इलेक्शंस. अब आपको लास्ट आपको देखने को मिला था 2019 में, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा 2024 में. जब देश के अंदर में इलेक्शन हो, इस साल दो बजट आते हैं. सुनिए, हर साल जो देश के प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन होते हैं जुलाई के अंदर में. ये इलेक्शन कब होते हैं? जुलाई के अंदर में. तो जो ओल्ड वाली सरकार होती है, ये फरवरी में ही अपना एक बजट लॉन्च कर देती. ये फरवरी में ही क्या कर देती? अपना एक बजट लॉन्च कर देती, क्योंकि ये डेट तो फिक्स डेट है. ये अपना बजट लॉन्च कर देते. अब ये जो बजट होता है फरवरी में आएवा, ये कब तक के वैलिड होता है? जुलाई तक के वैलिड होता है. यानी ये होता है इंटरिम बजट. ये क्या होता है बेटा? इंटरिम बजट. हम इसके ऊपर एक ड्राइंग भी बनाएंगे. ये होता है इंटरिम बजट. अब ये इंटरिम बजट जुलाई तक के वैलिड होता है. जुलाई में जैसे ही आपकी नई सरकार बनती है, नई सरकार के प्रधानमंत्री आते हैं और इनका नया गठन होता है. यस, इनका पूरा मंत्रिमंडल नया गठन होता है. मे बी वही सरकार कंटिन्यू रहे, मे बी नई सरकार आ जाए, व्हाटसोएवर. ठीक है, अगस्त में से लेके सितंबर, जैसा जो भी सेशन अवेलेबल हो, इस सेशन के अंदर में आपका एक बजट आता है, वो है फाइनल बजट. और ये अगले मार्च तक के वैलिड होता है. यानी जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल दो बजट आते हैं. एक होता है इंटरिम बजट, एक होता है फाइनल बजट. यस, इस साल दैट इज 2023 के लिए कोई कोई इलेक्शंस नहीं है देश के. आपको एक ही बजट मिला 2022 में. कौन सा बजट? फाइनल बजट. यस, अब इसके आगे 2024 में जब कोई बच्चा रहेगा, इसको दो बजट पढ़ने होंगे, इंटरिम बजट एज वेल एज फाइनल बजट. सर मतलब उसकी तो डबल लगी. ऐसा नहीं होता. जनरल फेनोमेनन ये है, एक फरवरी को जो बजट आता है, सपोज इसने 70 अमेंडमेंट डिस्कस किए होंगे, तो 70 में से आप मान के चलिए 60+ जो होते हैं वो एज इट इज कैरी हो जाते. 5-10 जो होते हैं, हो सकता है नई सरकार के कुछ कमिटमेंट हो कि हम टैक्स रेट कम कर देंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो 7-8 अमेंडमेंट यहां पे कैरी हो जाते. जनरल यही आज तक होता आया है. यस, तो बजट कौन से एक्ट के हिसाब से बनता है जल्दी से बताइए? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. दो प्रकार के बजट होते हैं. फाइनल बजट हर साल पहले फरवरी को आ जाएगा. इंटरिम बजट सिर्फ इलेक्शन ईयर्स के अंदर में आता है. फरवरी में आ जाएगा, पुरानी सरकार अपना बजट बनाएगी. ये बजट कब तक चलेगा? जुलाई में. जैसी ही नई सरकार बनी, नया सरकार अपना बजट लेके आ जाएगी और वो वहां से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ईयर एंड तक के. ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें. आप में से कितने लोगों ने बजट स्पीच देखा सुना है? 1, 2, 3 लोगों ने देखा सुना है बजट को. बजट में सिर्फ टैक्स की बात होती है? बजट में सिर्फ टैक्स की बात होती है, हाँ या ना? ना. क्या क्या बात होती है? इन जनरल डिस्कशन कर रहा हूं. जैसे बजट आता है तो क्या क्या बात करते हैं ये लोग? पहला, क्या इसमें सिर्फ टैक्स की बात होती है? आंसर इज नो. इसके अंदर में आपको कई चीजें रहेंगी, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे, हॉर्टिकल्चर के बारे में बताएंगे, डिफेंस के बारे में बताएंगे. मतलब सिर्फ टैक्स की बात नहीं होती. बजट का एक पोर्शन टैक्सेस के ऊपर होता है. यस, पूरा स्टॉक मार्केट उस दिन उसी चीज का वेट करता रहता. यस, बाकी तो सेक्टर में आप जितना आवंटन कर रहे हो वो ठीक है. टैक्सेस इज द मेन थिंग, बिकॉज ये सबको इंपैक्ट करता है. तो बजट का एक पोर्शन होता है, फाइनेंस पोर्शन बोला जाता है इसे. इस फाइनेंस पोर्शन में आपके अमेंडमेंट्स आते हैं, राइट. अब मैं आपके जीवन की कुछ बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं जो आपने कभी भी ना देखी सुनी समझी है.
मुझे देखना है बजट का क्या स्पीच था। 1 फरवरी को बिजी था मैं, 14 फरवरी की तैयारी कर रहा था, मैं बिजी था। मुझे स्पीच देखना है, बोला क्या है, कहाँ से मिलेगा ये बजट? सर यूट्यूब से मिल जाएगा, सीधी बात है। सर टेक्स्ट पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता दूं, वहां पे जो बजट बनाया जाता है और एक्चुअल जो बजट आता है, ये दोनों बहुत अलग होते हैं। मतलब बातें वही लिखी हुई होती है, पर वहां पे पूरा रीड आउट नहीं होता, वहां पे सिर्फ हाईलाइट्स रीड आउट होते हैं, वहां पूरा रीड आउट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर 80 अमेंडमेंट्स आए हैं, सपोज अगर 80 अमेंडमेंट्स आए हैं इनकम टैक्स में, सो आप ये मान के चलिए उसमें से सिर्फ 30 से 40 ही ऐसे होंगे जो मेजर हाईलाइटेड होंगे, जो फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे एक्सप्लेन करते वक्त बोलते हैं। बाकी हर एक के अमेंडमेंट डिस्कस नहीं होते वहां पे। मैं आपको बता भी दूंगा, सबूत भी दे दूंगा, ठीक है। नाउ बजट चाहिए, कहाँ मिलेगा? वेबसाइट बताऊंगी, बताऊं? वेबसाइट है indiabudget.nic.in, unionbudget.nic.in भी वेबसाइट है। ये दोनों एक ही वेबसाइट, दोनों एक ही जगह पे लेके जाएंगे आपको। unionbudget.nic.in या indiabudget.nic.in, ये आपको दोनों एक ही जगह पे लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे अमेंडमेंट्स पूरे के पूरे। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? अमेंडमेंट्स। हर साल जो बजट आता है, क्योंकि देखिए मेरे भाई, आज तो तुम समझ लोगे क्योंकि तुम्हारे पास विजय सारडा की बुक है कि कहाँ कहाँ अमेंडमेंट आया। कल चल के प्रोफेशनल भी तो बनोगे, हर साल तुम मेरी बुक थोड़ी खरीदते बैठोगे। तुमको खुद से भी तो पढ़ना होगा ना, अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। वो कैसे करोगे? पता होना चाहिए कि इस वेबसाइट पे जाना है, बजट निकालना है, बजट रीड करना है, क्योंकि ओनली एन अपडेटेड प्रोफेशनल इज रिलेवेंट फॉर कंपनीज एंड अदर क्लाइंट्स। अगर आप अपडेटेड नहीं, आप कोई काम के नहीं, आप रिडंडेंट हो जाएंगे। इसलिए इस वेबसाइट पे जाना, इस वेबसाइट पे जाके तुमको बजट मिलेगा। लेकिन अब इसको पढ़ते कैसे हैं? चलिए कम ऑन, मैं अब आपको बहुत बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, आपको तीन चीजें मिलेंगी। पहला आपको मिलता है बजट, ठीक है, एक होता है बजट। दूसरा होता है बजट हाईलाइट, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को मिस करने की गलती मत करना। कोई लेक्चर स्पीड में देख रहा होगा, स्लो कर लेना। एक ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा मेमोरेंडम, तीसरा आपको मिलेगा मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। ऐसी तीन चीजें मिलती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आपके कोई काम का नहीं, ये सिर्फ एक पीपीटी टाइप बनाया गया डॉक्यूमेंट होता है, जहां पे लोगों को बताया जाता है कि भैया ओवरऑल बजट का हाईलाइट क्या है। यस, ये आपके कोई काम का नहीं। एज अ प्रोफेशनल आपके काम का है बजट। ये है फाइनेंस एक्ट कवर होता है इसमें। इसके अंदर में सेक्शन वाइज डिटेल दी होती है। कैसी डिटेल दी होती है? सेक्शन वाइज, कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट आया है। तो व्हेन यू वांट टू नो कि एग्जैक्टली अमेंडमेंट क्या आया है, यू टेक्निकली गो टू बजट, यूनियन बजट, बजट में जाते हो और उसमें आपको क्लियर कट दिखता है सेक्शन वाइज अमेंडमेंट कहाँ आया है। बट इसको पढ़ना एक बहुत लंबा टास्क है, क्योंकि इसमें डीटी प्लस आईडीटी दोनों के मिलाकर के 100-150 पेज होते हैं और उसको रीड करते बैठना होता है। फिर एक एक सेक्शन में जाना होता है, समझना होता है उसमें अमेंडमेंट कहाँ आया है। अब अमेंडमेंट क्यों आया है, इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी होती है मेमोरेंडम में। जब भी कोई टीचर पढ़ाता है कि अमेंडमेंट क्यों आया है, वो अपने मन से नहीं बताता, उसको देश दुनिया के बारे में इतना पता नहीं होता, वो इसको रीड करता है कि भैया ये अमेंडमेंट आया है तो इसका पर्पस क्या है। तो मेमोरेंडम के अंदर में लिखा होता है पर्पस ऑफ अमेंडमेंट, क्या थॉट दे करके लॉ मेकर ने लॉ बनाया। यही चीज यूज होती है जब कोर्ट इसका इंटरप्रिटेशन करता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर टू मेक दिस लॉ। और आपको है ना, यू नो, आपने अगर ग्रुप वन पढ़ा होगा तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज नाम का एक टॉपिक आता है आपको कंपनी लॉ में। जब कंपनी लॉ पढ़ते हो ग्रुप वन में, वहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज नाम का एक टॉपिक आता है। वहां आपको बताया जाता है कि कोर्ट कभी भी कोई इंटरप्रिटेशन करता है तो वो ये चीज जरूर देखता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ लॉ। और इंटेंशन ऑफ लॉ मिलता है यहां से, मेमोरेंडम से, कि भैया लॉ में जो अमेंडमेंट आया उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। यस, तो चलिए, मैंने बजट के बारे में आपको बहुत डिटेल समझाया। वापस से बताइए, बजट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? फाइनल, इंटरिम। आपके काम का सिर्फ अभी फाइनल है, नॉलेज मैंने आपको पूरा दे दिया। दूसरी बात, बजट जो आता है कौन से एक्ट से बनता है? FRBM। इसका फाइनेंस पोर्शन अप्रूव होने के बाद फाइनेंस एक्ट में ऐड हो जाता है। कहाँ मिलेगा बजट? indiabudget.nic.in या unionbudget.nic.in, ये दोनों एक ही जगह लेके जाएगा, दोनों वेबसाइट एक ही जगह पे लेके जाएगा। वहां पे तीन चीजें आपको, तीन डॉक्यूमेंट मिलेंगे। PDF अवेलेबल होता है इसका,
बजट मिलेगा, बजट हाईलाइट मिलेगा, मेमोरेंडम मिलेगा, ये आपके कोई काम का नहीं, ये सिर्फ एक पीपीटी है जो सिर्फ हाईलाइट दे रहा है विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, खत्म, ये आपके काम का नहीं है। कौन से एग्जैक्ट सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है वो आपको मिलेगा बजट में, और ये अमेंडमेंट आया क्यों है ये आपको कहाँ मिलेगा, मेमोरेंडम। इनफैक्ट मेमोरेंडम के अंदर में क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, मतलब कोई जब नया प्रोविजंस लेके आते हैं तो ये प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चंस भी डायरेक्टली वो लोग ही देते हैं कि भैया ये इसका क्वेश्चन है और इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन है। यस, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया कि भैया हम वर्चुअल डिजिटल असेट्स के ऊपर टीडीएस लेकर के आएंगे एंड टीडीएस विल बी ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम अबाउट 7 लाख, तो टीडीएस कैसे लगा, ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख और द ऑल एग्रीगेट अमाउंट, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बना करके दिया हुआ होता है। वही एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हर टैक्स का टीचर अपने बुक में भी इंक्लूड करता है क्योंकि वही बेस होता है इस लॉ को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। मजा आया नहीं आया, नई चीज पता चली? चलो अब कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी बातें सर लिखना है क्या? भाई मैंने पूरा बना के रखा है, मत टेंशन लो। बजट कितने प्रकार के होते हैं? 2। इनफैक्ट आपका क्लास भी बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चलने वाला है, ये सब बिल्कुल सीक्वेंस में लगा करके रखा है। सिर्फ आपके पास नोट्स होने चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आज मैंने इसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी डाला है इसका पीडीएफ, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। 2 प्रकार के बजट होते हैं, फाइनल बजट, इंटरिम बजट। हाईलाइट करना इंटरिम बजट वाले पोर्शन को, ये सिर्फ इन द ईयर ऑफ इलेक्शन होता है। यस, इन द ईयर ऑफ इलेक्शन होता है। बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर विच एक्ट, इसके नीचे आप लिखिए FRBM, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, लेटेस्ट अमेंडमेंट बाय 2003। इंटरव्यू क्वेश्चंस है, काम आएंगे। डन है बच्चा? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा मैं। बजट में बजट कौन सी वेबसाइट से मिलेगा? unionbudget.nic.in। बजट का फाइनेंस पोर्शन एडेड इन फाइनेंस एक्ट, बजट का फाइनेंस पोर्शन इज एडेड इन फाइनेंस एक्ट। ठीक है, फॉर बजट जस्ट लुक बजट एंड मेमोरेंडम। बजट के लिए कभी भी सिर्फ बजट को पढ़े या मेमोरेंडम को पढ़े। डन है? अच्छा जी, इसी के साथ साथ यहां पे स्पेस खाली है तो यहां आप लिख सकते हैं। इंटरिम बजट का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इंटरिम बजट का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, हाउ इंटरिम बजट वर्क्स। सपोज दिस इज 2024, राइट? ऑन 1 फेब 2024 यू विल गेट अ बजट। अराउंड जुलाई 2024 देर विल बी इलेक्शन। In August 2024, there will be new government. And in August or September, there will be new budget session. यहां से यहां तक का होता है interim budget, और यहां से लेकर के ईयर एंड तक का होता है फाइनल बजट।
और ये दोनों मिला करके आपका कंप्लीट बजट बनता है। 99% चांस होते हैं कि ये यू नो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे एक दूसरे को, वैसे ही होता है। हो सकता है इसमें कि कुछ चीज़ें यहाँ कट कर दें, इलेक्शन में जो आपने कमीशन यू नो जो कमिटमेंट दी है उस हिसाब से, या अकॉर्डिंगली जैसा भी बढ़ा दे कुछ पॉइंट। डन है मालिक? यस, मैंने आपको एक सवाल पे छोड़ा था, सवाल रिपीट कीजिए जरा। सवाल क्या था? एक्ट 1961 वेर एज रूल्स 1962, बराबर है? ये सवाल था आपसे, ये सवाल बहुत स्पेसिफिक सवाल था और इसका जवाब मैं अब आपको देना चाहूंगा। जब बजट में अमेंडमेंट्स आता है, ध्यान से सुनिए, जब बजट में क्या आता है, अमेंडमेंट आता है, तो ये जो अमेंडमेंट होते हैं ये दो होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स में भी होता है एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में भी अमेंडमेंट होते हैं, पर इनकी एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल अलग अलग होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट टैक्स का जो अमेंडमेंट होता है वो इफेक्टिव होता है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो अमेंडमेंट होते हैं वो उसी रात से अप्लाई कर देते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। चलिए वापस से सुनिए मेरी इस बात को, शायद आपका ध्यान नहीं है। डीटी के जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से चालू होते हैं, यस, जबकि आईडीटी के जो अमेंडमेंट्स होते हैं ये बिल्कुल उसी रात से इफेक्टिव हो जाते हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ये उसी दिन से चालू कर दिए जाते हैं। अब आईडीटी के अमेंडमेंट्स तो देखो, बजट आया, बजट के नेक्स्ट डे से आपका चालू हो जाएगा, या कोई और डेट स्पेसिफाइड होगी तो वहां से चालू हो जाएगा। हमारा काम है अब डीटी का, डीटी के जो अमेंडमेंट्स होते हैं ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से चालू होते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, बेसिक रूल। जिसका मतलब यह होता है कि आपको जो लॉ आज बनाया जा रहा है वो टेक्निकली अगले साल के लिए एप्लीकेबल होगा। पूछिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है, आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा है। कभी अगर आपने इनकम टैक्स देखा होगा तो आपको बचपन में, दैट इज जब आप इंटर के निब्बा निब्बी थे, तब आपको समझाया गया था असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, वी अर्न द इनकम इन प्रीवियस ईयर बट पे द टैक्स इन असेसमेंट ईयर। तो पूरा इनकम टैक्स जब आप पढ़ेंगे, कभी आप बेर एक्ट भी ओपन करके पढ़ेंगे, तो पूरा इनकम टैक्स आपको असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है, दैट इज आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। 1 फरवरी 2000 व्हाटएवर आपका बजट आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे ये आपका बजट इंट्रोड्यूस करेंगे, से यस। जब मैं ये कहता हूं कि ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से लागू होगा, इसका मतलब क्या है? 1 फरवरी सपोज कर लेते हैं 1 फरवरी 2022 को मैम ने क्या लेके आया, बजट लेकर के आया। अब ये बजट एप्लीकेबल कब से होगा? इमीडिएट 1 अप्रैल से ये अप्लाई कर देगा। दैट मींस यहां पे जो टीडीएस के रेट दिए होंगे, यहां पे जो टैक्स रेट्स एंड अदर रेट्स दिए होंगे, इसका प्रोविजन 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। मतलब 1 अप्रैल 2022 से ये प्रोविजन चालू हो जाएगा। पूरा साल, दैट इज 31/3/2022 नहीं 23 तक के ये चलता रहेगा। बट ये तो आपका प्रीवियस ईयर हुआ, जिस ईयर में आप क्या अर्न करेंगे, इनकम। एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी, टैक्स आपको कब देना है? अगर ये आपका प्रीवियस ईयर बना 2022-23, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या हुआ बेटा, 2023-24। व्हाटएवर इनकम इज अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, यस। अब 2022 में जो बजट आया है इसका एप्लीकेबिलिटी कब हो रहा है जरा देखना वाला, 2023। हेंस प्रूव्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंप्लीमेंट कब हुआ होगा, हेंस एक्ट 1961 एंड रूल्स 1962। और इनकम टैक्स के अलावा बहुत कम ऐसे लॉ है जहां आपको यह देखने को मिलेगा हेंस प्रूव्ड,
बहुत कम ऐसे लॉ है जहां आपको ये देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि जनरली जिस साल में लॉ आया है उसी साल में उसके रूल्स बन जाते हैं. लेकिन इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी ही कब आती है? नेक्स्ट ईयर. क्योंकि जो आप टैक्स पे करने वाले हो, इनकम तो आपने कमा ली, टीडीएस के रेट ये वो सब यहां अप्लाई कर गए, लेकिन एक्चुअली इसका जो पेमेंट है टैक्स का ये कब होने वाला है? अगले साल, दैट इज असेसमेंट ईयर के अंदर में. यानी प्रैक्टिकली जो 2022 का बजट है ये अप्लाई कब हुआ? 2023 के अंदर में. यस. अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं. आपका अटेम्प्ट है मई या जून, पूरे लेक्चर पे ही वापस 3 घंटे पहले वापस ले जाके खड़ा कर देता हूं. आपका अटेम्प्ट है मई 23, जून 23. बताओ बजट कौन सा एप्लीकेबल है? मई और जून 23 बजट कौन सा एप्लीकेबल है? 22. क्योंकि 22 का बजट की एप्लीकेबिलिटी टैक्स की कब आ रही है? 23. आपका अटेम्प्ट नवंबर या दिसंबर 23 है, अब भी आपका बजट क्या हुआ? 22. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन मेरे बच्चे, आपका अटेम्प्ट नवंबर या दिसंबर 22 है, अब बताइए आपका बजट क्या था? आपका बजट क्या था? 21. तो जो बजट, सी मैंने 1 फरवरी, वापस से ध्यान से सुनना, 1 फरवरी 2021 को बजट आया होगा. यह बजट लागू कब से हुआ होगा? इंप्लीमेंटेशन इसका 1 अप्रैल 2021 से चालू हो गया, राइट? इसमें जो भी टीडीएस के रेट आए थे, इसमें जो भी यू नो इनकम कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म आया था, जो भी अमेंडमेंट आए थे, ये जितनी इनकम हम कमाएंगे 31/3/2022 तक की, ये सारे ईयर में को हम कहेंगे हमारा प्रीवियस ईयर. इस प्रीवियस ईयर में हम क्या कमाएंगे? इनकम कमाएंगे. इस इनकम पे टैक्स कब देंगे? अगले साल 2022-23 के अंदर में. आप मुझे बताइए, फाइनेंशियल ईयर, इसको ऐसे समझो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिटर्न तुम कब भरोगे? रिटर्न भरने की डेट है 31 जुलाई 2022 या 31 अक्टूबर 2022. यानी इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर. रिटर्न भरते वक्त तुम टैक्स भर रहे हो. बजट 2021 का एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी कब देखने को मिल रहा है? असेसमेंट ईयर में. पूरा इनकम टैक्स कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है? असेसमेंट ईयर में. पूरा इनकम टैक्स कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बोलो भाई? असेसमेंट ईयर में. यस और नो, समझ में आ रही है बात? एंड हेंस प्रूव्ड एक्ट 1961, रूल्स 1962. चार पेज पढ़ाने के बाद फिर पेज नंबर 1 पे लेके जा रहा हूं. अब पढ़ो ये पहली लाइन, तुम्हें समझ आएगी. इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, क्योंकि जो टैक्स आप पे कर रहे हैं वो आने वाले साल में पे कर रहे हैं. समझ में आया इस लाइन का मतलब क्या है? सो एक्ट 1961, रूल्स 1962. ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है, दैट इज आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा हुआ है. क्योंकि हम इस साल सिर्फ इनकम कमाएंगे और उस पर टैक्स जो भरेंगे वो कब भरेंगे बच्चे? अगले साल. एंड हेंस इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप ये भी साथ साथ में लिख के रहें, डेट और टाइमलाइंस आप लिखते रहें. एक फरवरी 2022 को बजट आया होगा, 1 अप्रैल से लागू जरूर हो गया होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन चालू हो गया होगा. इसमें जो टैक्स रेट दिए होंगे, जो अमेंडमेंट होगा, सब कुछ 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा. मार्च एंड होगा, आप अपनी इनकम कंप्यूट करेंगे, इसके बाद असेसमेंट ईयर में आप इस पर टैक्स पे कर देंगे. और ये जो टैक्स पे होगा वो लास्ट ईयर के टैक्स रेट के हिसाब से होगा, जो लास्ट ईयर का टैक्स रेट फ्यूचर के बजट के लिए आया होगा. वैसे भी अगर आप देखेंगे, बजट इज अ फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट अ पास्ट डॉक्यूमेंट. बजट इज अ फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट कि हम आगे ये करने वाले हैं. इसीलिए बजट जो होता है 2022 का, वो 2023 को लगता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट. बजट कभी भी आप ट्रांजैक्शन हो गया उसके लिए नहीं बनाते. ट्रांजैक्शन जो हो गया उसके लिए बैलेंस शीट पीएल बनाते हो. जो हम करने वाले हैं उसके लिए क्या बनाते हो? बजट. समझ में आई बात?
तो आज जाइएगा अपने जितने दोस्त भाई यार रिश्तेदार होंगे उसको बोलना बता बजट तो आता है लगता कब से है। आप जब उसको ये बताओगे उसके आंख में आंसू आ जाओगे, बोलो भाई रिस्पेक्ट। वो सोचेगा तभी साला ये फाइनल में है। अंदर की सच्चाई अपने को पता है, ठीक है, अंदर की सच्चाई अपने को पता है, उस पर तो रौब जमा देने का जीवन में। तभी बोले हो तभी साला ये फाइनल में, उसको क्या पता अपने कितने अटेम्प्ट लगे जीवन में, ये सब नहीं बताने का उसको। यस चलो 1 2 3 एक बार बस क्विक रिवाइज करवा दीजिए मेरे को क्या क्या किया। कंटेंट आज का खत्म, अब और नहीं पढ़ रहे, राइट, बस मुझे फटाफट रिवाइज करिए। सबसे पहले हम लोग आए, हमने आ करके ये देखा कि भैया इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टोटली नॉट रिलेवेंट, हाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत काम की चीज थी। सर जेम्स विल्सन इसमें पॉइंट काम का है जिन्होंने इनकम टैक्स को लेकर के आया। टैक्स और रूल्स दोनों अलग अलग ईयर में है, इसका जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया जो मैंने आपको 3.5 घंटे पहले कुछ कमिट किया था। यस इसके बाद एट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962 एंड इट हैज 298 सेक्शन, ये एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है। फिर हमने सेक्शन नोटिफिकेशन सर्कुलर प्रोविजन रूल्स पढ़ा, इसके आगे हम आए, हमने ये देखा लॉ बनता कैसे है, लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंटर, लॉ इंटरप्रेटर, तीन विंग चलते हैं किसी भी लॉ के। यस फिर हमने ये देखा कि अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो ये डिफिकल्टी को रिमूव करने का पावर भी इनने अपने पास ही रखा हुआ है 298 सेक्शन। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज के पहले लेक्चर के अंदर में हमने दो सेक्शन पढ़े 295 298। यस कि भैया 295 पावर टू मेक रूल्स, 298 वो डिफिकल्टी रिमूव कर सकते हैं, ये भी एक पावर वाला सेक्शन है। फिर हमने समझा कि किसी के घर पे अगर रेड पड़ जाती है वो एक सवाल पूछता है तुम्हारे पास पावर कहां से आया, पावर कहां से आया, आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल नंबर 265 कहता है कोई भी टैक्स लगाना है, क्या भारत देश के प्रधानमंत्री रात 8 बजे कोई भी नया टैक्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी टैक्स लगाने के लिए पहले क्या चाहिए, एक्ट। वो एक्ट किसने पास करना चाहिए, एक अथॉरिटी ने, तब जाके आप किसी भी टैक्स को लेवी या कलेक्ट कर सकते हो। अथॉरिटी हमारे पास दो है, पार्लियामेंट अगर सेशन में है तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। फिर हमने देखा हम जब टैक्स की बात कर रहे हैं हम सिर्फ टैक्स, सरचार्ज और सेस तीनों की बात कर रहे हैं। टैक्स जो आप कलेक्ट करते हैं वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है, सरचार्ज जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ सेंटर के पास रहता है, स्टेट के अंदर में जाता नहीं। यस सेस जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। ये तीनों पैसा स्ट्रेट अवे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में जाता है और इसके बाद इसे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। यहां से हम आगे बढ़े, हमने देखा कि भैया 1961 का लॉ हम 2022-23 में क्यों पढ़ रहे, रीजन इसके अंदर में सिर्फ क्या आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं। अमेंडमेंट कहां से आते हैं, बजट से आते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं, दो, फाइनल इंटरिम, राइट। बजट की एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है, डीटी का उसी साल से होता है क्या, नहीं, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो चालू होता है। यस जबकि आईडीटी के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई कर जाते हैं, हेंस एक्ट 61 और रूल्स 1962, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल दैट इज असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है, हेंस दैट इज द रीजन वी गॉट टू नो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। यस मालिक, चलिए जी फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कुछ बातें। आपको रेगुलर बुक मिलने वाली है, आपको क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, चार्ट्स मिलने वाले हैं, एमसीक्यू। आप अगर ये लेक्चर बाद में देख रहे हैं हो सकता है चारों एक साथ आ जाएं। हाल फिलहाल में जो मेरे साथ लाइव स्ट्रीम ले रहे हैं या जो मेरे साथ फेस टू फेस ले रहे हैं आपको ये पार्ट्स में आएंगी। पहले हम बुक 1 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये होगा। अगर आपके पास अभी बुक होगी तो आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 के अंदर में करीब 24 टॉपिक्स दिए गए हैं। कितने टॉपिक्स दिए हैं, 24, जरा पलट करके देखिएगा, आपको इंडेक्स दिया हुआ है। इस इंडेक्स को बहुत सोच समझ के बनाया है, आप थॉटफुली देखिएगा तो इंडेक्स में आपको सेक्शन वाइज लिस्ट दी हुई है, कौन सा सेक्शन कौन से पेज पे है ये आपको इजीली मिल जाएगा। ये हेल्प करेगा कोई भी चैप्टर के सेक्शन को ढूंढने के लिए चैप्टर के नाम के साथ। मॉड्यूल 1 के अंदर में कुछ बड़े टॉपिक्स रखे गए हैं, जैसे मॉड्यूल 1 के अंदर में पूरा असेसमेंट रखा गया है, असेसमेंट्स पूरा रखा गया है, असेसमेंट प्रोसीजर्स पूरा रखा गया है। इसके अलावा आपका पीजीबीपी और टीडीएस भी इसी टॉपिक के अंदर में कवर हो रहा है, यानी आपके मेजर टॉपिक्स इसके अंदर में रखे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक जो एक या दो पेज के हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कई टॉपिक तो एक या दो पेज के ही आपको, टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज वाले। कुछ बातें और जानना चाहेंगे आप, बस 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा लूंगा और कुछ नहीं। पहला सर, डीटी में टॉपिक कितने हैं, डीटी और इंटरनेशनल टैक्स में मिला करके? 24 तो आप सिर्फ मॉड्यूल 1 में दे रहे हो मेरे को। एनी आइडिया, एनी गेसेस? सर 43 टॉपिक है सर, 43। कितने? 43 टॉपिक है आपको इन टोटल डीटी एज वेल एज इंटरनेशनल टैक्स मिला करके। हालांकि बड़े टॉपिक बहुत छोटे, बड़े टॉपिक बहुत कम है, मैं आपको सेग्रीगेट कर दूंगा कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं। छोटे छोटे टॉपिक बहुत है, टैक्सेशन ऑफ HUF, टैक्सेशन ऑफ फर्म, टैक्सेशन ऑफ LLP, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बहुत सारे हैं, बट इन टोटल आपको 43 टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्स को मिला करके। मॉड्यूल 1 आपका 24 टॉपिक्स कवर कर रहा है, मॉड्यूल 2 जो आएगा ये आगे के टॉपिक फर्दर कवर करेगा। यू मे गेट वन
सॉरी यू मे गेट टू और थ्री मॉड्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन, मैं एक वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा, मैं इसे छोटा ही रखना चाह रहा हूँ, ठीक है मालिक, और उसके आगे ये कवर हो जाएगा। चलिए और कोई पॉइंट जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, इफ़ एनी, तो मैं आगे के लेक्चर के अंदर मैं बता दूंगा। पहले ये जो 5-10 लेक्चर दिख रहे हैं ये आपको यूट्यूब के ऊपर भी दिख जाएंगे, यस ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जो बच्चा फेस टू फेस देख रहा है, आपको भी एक बैकअप लेक्चर का मिलेगा, मतलब फेस टू फेस तो आप देखोगे ही देखोगे, इसके अलावा आपको बैकअप लेक्चर की मैं की भी दूंगा, बाद में रिवाइज करने का मूड हो सकता है, आर्टिकल चिप का कोई पीरियड आए या कुछ आप मिस आउट कर जाए, तो ये फैसिलिटी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ आप लोग के लिए भी। सैलरी और एचपी के भी लेक्चर्स इसके अंदर में कवर होंगे आगे। और हाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ, कुछ लेक्चर्स जिसके अंदर में चेंज नहीं आए होंगे या जो बहुत छोटे टॉपिक है, हो सकता है एक या दो लेक्चर जो है मैं आपको इसका वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँ यहीं पर, कि भैया ये बहुत छोटे टॉपिक है, इसमें कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, आप इसको अपने लेवल पे देख सकते हो, तो ये दिया जा सकता है। डन है सर, कोई स्पेसिफिक सवाल जो आप पूछना चाहते हैं प्लीज ओपन अप, कोई डाउट होगा प्लीज ओपन अप, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, एल्स विल एंड द लेक्चर फॉर टुडे। कोई सवाल मालिक? नहीं, ओके। कल से एक चीज और करना है आपको, कैलकुलेटर आप कल से लेके आएंगे, कल से हम लोग टैक्स रेट्स चालू करने वाले हैं, राइट, तो कल से कैलकुलेटर प्लीज अपने साथ लेकर के आइएगा। सी यू टुमारो, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बोलो बच्चों।